तो आज हम देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का पहला चैप्टर जो की रिविजन टूर वन और इसके बाद फिर रिवीजन 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 भी, भी हमारे पास टू। तो क्लास के चैप्टर चैप्टर नंबर वन, टूर और टू, टूर टू, इन दोनों को देख के तुम्हारा का, पूरा का पूरा क्लास इलेवंथ का जो पाइथन का सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा और अगर तुम्हारे जान पहचान में कोई जूनियर है जिसके एग्जाम्स आने वाले हैं और उसको नहीं देखना है बहुत सारी वीडियोज मतलब अपने पाइथन की जितने भी वीडियोज हैं क्लास इलेवंथ में अगर नहीं देखनी है बहुत कम टाइम बचा है उस उसपे तो तुम उसको ये रिकमेंड कर सकते हो कि तुम क्लास ट्वेल्थ की ये दो तो वीडियो देख लो रिविजन टूर वन और रिविजन टूर टू इससे क्या होगा कि उसका सिलेबस बहुत कम टाइम में कम्प्लीट हो जाएगा तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में तुम्हें मैं क्या ही दो तुम सब जानते हो पाइथन क्या है पाइथन एक बहुत ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसे गुडो वैन रोसम ने बनाया था और अब बात करते हैं टोकन्स के बारे में तो टोकन्स में कुछ चीजें हैं की वर्ड आइडेंटिफायर्स लिटरल्स और ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स ठीक है तो अब इनका सीक्वेंस तुम याद करने के लिए तुम किल्पो याद कर सकते हो ठीक है के आई एल पी ओ तो कीवर्ड आइडेंटिफायर लिटरल और फिर इसको मैं वगैरह अगर ओपन कर दो पंक्ुएटर्स यहाँ से हटाकर हाँ तो यहां पर तुम किल्पो बस याद रखो के आई एल पी ओ कीवर्ड आइडेंटिफायर लिटरल पंचुएटर्स और ऑपरेटर्स ये सारे क्या हैं टोकन में आते हैं ठीक है अब कीवर्ड्स क्या होते हैं कीवर्ड्स वो सारे नाम होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं हमारे पाइथन में ठीक है अब जैसे कि अगर मुझे किसी वेरिएबल का नाम रखना है ठीक है या फिर किसी ए, एक खुद से एक फंक्शन बनाना है और उसका नाम रखना है तो उसका जो मैं नाम रखूंगा वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए ठीक है कीवर्ड कौन सी चीजें हैं कीवर्ड जो है वो ऐसी चीजें हैं जिनका मतलब पाइथन को पता है जैसे इफ एल्स फॉर तो ऐसे करके कुछ की वर्ड हमारे पास जिनका मतलब पाइथन को पता है तो हम वो नाम उठा के अपने वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते अगर हमें कोई वेरिएबल बनाना है उसमें कोई वैल्यू असाइन करनी है तो उसमें हम कोई कीवर्ड का नाम नहीं रख सकते जैसे कि हम किसी वेरिएबल का नाम इफ नहीं रख सकते किसी वेरिएबल का नाम फॉर नहीं रख सकते ठीक है आगे बढ़ते हैं अब आता है आइडेंटिफायर ठीक है अब आइडेंटिफायर वो चीज़ है जो हम नाम रखते हैं जैसे हमने अगर कोई वेरिएबल बना लिया ए तो वो ए क्या हो गया आइडेंटिफायर हो गया ठीक है अब कोई फंक्शन बना रहे फन ठीक है fun, तो वो भी एक आइडेंटिफायर हो गया ठीक है ना तो बस ये दोनों इस तरह से मिलती जुलती है कीवर्ड जो है वो कंप्यूटर को समझ में आता है क्या है वो नाम कंप्यूटर को समझ में आता है और आइडेंटिफायर की बात करें तो वो सिर्फ हमें समझ आता है ठीक है कंप्यूटर बस एज इट इज उसको उठा के ले लेता है ठीक है अगर हमें कोई वेरिएबल वगैरह का नाम रखना होगा तो हम वो आइडेंटिफायर के थ्रू रखेंगे मतलब उसे आइडेंटिफायर करेंगे अब आते हैं पे ठीक है तो लिटरल किसे कहते हैं लिटरल किसी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू या फिर किसी फिक्स्ड वैल्यू को कह सकते हैं जैसे कि स्प्रिंग लिटरल ठीक है तो स्ट्रिंग में तुम्हें बताने वाला हूँ फिर नंबर्स के बारे में बताने वाला हूँ नंबर्स यहाँ पर हम किन किन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है और एक स्पेशल लिटरल यहाँ पर नन भी है ठीक है तो अभी बात कर लेते हैं लिटरल्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में ठीक है तो उसके लिए सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं स्ट्रिंग्स डॉट पी वाई ठीक है कोई भी अगर तुम्हें फाइल बनानी है पाइथन में तो तुम यहां पर देखो और यहाँ पर हम पहले फाइल का नाम रखते हैं उसके बाद फिर डॉट पी वाई एक्सटेंशन देते हैं ठीक है और अब अगर मुझे कोई स्ट्रिंग बनाना है तो एक काम करते हैं हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं ए नाम का ठीक है अब इसी इसमें मुझे साइन करवाना है अपना नाम असाइन करवाना है अपना नाम तो इक्वल टू देखे यहाँ पर मैं डबल कोर्स करूंगा ठीक है और यहाँ पर बस मैं अपना नाम लिख दूंगा तो इस तरह से यहाँ पर ये यह स्ट्रिंग मैंने असाइन करवा लिया ठीक है यहाँ पर अब तुम्हें तो कोई सेमी कॉलन या फिर कोई ब्रैकेट वगैरह देने की जरूरत नहीं है बस इतने में ही ये काम हो चुका है ठीक है और तुम्हें कोई भी चीज प्रिंट करवानी हो तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लिखोगे ठीक है और इसके अंदर तुम वो चीज़ पास कर कराओगे जो चीज तुम्हें प्रिंट करना है ठीक है यहाँ पर तुम्हें देखो इस तरह से प्रिंट लिखना है और पैरेंथेसिस के अंदर तुम्हें वो चीज़ लिखना है जो चीज तुम्हें प्रिंट करवाना है अगर मैं यहाँ पर ए लिखूं तो क्या ये ए प्रिंट करेगा या फिर मेरा नाम प्रिंट करके देगा ठीक है तो ये बहुत आसान है क्योंकि ये ए है तो ये ए को एज इट इज़ नहीं उठाएगा यहाँ पर मैंने अगर ए को इस तरह से लिखा होता तो ये ए प्रिंट करता मैं तुम्हें दिखाता हूँ आउटपुट यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा आउटपुट ए आ रहा है लेकिन अगर मैं डबल कोट्स हटा दू यहां से और अभी अगर मैं तो यहां पर इसे रन कराऊं तो यहां पर ये राजनाथ प्रिंट कर रहा है तो ये सिंपल है इस तरह से हमने यहां पर एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग हम स्ट्रिंग कह सकते हैं स्ट्रिंग में हम क्या कर सकते हैं स्ट्रिंग में हम कोई अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स या कैपिटल हो या स्मॉल हो या फिर कोई नंबर्स या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर स्पेस टैब कुछ भी ठीक है ये सारा कुछ भी हम आ, अपने एक स्ट्रिंग के अंदर रख सकते हैं ठीक है और ये स्ट्रिंग को एज इट इज उठा के फरता है ठीक है तो हमने क्या किया यहाँ पर ए में इस स्ट्रिंग को स्टोर करवाया या फिर हम कह सकते हैं असाइन करवाया और उसके बाद फिर हम ए को प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पर ठीक है और अगर मैं प्रिंट के अंदर यहाँ पर स्ट्रिंग में डालू ए को तो ये स्ट्रिंग को एज इट इज उठाएगा मतलब ये डायरेक्ट ए प्रिंट करेगा देखते हैं ये ए प्रिंट कर रहा है और अगर मैं ए को हटाऊं यहाँ पर ये कॉलम सामने सॉरी और अगर मैं कोर्ट्स को हटाऊं तो यहाँ पर इसे रन करके दिखाऊं तुम्हें तो ये राजनाथ प्रिंट कर रहा है ठीक है अब ये तो बात होगी सिंपल ठीक है अब यहाँ पर ये जो कोर्ट्स लगे हुए हैं डबल कोर्ट्स इसके जगह में सिंगल कोर्स भी लगा सकता हूँ यहाँ पर मैंने सिंगल कोर्ट लगा दिए ठीक है और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं ट्रिपल कोर्स भी लगा सकता हूँ सबके अलग अलग फायदे हैं मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है देखो तो मैंने यहाँ पर ट्रिपल uh, कोर्ट से भी लगा दिया लेकिन तुम्हें एक चीज नहीं करनी है अगर तुम शुरू कर रहे हो सिंगल कोर्ट से तो तुम्हें खत्म भी सिंगल कोर्ट पे कर, करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि तुम सिंगल शुरू कर रहे हो सिंगल कोर्ट पे और खत्म कर रहे हो डबल कोर्ट पे या फिर ट्रिपल कोर्ट्स पे और हाँ और एक और चीज ये कि तुम डबल कोट अगर तुम्हें लगाना है तो तुम डबल कोट्स ही लगाओगे ऐसा तुम्हें नहीं करना है कि तुम सिंगल कोट दो बार लगा दो ठीक है ये अलग है और ये अलग है ठीक है तो जिस चीज से शुरू करो ध्यान रहे कि उसी चीज से तुम खत्म करो अब बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं कि डबल कोट और सिंगल कोट में क्या डिफरेंस है अगर मैंने यहाँ पर इस तरह से राजनाथ लिखा हुआ है ठीक है तो अगर मुझे बीच में एन को कोट्स के अंदर रखना हुआ तो मैं क्या करूंगा सिंगल कोट ऐसे रख दूंगा और उसके बाद ऐसे प्रिंट करवाने वक्त ऐसे मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये ये प्रिंट हो जाएगा लेकिन क्या होता अगर मैं यहाँ पर एन को डबल कोट के साथ क्लोज करता तो एन क्लोज करता तो तुम यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ये कुछ अजीब सा आ रहा है ये क्या है यहाँ पर ए में हम राज अलग स्टोर कर रहे हैं उसके बाद फिर ये समझ नहीं पा रहा है कि यहाँ पर तुमने एन कहाँ से ले आया तुम उसके बाद ए टी एच ये अलग हो गया ठीक है तो ये कोई वैलिड स्ट्रिंग नहीं है ठीक है तो ये गलत हो गया स्पॉट आते हैं अब देखो अब यहां पर अगर मैं बाहर एनक्लोज करूँ सिंगल कोट से ठीक है अगर मैं बाहर इनक्लोज करूं सिंगल कोट से तो मैं अंदर कहीं डबल कोट वाला काम कर सकता हूं ठीक है इससे क्या होगा कि जैसे ही इसे पता चलेगा कि स्ट्रिंग यहां से शुरू हो रही है तो इस पे ये खत्म करेगा और बीच में जो आ रहा है कोटेशन उसे वो रख लेगा अगर मैं इसे अभी प्रिंट करूं तो यहां पर तुम देख सकते हो उस तरह से ये आ चुका है आउटपुट ठीक है तो ये काफ़ी आसान था अब यहां पर हम बात करते हैं ट्रिपल कोर्ट्स के बारे में ठीक है तो ट्रिपल कोर्ट्स क्या करता है जब भी तुम ट्रिपल कोर्ट्स लिखते हो ना तो तुम मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स डिक्लेयर कर सकते हो जैसे अगर मैं राज अलग और नाथ अलग करना चाहूँ यहाँ पर मैं अगर एंटर कर दूँ तो अब देखो ये वैलिड है ठीक है अगर मैं इसे भी प्रिंट कराऊँ देखो ये चल रहा है राज अलग और नाथ अलग ठीक है लेकिन अगर मैं यहाँ पर डबल कोर्ट्स लिखता और मल्टी लाइन में ही रखता ठीक है हाँ तो तुम देख रहे हो ये वी एस कोड ही मुझे बता रहा है कि ये गलत है और अगर मैं इसे रन करूँ तो ये मुझे तो एरर देगा ही ठीक है ये मेरे को मेरे पास एरर आ रहा है ये कौन सा एरर है सिंटैक्स एरर है ठीक है ना और अगर मुझे मल्टी लाइन ये नहीं चल रहा है और अब अगर मुझे नीचे लाइन में प्रिंट करना है राज को ऊपर प्रिंट करना है नाथ को नीचे प्रिंट करना है तो ये कैसे होगा अगर मैं सिंगल कोट या फिर डबल कोट में ये कराना चाहूँ तो तो ये नहीं हो रहा ना तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास आता है एक एस्केप सीक्वेंस अब एस्केप सिक्वेंस बहुत सारे होते हैं मैं उनके बारे में भी तुम्हें बताऊंगा लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें बता देता हूँ एक स्पेशल एस्केप सीक्वेंस के बारे में जो कि है बैक स्लैश एन ठीक है इसका मतलब होता है न्यू लाइन इसको अगर मैं यहाँ से हटाऊ और अगर मैं यहाँ पर अपने स्ट्रिंग में इसे रखू ठीक है यहाँ पर अगर मैं स्ट्रिंग में रखूँ बैक स्लैश एन ठीक है तो अब ये देखो मेरा ये जो वी एस कोड है इसने ऑलरेडी समझ लिया है कि ये एक एस्केप सीक्वेंस है अगर मैं इसे अभी सेव करके ऐसे रन करूँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो राज और नाथ अलग अलग आ रहा है ठीक है तो ये काफी इजी था यहाँ पर मैंने बैक एन लगा के यहाँ पर एक लाइन जो है वो चेंज कर लिया अगर मैं यहाँ पर उसके लिए आ, सिंगल कोट से ये ट्राई करूं तो भी ये हो जाएगा देखो ये हो जा रहा है तो ये हमारे एस्केप सीक्वेंस के बदौलत हो रही है ठीक है और अगर मैं यहाँ पर बैक एन हटा दू तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक एन है यहाँ पर तो मैं दिख रहा होगा तो ये क्या करेगा यहाँ पर एन को नेग्लेक्ट कर देगा मतलब यहाँ पर एन नहीं आने देगा आर ए जे और उसके बाद फिर लाइन चेंज करेगा और उसके बाद फिर ए टी एच प्रिंट करेगा ये देखो तुम्हें तो यहाँ पर दिख रहा होगा तो इस तरह से हमारा जो स्ट्रिंग का काम है वो हम करवा सकते हैं इसे मैं सेव कर लेता हूँ ये था स्ट्रिंग लिटरल अब बात करते हैं आगे न्यूमेरिक लेटरल्स के बारे में ठीक है और न्यूमेरिक लेटर में क्या है हमारे पास जो भी नंबर्स होते हैं इस तरह से हम नंबर्स को डिक्लेयर करते हैं जैसे जावास्क्रिप्ट अगर तुमने पढ़ी हो तो वहां पर क्या होता है सिर्फ नंबर होता है वहां पर इंट फ्लोट ये सब नहीं होता ठीक है और वहीं अगर हम बात करें सी या सी प्लस प्लस की तो उसमें उसमें होता है ठीक है लेकिन यहाँ पर भी है पाइथन में भी है ठीक है तो तुम्हारे पास कौन कौन सी चीजें हैं इंट ठीक है int, इसमें तुम डेसिमल टाइप के नंबर्स डिक्लेयर कर सकते हो ऑक्टल एक्सर डेसिमल भी तुम डिक्लेयर कर सकते हो फिर हमारे पास आता है फ्लोट और कॉम्प्लेक्स तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट के बारे में देखो यहाँ पर जैसे मैंने एक स्ट्रिंग रखा हुआ है तो एक काम करते हैं स्ट्रिंग को यहाँ पर हटाते हैं और मैं यहाँ पर वन रख देता हूँ ठीक है अगर मैं इसे अभी प्रिंट करूँ तो ये मेरे को वन आउटपुट दे रहा है ठीक है और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट के अंदर भी वन लिख दूँ ना तो ये भी चल जाएगा ये वन आ गया है लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे कोट्स के अंदर रखू ठीक है तो ये वन आ रहा है ठीक है लेकिन ये अलग वन है पता है क्यों क्योंकि यहाँ पर मैं इस स्ट्रिंग वाले से स्ट्रिंग वाले वन से कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा पाऊंगा वहीं अगर मेरे पास आए वन इस तरह से तो मैं इसे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करा पाऊंगा ठीक है क्योंकि ये स्ट्रिंग को पढ़ता नहीं है जैसा है वैसा ही उठा के रख देता है आउटपुट स्क्रीन पे और ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं उनको ये इवेल्युएट करता है ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर वन प्लस फाइव लिखूँ अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो ये मेरे को सिक्स प्रिंट करके देगा दिख रहा है तुम्हें और अगर यहाँ पर वन प्लस फाइव के अलावा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ पहले मैं स्ट्रिंग में रख देता हूँ वन प्लस फाइव ठीक है अब अगर मैं इसे रन करा के दिखाऊं तो ये डायरेक्ट वन प्लस फाइव रन कर रहा है ऐसा क्यों क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बताया कि जब भी हम कोर्ट्स में रखते हैं चीजों को तो वो मैथमेटिकल चीजों को इवेलुएट नहीं करता और कोर्ट्स पे नहीं रखेंगे हम तो वो एज इट इज उठा के पटक देगा ये रहा बस तो ये हो गया इंट और इंट में हमने ये डेसिमल टाइप देख लिया अब बात करते हैं ऑक्टल के बारे में तो यहाँ पर मैंने जीरो और स्मॉल क्यूँ लिखा हुआ है ठीक है क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर ये तो अगर तुम्हें कोई ऑप्कल नंबर यहाँ पर स्टोर करना है ठीक है तो उसके लिए तुम क्या लिखोगे पहले ज़ीरो लिखोगे फिर स्मॉल ओ लिखोगे और इसके बाद यहाँ पर तुम कोई एक नंबर लिख सकते हो जैसे सेवन सेवन अगर मैंने लिख दिया ठीक है तो ये एक ऑप्कल नंबर है इसे तुम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करो तो तुम्हें क्या मिलेगा अगर मैं इसे ए करूँ ठीक है ऐसे ए मैंने प्रिंट करवा दिया यहाँ पर अगर मैं इसे भी रन कराऊँ तो तुम्हारे पास सिक्सटी आ रहा है मतलब क्या है कि इस चीज़ का जो डेसीमल में वैल्यू है वो सिक्सटी है ठीक है तो ये आसान था और अब अब हमारे पास ज़ीरो एक्स भी है ठीक है तो अगर तुम्हें ज़ीरो एक्स अगर यहाँ पर मैं एक्स कर दूँ इसको हटा के ठीक है अगर अभी मैं इसे रन करूं तो ये वन वन नाइन आ गया अगर मैं तुम्हें इसे कन्वर्ट करा के देखना है ठीक है मैं इसको कन्वर्ट करा के दिखाता हूँ तो यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट खोल ली है जो नंबर सिस्टम से मुझे कन्वर्जन करके देती है ठीक है अगर मैं हेक्साइड एस वाला ये जो नंबर है इसको उठा के यहाँ पर डाल दूँ फिर क्या होता है अगर मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ तो तुम्हें दिख रहा होगा ये वन वन नाइन आ रहा है ठीक है सेम है आउटपुट के जैसा और अगर मैं जीरो एक्सपोटा के जीरो और स्मॉल ओ करूँ तो ये कौन सा डेसिमल सिस्टम है सॉरी ये कौन सा नंबर सिस्टम है ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है अगर मैं इसे भी रन करूँ तो सिक्सटी थ्री आ रहा है इसे भी चेक करवाना है तो अगर मैं इसे उठा लूँ यहाँ से मैंने उठा लिया ठीक है और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर मैं ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्ट करा हूँ हाँ ये कर रन कराऊँ तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा ये सिक्सटी थ्री है बस तो ये आसान है आगे बढ़ते हैं अब आता है हमारे पास फ्लोट तो देखो फ्लोट भी काफी इजी है बस तुम जो भी नंबर लिख रहे हो यहाँ पर मान लेते हैं मैंने सेवन लिख दिया ठीक है अब अगर मैं इसे डेसिमल में रख दू सेवन पॉइंट जीरो तो ये फ्लोट हो गया ठीक है या फिर सेवन पॉइंट वन भी हो गया या फिर सेवन पॉइंट वन टू थ्री हो गया सॉरी जो भी है तो ये हमारे पास एक फ्लोट नंबर सिस्टम है इसे हम फ्लोट कहते हैं सिंपल और अगर तुम्हें किसी भी चीज का टाइप देखना है ना कि ये कौन से डेटा टाइप का है तो यहाँ पर तुम्हें बस इसे टाइप फंक्शन के अंदर पास करवा दो ठीक है टाइप ऑफ ए ठीक है मैंने यहाँ पर प्रिंट क्या करवाया टाइप ऑफ ए ठीक है बस टाइप के अंदर उस वेरिएबल को डालो तो मैं दिख जाएगा कि वो कौन सा डेटा टाइप का है अगर मैं इसे रन करूँ तो, तो तुम्हें दिख रहा है ये फ्लोट डेटा टाइप का है ठीक है तो अब अगर यहां पर इसे मैं हटा दू अब मैं अगर तुम्हें दिखाऊं एक चीज कि अगर मैं टेन को टू से डिवाइड करना चाहता हूँ तो क्या आना चाहिए क्या आना चाहिए पहले मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट करवाता हूँ मैं ए को ठीक है और अगर मैं टेन को टू से डिवाइड कर रहा हूँ तो फाइव आना चाहिए ठीक है लेकिन अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ तो यहाँ फाइव नहीं आ रहा है यहाँ पर फाइव पॉइंट जीरो आ रहा है और इसका क्लास जो है वो फ्लोट है तो ये एक रूल है पाइथन में कि जब भी हम इंटीजर्स को डिवाइड कर, करते हैं तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक फ्लोटिंग नंबर सिस्टम ही आता है ठीक है जैसे यहाँ पर फाइव आना चाहिए तो पर हमारे पास फाइव पॉइंट जीरो आ रहा है और क्या हो अगर मैं फाइव टेन पॉइंट जीरो को ऐसे प्लस करवाऊँ टू से तो क्या आना चाहिए यहाँ पर बताओ तुम यहाँ पर ये यह ट्वेल्व आना चाहिए या फिर ट्वेल्व पॉइंट जीरो आना चाहिए और उसका जो टाइप है वो अगर ट्वेल्व पॉइंट जीरो आया तो वो तो फ्लोट फ्लोट हो जाएगा ठीक है तो अगर मैं इसे रन करूँ तो तुम देख सकते हो यहाँ पर ये यह ट्वेल्व पॉइंट जीरो आएगा ठीक है तो ये एक टाइप कन्वर्जन है हमारा जो पाइथन है वो खुद ही समझ जाता है कि इसे किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है ठीक है ना क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो फ्लोट नंबर सिस्टम है ये थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक है ये हमें ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ें बताता है इसलिए ये इसमें हमें कन्वर्ट करके दे रहा है एक्सप्लेसिट टाइप कन्वर्जन और इम्प्लेसिड टाइप कन्वर्जन के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं तो आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास है कॉम्प्लेक्स तो अगर तुमने क्लास एलेवेंथ में कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा या फिर मैं अगर तुमने नहीं पढ़ा तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम भी है जिसमें क्या होता है कि हमारे पास एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है और इसे हम ए प्लस आई जे के फॉर्म में लिखते हैं या फिर तुम कुछ भी कह सकते हो यहाँ पर पहले तुम्हें अपना रियल पार्ट जो है वो देना पड़ता है मान लेते हैं कि थ्री और उसके बाद तुम्हें एक प्लस देना होता है और उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है वो लिखना पड़ता है और उसके बाद एक जे लगा दो ठीक है जे किसको रिप्रेजेंट करता है जे आयोटा को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ माइनस वन तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट uh, कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करा के दिखाऊं तुम्हें या फिर हाँ ठीक है चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं और उसके बाद प्रिंट करवाएंगे इसका टाइप भी ठीक है टाइप ऑफ सॉरी टाइप ऑफ ए अगर मैं इसे सेव करके रन करूं तो यहाँ पर तुम देख सकते हो थ्री प्लस टू जो आ रहा है और क्लास हमारे पास कॉम्प्लेक्स है तो बस यही है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स भी इस तरह से हम आ, रख सकते हैं आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास है बोलियन लेटरल्स अब ये क्या होता है अब देखो मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को समेटता जाऊंगा ताकि तुम जल्दी जल्दी समझ पाओ मुझे पता है तुम्हारे एग्जाम्स बहुत ज्यादा करीब है इसलिए मैं अब वीडियो थोड़ा जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा अब हम बात करते हैं बुलियन लेटर्स के बारे में तो बुलियन क्या होती है देखो हमारे पास कुछ वैल्यूज होते हैं पाइथन में ट्रू और फॉल्स ठीक है या तो ट्रू या तो फॉल्स अगर तुम इस तरह से ट्रू लिखते हो तो ये इक्वल नहीं है इस चीज़ के ठीक है और ये चीज काम करती है हमारे पाइथन में ठीक है तो तुम्हें ध्यान रखना है कि जब भी तुम ट्रू और फॉल्स लिखो तो पहला लेटर वहां पर कैपिटल रखो तो अगर तुम इसे रन करते हो तो यहाँ पर तुम्हारे पास ट्रू आ जाएगा और अगर यहाँ पर तुम चीजों को ऐसे इस तरह से रखते हो फॉल्स तो ये फॉल्स आ जाएगा ठीक है तो ये जो दोनों चीजें हैं इसे हम ट्रू और फॉल्स ये जो है है इसे हम, है, इसे हम कहते हैं ठीक और इसका अगर तुम टाइप देख लो तो वो भी तुम्हें बता देगा कि एक किन टाइप का है अगर मैं इसे रन करूं तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा बुल इसका मतलब बुलियन है ठीक है और इससे काफी सारे ऑपरेशन होते हैं अगर तुम्हें किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट कराना है अगर कोई चीज ट्रू है या फिर फॉल्स है तो उस केस में हम यहाँ पर इन चीजों का यूज करते हैं बुलियन वाली चीजों का आगे बढ़ते हैं स्पेशल लिटल नन इसका मतलब है कि कुछ नहीं अगर तुम्हें कोई एक वेरिएबल असाइन करना है मतलब बनाना है एक वेरिएबल बनाना है और उसमें कुछ भी असाइन नहीं करना है फिलहाल के लिए बाद में तुम चाहते हो तो असाइन कर सकते हो ठीक है और अभी के लिए अगर तुम्हें कुछ असाइन नहीं करना तो तुम यहाँ पर नन रख सकते हो और उस वेरिएबल वो जो वेरिएबल है वो बन जाएगा लेकिन सिमिलरली यहाँ पर बोलियन uh, लेटर्स के ही जैसे यहाँ पर पहला लेटर तो मैं कैपिटल रखना पड़ेगा ठीक है बस ट्रू फॉल्स और नन का जो है वो कैपिटल रख दो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम अब बात करते हैं पंक्चुएटर्स के बारे में तो यहाँ पर तुम्हारे स्क्रीन में अभी एक पंचुएटर्स की लिस्ट दिख रही होगी तो जो भी यहाँ पर स्पेशल सिंबल्स हम यूज करते हैं उसे हम पंक्चुएटर्स कहते हैं आगे बढ़ते हैं हम ऑपरेटर्स के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक की इसमें क्या है देखो इसमें जो भी मैथमेटिकल चीजें हैं मैथमेटिक्स में तुम जो भी ऑपरेटर्स यूज करते हो वो सब कुछ है यहाँ पर कुछ चीजें ये दोनों चीजें तो मैं शायद नहीं लग रही होंगी अगर मैं यहाँ पर इसको हटाता हूं। मान लेते हैं हमारे पास दो चीजें हैं एक ए है ए मान लेते हैं नाइन है बी है बी है, है हमारे पास मान लेते हैं सेवन है और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ ए प्लस बी ए प्लस बी तो क्या प्रिंट होगा बस दोनों का सम प्रिंट हो जाएगा ठीक है सिक्सटीन तो आगे बढ़ते हैं हम तो ये था पहला मैथमेटिकल ऑपरेटर सॉरी अरिथमेटिक ऑपरेटर एक ही चीज़ है और उसके बाद है यहाँ पर डिवीजन का डिवीजन का भी मैं तुम्हें तो बता ही चुका हूँ और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं ये सब्ट्रेक्शन के लिए यूज करते हैं और हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल वाला तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर हम कैसे यूज करते हैं मान लेते हैं हमने बी को हटा के यहाँ पर टू रख दिया ठीक है तो इस केस में क्या होगा यहाँ पर हम इसको प्लस को हटा के दो एस्ट्रेस्ट यहाँ पर रख देते हैं इसका मतलब क्या है कि ए की पावर बी समझ गए मतलब नाइन की पावर

मतलब यहाँ पर जो पॉइंट के बाद जो नंबर आने वाला है जैसे अगर मैं नाइन को टू से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आने वाला है फोर पॉइंट फाइव आने वाला है तो ये डबल डिवीजन क्या करेगा कि पॉइंट फाइव को नेगलेक्ट कर देगा सिर्फ फोर ला के देगा मुझे अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पर तो मैं दिख रहा है सिर्फ फोर आ चुका है ठीक है मतलब अगर मुझे वो डेसीमल वाली पार्ट्स नहीं चाहिए तो यहाँ पर मुझे फ्लोर डिविजन का हेल्प लेना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो है वो इज और इज नॉट वाली चीजें ये भी हम लिस्ट वगैरह के साथ में देखने वाले हैं अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में तो ये वही है कि कोई अगर किसी चीज से छोटा है कोई नंबर कोई नंबर किसी नंबर से बड़ा है ये वही चीज है जो कि तुम मैथमेटिक्स में ऑलरेडी यूज करते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर ए में नाइन असाइन कर दिया बी में टेन असाइन कर दिया तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखू कि ए इज ग्रेटर देन तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए ये यहाँ पर फॉल्स प्रिंट करना चाहिए तो यहाँ पर ये फॉल्स ही प्रिंट कर रहा है ठीक है सिमिलर सिंपल है और अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन दे दूं तो तुम्हें तो पता है कि यहाँ पर ये यह क्या आने वाला है ठीक है मतलब बी बड़ा है ए से तो ये सही है इसलिए सही हो रहा है और अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू दे दूं तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि या तो ए जो है वो छोटा हो बी से या फिर इक्वल हो दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए अगर मैं इसे विरन करूं तो यहाँ पर ये यह प्रूव हो गया ठीक है तो दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो चुकी है और का मतलब यही होता है एंड का मतलब यही होता है कि दोनों चीजें फुलफिल हो और का मतलब होता है कि दोनों में से कोई भी एक चीजें कोई भी एक चीज़, चीज़ फुलफिल हो ठीक है हाँ तो ये यहाँ पर हम रिलेशनल ऑपरेटर का हम देख चुके हैं आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर तो मैं यहाँ पर दिख रहा होगा इक्वल टू इक्वल टू भी देखो अगर मुझे यहाँ पर ये चेक करना है कि ए और बी इक्वल है या नहीं तो उसके लिए मैं यहाँ पर इक्वल यूज नहीं करूंगा क्योंकि इक्वल को हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं असाइन करवाने के लिए ठीक है पाइथन में हमने यहाँ पर इक्वल को यूज कर लिया है असाइन करवाने के लिए तो हम एक ए में जो है वो बी को असाइन तो नहीं करवाना चाहते हम चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पर ये दोनों चीज़ें इक्वल है या नहीं तो उसके लिए हम यहाँ पर डबल इक्वल टू का यूज़ करेंगे तो कंट्रोल और अगर मैं इसे रन करूँ तो मैं दिख रहा होगा ये फॉल्स है क्योंकि नाइन और टेन इक्वल नहीं है और अगर मैं यहाँ पर इक्वल डबल इक्वल टू के जगह एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू दे दूँ और अभी अगर मैं इसे रन करूँ तो तुम्हें तो दिख रहा होगा ये ट्रू है क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू का मतलब होता है कि नॉट इक्वल टू तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है

मल्टीपल एक्सलिब मार्क्स यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ताकि मुझे याद रहे अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में तो असाइनमेंट ऑपरेटर तो तुमने बहुत बार देख लिया यहाँ पर बस किसी चीज़ में किसी चीज़ को असाइन करो तो हम यहाँ पर ये जो सिंगल इक्वल टू यूज़ करते हैं इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर ठीक है operator, आगे बढ़ते हैं हम अब यहाँ पर है मेंबरशिप ऑपरेटर इसे भी मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ ठीक है तो हाँ अब बात करते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट तो इसमें क्या है देखो यहाँ पर प्लस इक्वल टू है माइनस इक्वल टू है मल्टीप्लाई इक्वल टू है इक्वल इक्वल टू टू है है एक्सपोनेंट ठीक है थिके? अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर मैं मान लेते हैं कि ए मैंने रख दिया मैं नाइन यहाँ पर और अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ए प्लस इक्वल टू टेन ठीक है और इस चीज को मैं यहाँ पर से हटा देता हूँ अब मैं इसे अगर सेव करके रन करूं तो क्या होना चाहिए देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं अपने इंटरप्रेटर से कि ए में जो है वो पहले नाइन को असाइन करो ठीक है और उसके बाद ए की जो वैल्यू है उसे बढ़ा दो 10 से, ठीक है? मतलब नाइन प्लस टेन हो जाएगा ठीक है ये ये कहना चाह रहा है कि ए इज इक्वल्स टू ए प्लस टेन ये सिंपल सा ये कहना चाह रहा है ठीक है इन दोनों लाइन्स का मतलब सेम है लेकिन ये एक छोटा तरीका है और ये बड़ा तरीका है इसे हटा मैं तो यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पर नाइनटीन प्रिंट होना चाहिए अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि नाइनटीन प्रिंट हो रहा है अब हमारे पास है बारबोन्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम ये कुछ नहीं है बस हमारे पास जो सेंटेक्स है उसमें जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं कौन कौन सी चीज फंक्शन होती है किसे हम ब्लॉक्स कहते हैं स्टेटमेंट्स एक्सप्रेशन कमेंट्स ये सारी चीजें हैं ठीक है थेके? तो बस यही बताया गया ताकि तुम अपने प्रोग्राम को और अच्छे से समझ समझ पाओ या फिर समझा पाओ ठीक है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भी एक प्रोग्राम निकाल कर दिखाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास एक प्रोग्राम बनकर रखा हुआ है और ये प्रोग्राम क्या करवा रहा है ये सिर्फ एक चेक करवा रहा है कि कोई एक नंबर जो हम इसे इनपुट में देंगे उसे ये चेक करेगा कि वो नंबर प्राइम है या फिर कंपोजिट है सिंपल तो यहाँ पर मैंने तुम्हें चीजों को समझा कर दिखाया हुआ है कि जैसे यहाँ पर एक्सप्रेशन है ठीक है एक्सप्रेशन किसे कहते हैं हम अब कोई भी जो चीज उठा लो यहाँ पर जिसका कोई एक मतलब बन रहा हो ठीक है कोई भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ठीक है तो इन चीजों को हम एक्सप्रेशन बनाते हैं जिससे इवेल्यूएट करके हमारे पास कोई चीज आती है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास है स्टेटमेंट अब यहां पर तुम किसी भी एक लाइन को देख लो जैसे ये हमारे पास ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट है ये भी एक प्रिंट स्टेटमेंट है ये एक स्टेटमेंट है ठीक है ये भी एक स्टेटमेंट है हर लाइन यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टेटमेंट है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास है कमेंट्स अब देखो कमेंट्स वो चीजें होती हैं जो कि हमारा इंटरप्रेटर नहीं पढ़ता है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हैश मैंने डाला हुआ है ठीक है हैश के बाद मैंने लिखा हुआ है क्या डिफाइनिंग अ फंक्शन ये मैं खुद के समझाने के लिए खुद को समझाने के लिए या फिर अगर कोई और मेरा प्रोग्राम देख रहा है तो उसे समझाने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि डिफाइनिंग अ फंक्शन यहाँ पर इस पार्ट में मैंने क्या किया है कि एक फंक्शन को मैं डिफाइन करवा रहा हूँ इस पार्ट में मैं क्या कर रहा हूँ कि एक इनपुट ले रहा हूँ एक नंबर का और फिर इस पार्ट में क्या कर रहा हूं कि एक चेक कर रहा हूँ कि वो चीज इन प्राइम है या फिर कंपोजिट है ठीक है तो ये चीजें मैंने यहाँ पर किस तरह से लिखी हुई है यहाँ पर मैंने इसे हैश से लिखा हुआ है ठीक है तो ये एक तरीका है कमेंट्स देने का जो कि हम अपने फायदे के लिए या फिर कह सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए रख सकते हैं और दो तरह के कमेंट्स होते हैं एक तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा सिंगल लाइन कमेंट जो कि हैश से हो सकता है और अगर तुम्हें मल्टी लाइन कमेंट्स डालने हैं जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चेक और यहाँ पर चेकिंग लिखा हुआ है ठीक है अगर मैं इसे नीचे कर दूं तो यहाँ पर ये यह क्या हो रहा है कि दोनों में मुझे हैश लगाना पड़ रहा है और अगर मैं हैश को हटा दूँ तो ये समझ नहीं पा रहा है कि ये भी कमेंट का ही पार्ट है तो मल्टीलाइन कमेंट्स अगर मुझे लगाने हैं तो वो मैं कैसे करूंगा तो वो करने के लिए मुझे यहाँ पर ट्रिपल कोर्ट्स का अगेन यूज करना होगा क्योंकि यहाँ पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट में नहीं डालूंगा उसे तो वो प्रिंट नहीं होगा वो सिर्फ एज इट इज ये समझ लेगा कि हमारे पास एक कमेंट है तो यहाँ पर मैं ट्रिपल कोर्ट्स डालूंगा और उसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँ एंटर करूं कुछ भी लिखूँ तो यहाँ पर इस चीज़ को ये नहीं देखने वाला अगर मैं इसे अभी रन करके दिखाऊं तो मैं यहाँ पर मैं से रन करता हूँ ये मुझे कह रहा है हेलो भाई साहब कैसे हो ये मैंने ये इसलिए कह रहा है क्योंकि एक फंक वन नाम का मैंने एक फंक्शन यहाँ पर बनाकर रखा हुआ है जो कि देखो अब यहाँ पर तुम्हें प्रोग्राम समझने की जरूरत नहीं है ये फॉर लुक वगैरह मैं जब तुम्हें समझाऊंगा यहाँ पर ये फंक्शन वगैरह समझाऊंगा तब तुम्हें समझ आएगा फिलहाल मैं तुम्हें बस ये समझा रहा हूँ कि ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर हेलो भाई साहब कैसे हो ये एक फंक्शन था तो ये कॉल कर लिया मैंने एंटर अ नंबर मान लेते मैंने फाइव लिख दिया यहाँ पर तो ये कह रहा है प्राइम और फिर वापस से मुझे वही टेक्स टेक्स जो है वो प्रिंट करके दे रहा है ठीक है ना और इस चीज को इसने इस चीज को इसने पढ़ा भी नहीं ना ही इस चीज को पढ़ा इसने ना ही इसको पढ़ा ना ही इसको पढ़ा ये बस हमने अपने कन्वीनियंस के लिए रख दिया तो इसे हम कहते हैं कमेंट्स आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास है फंक्शन अब देखो फंक्शन किसे कहते हैं कोई भी एक चीज है जिसे तुम बार बार करवाना चाहते हो ठीक है तो उसे तुम बार बार अपने कोड पे तो नहीं लिखोगे ना तुम क्या करोगे उस डिफाइंड चीज को एक फंक्शन के अंदर स्टोर कर दोगे और जब जब तुम्हें उस चीज को करवाना होगा तो तुम तो क्या करोगे कि उस फंक्शन को ही कॉल कर लोगे ठीक है तो ये होता है फंक्शन अब देखो यहाँ जैसे मैंने अपने प्रोग्राम में सबसे पहले क्या किया है अपने फंक्शन को डिफाइन करवा लिया इसमें ये क्या पड़ता है जैसे अगर हमारा इंटरप्रेटर है तो वो इस तरह से चीजों को देखता है सबसे पहले वो यहाँ पर देखेगा कि डेफ फंक्शन लिखा हुआ है मतलब कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है फंक वन नाम का ये हमारे फंक्शन का नाम है ठीक है फंक वन और उसके बाद हम यहाँ पर पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज करते हैं इसका मतलब है कि हम कह रहे हैं कि ये जो चीज है वो फंक्शन है ठीक है ये फंक्शन की पहचान है ठीक है तो अब यहाँ पर हमने फंक वन नाम का एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर हमने यहाँ पर चीजों को रखा है यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा स्पेसेस है ठीक है ये चार स्पेसेस है अगर ये चार स्पेसेस नहीं भी होती यहाँ पर दो स्पेस भी होते तो भी बस हमें क्या करना है यहाँ पर इंडेंटेशन मेंटेन करके रखना है ठीक है इंडेंटेशन यहाँ पर वो स्पेसेस होते हैं जिससे हमें पता चले कि ये जो चीजें है ना ये चीज और फिर ये चीज ये किसके अंदर आ रहा है ये फंक वन के अंदर आ रहे हैं सिमिलरली अगर हम नीचे जाए तो यहाँ पर ये चीज इफ के अंदर आ रही है हमें ये कैसे पता चल रहा है हमें यहाँ पर इस चीज की मदद से पता चल रहा है यहाँ पर जो खाली स्पेसेस है ना एम्प्टी एमटी एम्प्टी स्पेसेस ये सिर्फ तुम टैप दबाओगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा इसे हम कहते हैं इंडेंटेशन आगे बढ़ते हैं ये सारी चीजें एल्स के अंदर आ रही हैं क्योंकि ये एल्स के ब्लॉक के अंदर है ठीक है तो बस यही है और फंक् वन को इस तरह से हमने यहाँ पर कॉल करवाया तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं यहाँ पर मैं तुम्हें सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें होती क्या है तो बस फंक्शन क्या था ये मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर तुम्हें किसी एक चीज़ को बार बार करवाना है तो तुम उसे अपने प्रोग्राम में बार बार नहीं लिखोगे सिर्फ एक बार एक फंक्शन में स्टोर करवा दोगे और उसे बार बार कॉल करते जाओगे आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास आता है ब्लॉक्स तो ब्लॉक में क्या होता है देखो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ब्लॉक्स हैं यहाँ पर अगर हम देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने तो इंडेंटेशन की अभी भी बात की थी मैंने तुमसे तो यहाँ पर फंक वन नाम का एक फंक्शन लिखा हुआ है और इसे हम कह सकते हैं ये एक फंक वन का ब्लॉक है ठीक है बस उसी तरह से यहाँ पर इसे हम कह सकते हैं ये इफ एल्स का ब्लॉक है मतलब ये जो है वो एल्स के ब्लॉक के अंदर आता है और ये सॉरी इफ के अंदर ये जो है वो इफ के अंदर आता है और ये जो चीज है वो एल्स के, के अंदर आता है तो ये एक ब्लॉक हो गया ये एक ब्लॉक हो गया ये फंक्शन का एक ब्लॉक हो गया ठीक है ना तो ये सिंपल एक ब्लॉक है आगे बढ़ते हैं अब देखो मैंने बार बार ऑफ और पाइसन प्रोग्राम ये भी मैंने ख़त्म करवा दिया अब आते हैं हम वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट के ऊपर तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया बहुत बार कि हम वेरिएबल किस तरह से बनाते हैं और उसमें जो असाइनमेंट करते हैं वो किस तरह से करते हैं अब देखो वेरिएबल्स और असाइनमेंट्स में तुम्हें दो और चीज़ें पढ़नी है सबसे पहला तो मैं यहाँ पर डायनेमिक टाइपिंग पढ़नी है डायनेमिक टाइपिंग और दूसरी चीज़ यहाँ पर है इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं कैसे करवाते हैं पाइथन में ठीक है ये चीजें तो तुम्हें पढ़नी है सबसे पहले बात करते हैं डायनेमिक टाइपिंग के बारे में ठीक है तो अब देखो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग चीजें होती है कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डायनेमिक टाइपिंग को सपोर्ट करती है कुछ लैंग्वेजेस जो है वो स्टैटिक टाइपिंग को सपोर्ट करती है जैसे अगर बात करें सी या प्लस प्लस की तो वहां पर क्या होता है कि अगर तुम कोई एक वेरिएबल बना रहे हो ठीक है मान लेते हैं इसको हम हैं अभी तुम एक वेरिएबल बना रहे हो एज इक्वल्स टू नाइन मतलब ए में तुम क्या स्टोर कर रहे हो इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हो और अगर मैं यहाँ पर इसके बाद ए इज इक्वल्स टू मान लेते हैं मैंने अपना नाम स्टोर कर दिया ठीक है इसको हटाते हैं अभी अगर मैं इसे रन करूँ तो ये क्या होगा यहाँ पर मेरे को राजनाथ प्रिंट करके दे रहा है मतलब पहले ये नाइन था उसके बाद मैंने इसे ओवर करके राजनाथ कर दिया तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये ए जो है वो पहले अलग टाइप का था कोई एक नंबर था और अभी एक स्ट्रिंग बन गया तो ये पॉसिबल हो पा रहा है पाइथन में लेकिन सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ये पॉसिबल नहीं हो पाता ऐसा क्यों क्योंकि वो स्टैटिक टाइपिंग को सपोर्ट करती है और हमारे पास जो पाइथन है वो डायनेमिक टाइपिंग को सपोर्ट करती है मतलब अगर तुम किसी भी वेरिएबल में कोई भी टाइप का डेटा जो है वो स्टोर कर रहे हो तो तुम उसी वेरिएबल में कोई भी अलग डेटा टाइप का जो डेटा है वो स्टोर करवा सकते हो इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आगे बात करते हैं हम इनपुट और आउटपुट के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट के बारे में ठीक है तो अगर हम इनपुट के बारे में बात करें तो अभी तक तुमने देखा कि चीज़ों को प्रिंट कैसे करवाते हैं और अभी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि इनपुट कैसे लेते हैं यूजर से अगर तुम्हें यूजर्स को यूजर से कोई इनपुट लेना है ठीक है मान लेते हैं अगर मैं यूजर से चाहता हूँ कि दो नंबर का पहले इनपुट हो और उसका सम करवा के मैं यूजर को दे दू ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर इन चीजों को हटाते हैं और हम यहाँ पर पहला नंबर बनाएंगे ए और इसमें हम असाइन करवाएंगे यूजर का इनपुट तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ चीजें लिखनी होंगी सबसे पहले वो किस डेटा टाइप का होने वाला है तो यहाँ पर मैंने इंट लिख दिया और अगर तुम यहाँ पर डेटा टाइप पहले ही सजेस्ट नहीं करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ले लेता है वरना अगर तुम्हें कुछ और डेटा टाइप यूज करना है तो तुम यहाँ पर वो लिख दोगे जैसे मुझे यहाँ पर इंट लिखना था मतलब इंट डेटा टाइप का वो जो नंबर है वो ए में स्टोर करवाना था तो मैंने यहाँ पर इंट लिख दिया आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मेरे को अब यूजर से क्या प्रॉम्प्ट करवाना है उसे मुझे लिखना पड़ेगा इनपुट के अंदर यहाँ पर मेरे पास इनपुट एक फंक्शन आता है यहाँ पर मेरे पास एक इनपुट फंक्शन आता है तो यहां पर इनपुट फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट को डाल दूंगा ठीक है तो प्रॉम्प्ट यहाँ पर मैं इस तरह से लिखूंगा एंटर फर्स्ट नंबर फॉलोन ठीक है यहां पर मैंने ए में इनपुट करवा लिया यूजर से अगर मैं यहाँ पर अब नीचे आऊं अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा देखो मैंने यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल डी दबाया और उसके बाद मेरे पास लाइन जो वो कॉपी पेस्ट हो गया और अगर तुम्हें ये देखना है कि ये चीज़ों को इंस्टॉल कैसे करते हैं पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं तो मैंने ऑलरेडीडीडीडीडी एक वीडियो बनाई हुई है उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तुम जाके देख सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो ठीक है और चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं एंटर सेकेंड नंबर ठीक है और ये जो शॉर्टकट्स वगैरह मैं यूज कर रहा हूँ वो भी मैंने उसमें वहां पर बताया हुआ है तो ए में ये चीज है और बी में भी हमारे पास यही चीज है ठीक है लेकिन ए और बी में अलग अलग चीजें यूजर जो वो एंटर करेगा ठीक है तो एंटर करवाने का हो गया और उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ ए प्लस बी ठीक है तो देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं अगर मैं यहाँ पर इसे रन कराऊँ तो ये मुझे कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर मैंने यहाँ पर फोर लिख दिया एंटर करते हैं एंटर सेकेंड नंबर मैंने यहाँ पर फाइव लिख दिया ये हमारे पास नाइन बन के आ गया है तो ये था कि हम यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं सबसे पहले तुम्हें डेटा टाइप जो है वो सजेस्ट करना होगा ठीक है यहाँ पर मैंने डेटा टाइप सजेस्ट कर दिया और उसके बाद फिर मैंने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया और इनपुट फंक्शन का यूज करने के बाद मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिख दिया जो कि एक मैसेज शो होगा यूजर को और ताकि वो उस चीज को किसी चीज को क्या एंटर करना है उसे वो दिख पाए ठीक है और अगर मैं यहाँ पर इस चीज को हटाऊ और सिंपली ये लिखू इनपुट और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख दू एंसर नेम तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर डेटा टाइप यहाँ पर नहीं डाला ठीक है थेके? लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मैंने अभी अभी तुम्हें बताया कि ये बाय डिफॉल्ट क्या लेता है ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग को ले लेता है ठीक है ना तो यहाँ पर यह क्या हो रहा है कि मेरे पास एंट्री और नेम अगर मैं यहाँ पर जो भी अपना नाम डालू एंटर करूँ तो यहाँ पर मेरे को आ जा रहा है यहाँ पर आपने राजनाथ एंटर किया है ऐसा क्यों हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग में चीज़ों को ले लेता है और अगर मुझे किसी और डेटा टाइप में डालना है मान लेते हैं अगर मुझे उसे फ्लोट में लेना है तो यहाँ पर मुझे फ्लोट लिखना पड़ेगा एफ एल ओ ए टी और उसके बाद फिर यहाँ पर, पर के अंदर मुझे इसे एनक्लोज करना पड़ेगा कंट्रोल तो एस और अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो एंट्री और नेम अब नेम में पर होता नहीं है लेकिन अगर मैं इसे एंटर करूँ तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है अगर मैं यहाँ पर नेम में राजनाथ प्रिंट करूँ तो क्या होता है ये मुझे कह देगा कि तुम कुछ गलत कर रहे हो देखो यहाँ पर मेरे पास एरर आ चुका है आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास है आउटपुट अब देखो आउटपुट ऑलरेडी हमने देख लिया कि वो प्रिंट कितना आसान है लेकिन अगर तुमने यहाँ पर इस चीज को इस तरह से दिखाना है ना जैसे यहाँ पर मेरे पास जो मैं दो नंबर का सम करवा रहा था यहाँ पर मैं दो नंबर का सम करवा रहा हूँ अब तुम्हें थोड़े अच्छे तरीके से इसे दिखाना है कि ये जो ए और बी का जो सम है वो ए प्लस बी जो भी आएगा वो है तो यहाँ पर तुम इस तरह से चीजों को लिख सकते हो यहाँ पर पहले मैं एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा द सम ऑफ अब मैं यहाँ पर ए लिख दूंगा ठीक है और उसके बाद मान लेते हैं लिखा हुआ है कि द सम ऑफ और ए में उसने जो नंबर एंटर किया था वो लिखा है फिर ए लिखा हुआ है फिर बी में उसने जो नंबर एंटर किया हुआ था वो आए और उसके बाद फिर इज और उसके बाद फिर दोनों का सम आया तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा ए प्लस बी को पहले हटाता हूँ तो अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है द सम ऑफ अब मुझे यहां पर ए की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर कॉमा दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर ए की वैल्यू लिखूंगा ठीक है जो भी ए में हो और उसके बाद फिर कॉमा दूंगा ठीक है और उसके बाद फिर यहाँ पर कोर्ट को फिर से खोलूंगा यहां पर एक स्ट्रिंग दे दूंगा इज और उसके बाद फिर स्पेस उसके बाद फिर यहाँ पर जहां पर कोर्ट खत्म हो रहा है वहां पर एक फिर से कॉमा दूंगा और उसके बाद फिर सॉरी यहाँ पर इज नहीं होगा एंड होगा एंड बी उसके बाद फिर से कॉमा दूंगा फिर यहाँ पर ये यह लिखूंगा इज और उसके बाद फिर स्पेस देकर फिर से कॉमा दूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए प्लस बी अब देखो अगर मैं इसे रन करके दिखाओ तुम्हें तो यहाँ पर फोर एंटर करेंगे फाइव एंटर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है द सम ऑफ फोर एंड फाइव इज नाइन ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्पेसेस जो है वो एक्स्ट्रा आ रहे हैं यहाँ पर भी एक स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है मतलब दो स्पेसेस आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर मैंने स्पेस तो एक ही दिया हुआ है तो यहाँ पर ये एक जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस कहाँ से लेके आ रहा है ठीक है ये कहाँ से लेके आ रहा है ठीक है और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ डन ठीक है अगर मैं इसे सेव करवाऊँ अगर मैं इसे यहाँ पर अगर मैं रन करा था वन प्लस टू ठीक है तो ये जो डन है वो नीचे वाली लाइन में कहाँ से आ रहा है ठीक है डन यहाँ पर ही प्रिंट क्योंकि नहीं हो रहा है प्रिंट स्टेटमेंट भले ही यहाँ पर खत्म हुआ तो ये जो डन है ये ऊपर में ही यहाँ पर ही क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है तो इसका एक रीजन है वो क्या है वो मैं तुम्हें अभी भी बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले ये तुम कॉमा वाली चीज़ों को समझ लो कि किस तरह से वेरिएबल और स्ट्रिंग हम एक साथ प्रिंट के अंदर डाल सकते हैं और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी डाल सकते हैं सिंपल है कुछ नहीं करना है तुम्हें बस यहाँ पर तुम चीज़ों को इस तरह से डालो स्ट्रिंग को एज इट इज़ डाल दो फिर तुम्हें बीच में अगर वेरिएबल डालना है तो कॉमा डालो उसके बाद फिर वेरिएबल लिखो और इस तरह से यहाँ पर कॉमा डालो फिर वापस स्ट्रिंग डालो फिर वेरिएबल डालना है तो वापस से यहाँ पर कॉमा का यूज़ करो सिंपल है और वेरिएबल की ही तरह यहाँ पर तुम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी डाल सकते हो सिंपल है और इसका एक अलग तरीका भी है इसका एक तर, अलग तरीका ये है कि अगर मैं इस तरह से इसे लिखवाऊँ यहाँ पर मैं कोट्स के पहले एफ लिख दूँ ठीक है इसमें कहते हैं एफ स्ट्रिंग अगर मैं यहां पर कोर्ट के पहले ए लिख दूं और उसके बाद यहाँ पर मैं इस चीज को हटा के ए लिख देता हूं सॉरी इस चीज को हटा के यहाँ पर मैं बी लिख देता हूं और इसको हटा के यहाँ पर मैं ए प्लस बी कर देता हूँ ठीक है तो यहां पर यह अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा मैं चाहता हूं कि तुम ए की वैल्यू को वेरिएबल से उठाओ बी की वैल्यू को वेरिएबल से उठाओ ए प्लस बी जो है वो भी वैल्युएट वेरिएबल्स के ही थ्रू करो ठीक है तो यहाँ पर मैंने उसके लिए क्या किया है सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने बाहर में एफ डाल दिया है अब यहाँ पर मैं A को क्या करने वाला हूं कर्ली ब्रेसेस में इंक्लोज करने वाला हूँ कर दिया मैंने बी को भी मैं कर्ली ब्रेसेस में इंक्लोज करने वाला हूँ अगर मैं इसे भी अभी इसे रन करूँ तो भी ये गलत आएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने ए प्लस बी को इंक्लोज नहीं किया हुआ है अब ये सही आएगा अगर मैं अभी से रन करूँ तो तुम्हें दिख रहा होगा मान लेते मैंने यहाँ पर फोर डाल दिया फाइव डाल दिया देखो सेम आउटपुट आ रहा है बस यहाँ पर स्पेसेस का जो है वो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ ठीक है बस मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि तुम कॉमा से कैसे खेलोगे ठीक है और अगर तुम्हें कॉमा से नहीं खेलना तो तुम एफ स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो इस तरह से तुम वेरिएबल्स को चीजों में डाल सकते हो देखो यहाँ पर दो चीजें मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बताने वाला था कि यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेसेस कहां से आ रहे हैं ठीक है या एक्स्ट्रा स्पेसेस कहां से आ रहे हैं और ये जो चीज यहाँ पर मैंने लिखी हुई है डन ये नए लाइन में अचानक से कैसे पहुंच गई जबकि यहाँ पर मैंने बैक स्लैश एन तो दिया ही नहीं है मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हम न्यू लाइन के लिए बैक स्लैश एन लिखते हैं ठीक है तो वो कैसे हो रहा है तो देखो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तुम अपने पीसी में या फिर अपने लैपटॉप और या फिर फोन में भी कर सकते हो तो तुम वो परफॉर्म करते जाओ ताकि तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आता जाए हाँ तो अभी मैं तुम्हें ये बताने वाला था कि यहाँ पर स्पेसेस कहाँ से ऐड हो रहे हैं और ये न्यू लाइन कैसे आ रही है ठीक है तो इन सब को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ और अगर मैं यहाँ पर लिखो प्रिंट यहाँ पर लिखो वन कॉमा टू कॉमा थ्री सॉरी थ्री और उसके बाद मैं फिर से प्रिंट करवाऊँ ए यहाँ पर मैं प्रिंट करवाता हूँ हेलो और अब मैं एक काम करता हूँ मैं तुम्हें ग्रीट करता हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो और तुम्हारा नाम लिखूँगा यहाँ पर मैं सबसे पहले हेलो लिखते हैं और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर तुम्हारा नाम लिख दिया ठीक है तो ये जो स्ट्रिंग है उसे ये प्रिंट करने वाला है और अगर मैं इसे प्रंट करूँ

प्रिंट करवाना है वो चीज तुम प्रिंट करवा दो उसके बाद ये दो चीजें एक्स्ट्रा लेता है कौन कौन सी चीजें हैं कॉमा देखिये मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे पहला सेपरेटर और उसके बाद में तुम यहाँ पर वो चीज रख सकते हो जो कॉमा के जगह पर आए जैसे अगर मैं स्पेस रखू तो वो स्पेस आएगा बाय डिफॉल्ट यहाँ पर स्पेस ही होता है ठीक है अब बात करते हैं न्यू लाइन के बारे में तो यहाँ पर हमारे पास एक और आर्ग्यूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं एंड ठीक है इज इक्वल्स टू और फिर से यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग देंगे जो कि होगा बैक स्लैश स्लेश तो ये जो दोनों चीजें हो, चीजें होती है ना ये दोनों चीजें जो है वो प्रिंट सेट में चिपकी हुई रहती हैं ये होती हैं पर तुम्हें दिखाई नहीं देती ठीक है यहाँ पर भी ये दोनों चीजें जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पर लेकिन वो तुम्हें दिख नहीं रही है एज इट इज ऐसी ही होती है ठीक है अब ये सब का मतलब है सेपरेटर मतलब कॉमा की जगह पे वो आएगा एंड का मतलब है कि जब लाइन जो है वो हमारी खत्म हो जाए मतलब यहाँ पर हमारी लाइन जो है वो खत्म होने वाली है इस, इसके बाद क्या है वो बैक् एन आ जाए ठीक है अब देखो ये आउटपुट है हमारे पास ऑलरेडी ठीक है अगर मैं इसे रन करूंगा ना तो भी कोई आउटपुट में चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि मैंने जो बाई जो चीजें होती थी वही मैंने एक्स्ट्रा डाल दी है अगर मैं इसे रन करूँ तो तुम्हें तो दिख रहा होगा कि कोई चेंज नहीं आया लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्पेस को हटाकर एक काम करते हैं एट द रेट डालू ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा कि वन एट द रेट टू एट द रेट थ्री हो जाएगा और बैक एन के जगह पर मान लेते हैं मैं एक दो तीन तीन स्पेसेस डाल दूं ठीक है अगर मैं इसे अभी रन करूं तो तुम्हें दिख रहा होगा वन एट द रेट टू एट द रेट थ्री होगा और यहाँ पर जैसे ही लाइन खत्म हो रही है तो यहाँ पर तीन स्पेसेस आए होंगे ठीक है और उसके बाद फिर हेलो और उसके बाद फिर इधर का जो सेपरेटर है वो तो है ही ना वो तो स्पेस ही ऑलरेडी तो यहाँ पर स्पेस प्रिंट हो गया और यहाँ पर तुम्हारा अच्छा सा नाम प्रिंट हो गया तो ये था तुम्हारा प्रिंट स्टेटमेंट काफी डिटेल में मैंने तुम्हें बता दिया आगे बढ़ते हैं मैंने यहाँ पर सैंपल इनपुट आउटपुट भी मैंने तुम्हें बता दिया है ठीक है आगे बढ़ते हैं डेटा टाइप्स के बारे में तो डेटा टाइप्स मैंने तुम्हें ऑलरेडी इंटीजर्स और मैं इंटीजर्स और बुल्स जो मैंने तुम्हें बता दिए हैं फ्लोट भी मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर तुम डेसिमल में किसी चीज को लिख दो तो वो फ्लोट हो जाता है कॉम्प्लेक्स भी मैंने तुम्हें, तुम्हें बता दिया है कि वो ए प्लस बी जे के फॉर्म में रहता है और ये जो है वो आयोटा रहता है आगे बढ़ते हैं लिस्ट के बारे में अब देखो यहाँ पर ये जो चारों हैं ये नई नई चीजें हैं मतलब अगर तुमने क्लास इलेवेंथ में पढ़ा नहीं है तो इनमें से एक सेपरेट चैप्टर था लिस्ट का एक सेपरेट चैप्टर था टप्पल का अलग चैप्टर था सेट का तो नहीं था ठीक है आगे बढ़ते हैं डिक्शनरीज का था तो सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट के बारे में ठीक है तो अब देखो हमारे पास लिस्ट जो है वो एक डेटा टाइप है जो कि एक कलेक्शन बनाता है मान लेते हैं एल नाम का हमने या फिर एल एस टी नाम का हमने एक लिस्ट बना लिया इसमें हम असाइन करने वाले अपने लिस्ट को लिस्ट क्या करता है कि कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस आइटम्स बनाता है हैट्रोजीनियस मतलब कि जरूरी नहीं है कि जो भी आइटम्स हम उस लिस्ट में स्टोर करवाएं वो सेम डेटा टाइप का हो ठीक है जैसा कि अगर तुमने कभी एरे नाम का कोई एक टर्म सुना होगा तो बाकी लैंग्वेजेस में एरे नाम का एक टर्म होता है जिसमें क्या होता है कि वो सिंपल होती है सिमिलर होती है लिस्ट से लेकिन उसमें ऐसा कुछ होता है कि तुम एक एरे में तुम एक एरे में जो कुछ भी स्टोर करवाने वाले हो वो सारा का सारा सेम डेटा टाइप का होना चाहिए लेकिन लिस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर मैंने लिस्ट लिख दिया ठीक है और लिस्ट में अगर मैं यहाँ पर स्टोर करवाऊँ वन कामा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर तो बस यही है कि तुम यहाँ पर वन कामा वन टू थ्री फोर को यहाँ पर मैंने लिस्ट में स्टोर करवा दिया अगर मैं कॉमा दे के यहाँ पर मैं राजनाथ स्टोर करवाऊँ ये भी हो जाएगा अगर मैं इसे भी रन करवाऊँ तो रन करने से तो कुछ होगा नहीं क्योंकि मैं इसे प्रिंट नहीं करवा रहा हूँ देखो कुछ हुआ नहीं अगर मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करवाऊँ प्रिंट करवाना चाहूँ मैं एल को कंट्रोल एस करके मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ तो तुम्हें दिख रहा होगा कि मेरे पास जो लिस्ट है वो आ गया ठीक है अगर मैं यहाँ पर इसका टाइप भी प्रिंट करवाना चाहूँ ठीक है यहाँ पर अगर मैं इसका टाइप भी प्रिंट करवाना चाहूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है वो है तो यहाँ पर वो तुम्हारे सिलेबस में तो है नहीं अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम वो पढ़ सकते हो तुम सिंपली गूगल यूट्यूब या फिर कहीं पर भी लिख सकते हो ऊपस इन पाइथन तो तुम्हारे पास ये चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी कि क्लासेस क्या होती है ऑब्जेक्ट क्या होता है इनहेरिटेंस वगैरह सब कुछ तुम्हें क्लियर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अब देखो लिस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे एक हमारे पास एल एक लिस्ट है इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनका इंडेक्स होता है अब इंडेक्स वो होता है जैसे कि हम अगर मान लेते हैं लिस्ट में से पहली एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं जैसे अगर मैं टाइप को हटाऊ यहाँ से ठीक है यहाँ पर मैंने सिर्फ एल लिखा हुआ है तो अगर मैं लिस्ट की पहले पहली जो एलिमेंट है वन उसको एक्सेस करना चाहूँ तो या फिर अगर मैं फोर को एक्सेस करना चाहू तो मैं क्या करूंगा अगर मुझे दूसरी एलिमेंट्स एक्सेस करनी होगी तो मैं क्या करूंगा तो देखो यहाँ पर जब भी प्रोग्रामिंग में तुम काउंटिंग स्टार्ट करो तो वो जीरो से स्टार्ट होती है तो ये जीरो इंडेक्स पे है ये फर्स्ट इंडेक्स पे है ये सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ ये इंडेक्सिंग है इस तरह से हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं और आगे तुम्हारे पास एक और टर्म आने वाला है स्लाइसिंग का ठीक है तो स्लाइसिंग में भी तुम काफी ज्यादा चीजें सीखने वाले हो और काफी ज्यादा काम उसे तुम करवा सकते हो और यहाँ पर अभी तुम्हें मैंने क्या बताया इंडेक्सिंग के बारे में बताया ये जीरो थी इंडेक्स ये ये फर्स्ट इंडेक्स सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ ठीक है टोटल चार इंडेक्सेस है यहाँ पर और अगर मुझे यहाँ पर बैकवर्ड से इंडेक्सिंग करनी हो हर लैंग्वेज में बैकवर्ड इंडेक्सिंग नहीं हो पाती है ठीक है तो अगर तुम्हें ये करवाना हो तो तुम

ठीक है तो वो उसका जो रेंज होता है वो कहां से होता है वो जीरो से लेकर एन माइनस वन तक होता है ठीक है क्योंकि यहां पर कितने एलिमेंट्स है एक दो तीन चार पांच और एन क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ठीक है अगर यहां पर पांच एलिमेंट्स है तो यहाँ पर ये जीरो वन टू थ्री और फोर ये तुमने दिख गया कि ये जो है वो इस तरह का रेंज होता है और अगर हम बात करें यहाँ पर बैकवर्ड इंडेक्सिंग के बारे में ठीक है अगर यहाँ पर बैकवर्ड इंडेक्सिंग के बारे में बात करें तो ये शुरू होती है माइनस वन से शुरू नहीं खत्म होती है माइनस वन पे और फिर माइनस टू माइनस थ्री ऐसे करते करते एन तक जाती है ठीक है माइनस एन तक ठीक है समझ गए तुम तो इस तरह से तुम इंडेक्सिंग करवा सकते हो अगर मैं पर तुम्हें इंडेक्सिंग करवा के दिखाऊं तो इंडेक्सिंग कैसे करते हैं पहले हम लिस्ट का नाम लिखते हैं एल का नाम हमने क्या रखा है सॉरी लिस्ट का नाम हमने क्या रखा है एल रखा है कोई और हम नाम चाहे तो वो नाम भी रख सकते हैं यहां पर मैंने लिस्ट लिख दिया ठीक है अब यहां पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं अगर यहाँ पर जीरो लिखू ठीक है अगर अभी से रन करूं तो ये मुझे जीरो से इंडेक्स पे कौन सी चीज है वो निकाल के देगा अगर मैं यहाँ पर फोर लिखू ठीक है रन करूं तो यहाँ पर मुझे ये लिख के लिख के दे रहा अगर मैं यहाँ पर क्या करूं मैं थाउजेंड प्रिंट कर दू ठीक है या फिर मैं काम करता हूँ ये प्रिंट करता हूँ ये तो है ही नहीं हमारे लिस्ट में तो ये कहना चाह रहा है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज और ये हमारे पास कौन सा एरर आ रहा है इंडेक्स एरर आ रहा है तो ये जो छोटे छोटे एरर्स आते रहते हैं ना इनको तुम नोट किया करो ये किसी एमसीक्यू तरह से वो पूछ सकते हैं कि हमारे पास ये जो प्रोग्राम है ये हमने दे दिया और इसमें तुम बताओ कि कौन सा एरर आने वाला है क्या वो नेम एरर आएगा इंडेक्स एरर आएगा एरर आएगा वो क्या कौन सा एरर आने वाला है तो ये छोटी चीजें वो पूछ सकते हैं तो ये था इंडेक्सिंग और अगर मैं यहाँ पर माइनस टू लिखू ठीक है तो माइनस टू में क्या आ रहा है ये फोर आ रहा है अगर मैं इसे रन कराऊ तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर ये फोर आ रहा है अब यहाँ पर मेरे पास बताने के लिए एक और चीज भी है लेन फंक्शन हमारे पास होता है तो लेंथ फंक्शन क्या होता है जैसे टाइप फंक्शन था वो हमें सिर्फ किसी भी वेरिएबल का जो है वो डेटा टाइप निकाल कर देता था कि वो कौन से डेटा टाइप का है अगर मैं यहाँ पर लेंथ फंक्शन लिखू और उसके अंदर किसी भी चीज़ को पास करवाऊँ जैसे मेरे पास एल एस टी है लिस्ट तो वो उसकी जो लेंथ है वो क्या है ठीक है ये मेरे को निकाल के देगा अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पर मेरे को क्या रहा है कि ये फाइव है मतलब टोटल पांच एलिमेंट्स है और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लिस्ट में जो पहला एलिमेंट है उसकी लेंथ क्या है पहला एलिमेंट को हम यहाँ पर इंडेक्सिंग जीरो दे देंगे अगर मैं इसे अभी सेव करके रन करूं तो यहाँ पर ये मेरे को कहना चाह रहा है कि इंट जो है उसके पास लेन नहीं है ठीक है लेकिन यहां पर अगर मैं तुम्हें जीरो हटाकर अगर मैं यहाँ पर फोर लिखू और अगर मैं अभी से यहाँ पर रन करके दिखाऊं तो ये मुझे लेंथ बता रहा है सेवन यानी हर चीज का हम लेंथ काउंट नहीं कर सकते ठीक है अगर तुम्हारे पास एक वन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी फोर लिखा हुआ है तो उसका तुम लेंथ नहीं फाइंड कर पाओगे उसके लिए तुम्हें कोई एक अलग मेथड लगाना पड़ेगा जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं ए फल्स पढ़ने वाले हैं फॉरलू पढ़ने वाले हैं वो चीजें तुम यूज करके लगा सकते हो तो ये था कि हम लेंथ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं अगर तुम किसी स्ट्रिंग में यूज करना चाहो किसी लिस्ट में यूज करना चाहो किसी टपल में यूज करना चाहो सेट ठीक है डिक्शनरी में भी हम देखने वाले हैं कि वो यूज हो पाएगा या नहीं ठीक है तो ये था सिंपल लिस्ट ठीक है ये था सिंपली एक लिस्ट और उसके बाद है हमारे पास टपल सेट और डिक्शनरी अब इन चीज़ों के लिए अब इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में जो कि रिविजन टू टू है उसमें हम और पढ़ने वाले हैं डिटेल में और इनके सेपरेट चैप्टर्स तो थे ही इलेवेंथ क्लास में तो जो लोग पढ़ के आए होंगे उन्हें तो आता ही होगा और रिविज़न उनका अच्छा खासा चल रहा होगा अभी तो लिस्ट हमने देख लिया अब आते हैं टपल के बारे में ठीक है तो ये टपल क्या होता है सिंपल कुछ नहीं है सिंपल है एकदम सिमिलर है लिस्ट से बस यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर हमारे पास ब्रेसिस अलग होते हैं हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के जगह पर हम यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज करना पड़ता है लेकिन सिर्फ यही एक अलग चीज नहीं है यहाँ पर क्योंकि जिसने भी इन चीजों को बनाया होगा उसने यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट्स के चॉइसेस पे तो चीजों को अलग नहीं किया होगा ना क्योंकि अगर तुम पैरेंथेसिस डाल रहे हो तो वो एक कपल बन गया और स्क्वायर ब्रैकेट डाल रहे हो तो वो एक लिस्ट बन गया सिर्फ ये ब्रैकेट्स के चॉइसेस पे तो नहीं होना चाहिए ना दोनों में कुछ तो अलग होना चाहिए तो यहाँ पर अलग ये है अब यहाँ पर स्पॉटलाइट में ये चीज आती है जो कि ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल अब म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है ये देखते हैं हम तो अब म्यूटेबल का मतलब ये होता है ना कि तुम किसी भी चीज को उठा लो ठीक है जैसे अगर मैं राजनाथ को उठाता हूं मैं खुद को कैसे उठाऊंगा लेकिन अगर मैं इस नाम को उठा लू तो इस नाम में तुम कोई एक एलिमेंट को चेंज कर पाओ जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ है ठीक है राजनाथ में यहाँ पर यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ ए को रिप्लेस करके मैं ओ कर दूं इसे मैं बंगाली साउंड करवाऊँ तो वो कैसे होगा यहाँ पर मुझे उसके लिए यहाँ पर इस ए को भी हटाना पड़ेगा इस ए को भी हटाना पड़ेगा और इन दोनों को मेरे को हटा के ओ करना पड़ेगा ठीक है फिर वो बंगाली साउंड करेगा कर खैर वो मैं कैसे करवाऊंगा तो अगर मैं अपने किसी भी एलिमेंट में से किसी एक चीज़ को चेंज करवाऊं और वो हो जाए तो उसे मैं कहूंगा कि वो म्यूटेबल डेटा टाइप है और अगर वो ना हो पाए तो उसे मैं कहूंगा कि वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है ठीक है एक काम करते हैं पहले हम लिस्ट पे चेक करते हैं कि क्या ये हो पाता है या नहीं तो यहाँ पर मैं लिस्ट को, लिस्ट को की ही तरह बना लेता हूँ इसे थोड़ी इज्जत देते हुए ये हमारे पास लिस्ट बन गया है और इसे मैं यहां से हटाता हूँ पहले तो और मैं लिस्ट को प्रिंट करवाऊंगा इससे पहले मैं क्या करवाना चाहता हूं मैं यहाँ पर मान लेते हैं कि थ्री को हटा के मैं यहाँ पर हंड्रेड कर देता हूँ ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करूँ यहाँ पर सिंपल एल एस लिखूंगा और किस इंडेक्स पे मैं चेंज करवाने वाला हूँ ये जीरो ये वन और ये टू मैं सेकेंड इंडेक्स पे चेंज करवाने वाला हूं, तो यहाँ पर मैं इंडेक्स दे दूंगा ठीक है इक्वल टू अब मैं यहाँ पर उसके जगह पर क्या रखने वाला हूँ मैं यहाँ पर थ्री के जगह पर क्या रखने वाला हूँ हंड्रेड रखने वाला हूँ मैंने यहाँ पर हंड्रेड रख दिया और अगर मैं इसे भी प्रिंट करवाऊँ एक काम करते हैं इससे पहले भी मैं प्रिंट करवा लेता हूँ लिस्ट को यहाँ मैंने एल कर दिया कंट्रोल सेव ठीक है तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि ऊपर में जो इनपुट आ रहा है जो आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पर थ्री है और उसके बाद जब मैंने यहाँ पर चेंज करवा दिया उसके बाद जो आउटपुट मैं करवा रहा हूँ वो यहाँ पर संडेड आ रहा है ठीक है तो ये सिंपल था तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि हमने अपने लिस्ट में किसी एक एलिमेंट को चेंज कर दिया है तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो लिस्ट डेटा टाइप है वो म्यूटेबल डेटा टाइप का है ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी हम बात कर रहे थे टपल के बारे में ठीक है तो टी नाम का एक टपल बनाते हैं ठीक है और क्योंकि हम टपल्स को ऐसे पेरेंथेसिस में डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटाकर पेरेंथेसिस कर देता हूँ और अब अगर मैं हाँ पर यहाँ पर देखो यहां पर ये मुझे कह रहा है एल एस टी तो यहाँ पर है ही नहीं प्रेजेंट तो तुम करवाना क्या चाहते हो अगर मैं इसे प्रेजेंट करवाऊँ तो यहाँ पर मेरे बस नेम एरर आ रहा है तो ये भी एक टाइप का एरर है ठीक है तो यहाँ पर मैं एल एस टी को हटा के सिर्फ भी कर लेता हूँ सेम काम मैं यहां पर भी कर लेता और यही सेम काम मैं यहां पर भी कर लेता हूँ ठीक है अगर मैं अभी करवाऊँ तो क्या होगा देखो यहाँ पर इंडेक्सिंग भी सेम है इसी तरह से तुम यहाँ पर इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बैकवर्ड इंडेक्सिंग अगर मैं इसे विन करूँ तो तुम यहाँ पर देख रहे हो कि ये कह रहा है कि ये नहीं हो पाएगा ये क्या कहना चाह रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि मतलब सिंपल यही कहना चाह रहा है कि टपल जो है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप का है इसका मतलब ये है कि तुम किसी एक एलिमेंट को उठाकर चेंज नहीं कर सकते इस चीज़ को उठाकर चेंज नहीं कर सकते इसको भी उठाकर चेंज नहीं कर सकते बस यही कहना चाह रही है तो ये था म्यूटेबल और इम्यूटेबल बात करते हैं स्ट्रिंग्स और इंटीजर्स के बारे में अब स्ट्रिंग और इंटीजर तो छूट ही रहा है ना वो भी देख लेते हैं कि म्यूटेबल है या फिर इम्यूटेबल है तो अगर टी नाम का मेरे पास मान लेते हैं कि कोई एक स्ट्रिंग है मैंने अपना नाम रख दिया चलो यहाँ पर ठीक है और इसमें मैं चीज़ों को देखना चाहता हूँ मान लेते हैं पहले इंडेक्सिंग करवाते हैं पहले तो ये मैं इसे मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा लिया ठीक है और अगर मैं यहाँ पर जीरो वन और टू जीरो वन और टू जे ठीक है जे के जगह पर मैं हंड्रेड स्टोर करना चाहता तो हूँ क्या ये हो पाएगा हंड्रेड तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा हमें देख के ही लग रहा है क्योंकि हंड्रेड क्या एक नंबर हो गया और यहाँ पर क्या है ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग है उस तो स्ट्रिंग के अंदर हम एक नंबर को थोड़ी डाल सकते हैं अगर ये भले इस तरह के फॉर्म में होता ठीक है अब हम इसे डाल सकते थे क्योंकि अब ये एक स्ट्रिंग बन चुका है ठीक है ना खैर अब इसको ही डाल के देखते हैं ठीक है तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर प्रिंट हो आर ए हंड्रेड और फिर नाथ

स्ट्रिंग तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा तो मैं हंड्रेड रखना चाहूँ तो मैं क्या चाहता हूँ कि क्या प्रिंट हो जीरो वन टू मतलब वन हंड्रेड के बाद वन जीरो जीरो फिर से प्रिंट हो और उसके बाद फिर ये जो आ, दो जीरो बज रहे हैं वो प्रिंट हो जाए तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा अगर मैं इसे विरन करूँ तो तुमने अभी ऑलरेडी देखा था तुमने कि इंडेक्सिंग ही नहीं हो सकती स्ट्रिंग सॉरी इंटीजर में तो तुम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हो तुम तो यहाँ पर म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी चेक करो तो वो कहाँ से होगा ठीक है तो यही है अपना स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है इंट भी इम्यूटेबल है अब देखो फ्लोट भी यहाँ पर इम्यूटेबल होगा क्योंकि यहाँ पर भी हम ऑब्वियसली इंडेक्सिंग वगैरह नहीं करा पाएंगे कॉम्प्लेक्स भी और हमारे पास अब जो लिस्ट आता है ना ये हमारे पास म्यूटेबल डेटा टाइप का है इसमें तुमने देख लिया ऑलरेडी कि हमने चेंज करवा लिया डबल में हम चेंज नहीं करवा पा रहे थे खैर और भी ऑपरेशन होते हैं लिस्ट और टपल में वो सब हम आगे देखने वाले हैं और खैर अभी मेरे पास एक और चीज बच रही है स्ट्रिंग में हमने अभी तक कॉन्टेनेशन और रेप्लीकेशन नहीं देखा है तो वो क्या होता है अगर मैं इस चीज को हटा दू यहाँ पर से यहाँ तक ठीक है तो मैं काम करता हूँ टी में मैं राज लिख देता हूँ ठीक है और एस में मैं नाथ लिख देता हूँ अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास राजनाथ प्रिंट हो तो मुझे उसके लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा टी प्लस एन अब तुम बोल रहे हो कि भैया ये तो हमारे पास एक मैथमेटिक सॉरी एन नहीं यहाँ पर ऐसा होगा तुम यहाँ पर बोलोगे कि भैया ये तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गई है तो स्ट्रिंग्स को हम कैसे जोड़ सकते हैं क्या ये पॉसिबल हो पाएगा तो हाँ ये हो पाएगा अगर तुम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ जोड़ रहे हो तो ये हो जाएगा अगर स्ट्रिंग में कोई नंबर जोड़ रहे हो तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है ये नहीं हो पाएगा अगर मैं इसे तुम्हें रन करके दिखाऊं तो ये एक एरर आ रहा है टाइप एरर आ रहा है कि यहाँ पर डेटा टाइप का एरर है लेकिन अगर मैं यहाँ पर p प्लस एस करूं और अगर मैं इसे अभी रन करके दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे पास मेरा नाम जो है वो क्लियरली आराम से प्रिंट हो जा रहा है तो इसे हम कहते हैं कॉन्टेशन मतलब दो स्ट्रिंग को या फिर दो से ज्यादा अगर मैं यहाँ पर टी प्लस एस प्लस फिर से टी करूं सॉरी टी करूं या फिर एस भी करता हूँ मान लेते फिर से मैंने एस कर दिया तो मेरे पास दो बार राजनाथ प्रिंट होगा राजनाथ इधर का और फिर राजनाथ इधर का और फिर मान लेते हैं मैंने यहाँ पर इसको गायब कर दिया तो यहाँ पर मेरे पास राजनाथ नाथ प्रिंट होगा

देखो एप्लीकेशन देखो कॉन के लिए प्लस था और एप्लीकेशन के लिए मल्टीप्लाई है ठीक है इसे मैं हटाता हूँ यहां से तो, तो यहां पर मैं क्या करवा रहा हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ थ्री से तो ये कैसे होगा हाँ ये भी पॉसिबल हो जाएगा ये सिर्फ क्या होगा कि मुझे राज, राज, राज तीन बार प्रिंट करके दे देगा ठीक है और मैं चाहूँ तो इस चीज को अपने अलग वेरिएबल में भी स्टोर करके रख सकता हूँ असाइन करके रख सकता हूँ और उस चीज को मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ ठीक है तो ये भी पॉसिबल है ठीक है राज 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 ये हो जा रहा है हमारे पास तो इस तरह से हम एप्लीकेशन करवाते हैं चीजों का ठीक है आगे बढ़ते हैं हम आगे हमारे पास है सेट अब देखो ये भी लिस्ट की ही तरह है और अब तुम अब मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि लिस्ट और टपल अलग अलग क्यों बनाए गए हैं तो मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि सेट को भी अलग क्यों बनाया गया है तो देखो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि हमें यहाँ पर करली ब्रेसेस में चीजों को हम रिप्रेजेंट करते हैं वन कामा टू कामा थ्री कामा फोर जो भी है कामा फोर ठीक है और अगर मैं इसे यहाँ से हटाऊँ और मैं प्रिंट करवाऊँ को ठीक है रन करवा के दिखाता हूँ मैं तुम्हें तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि ये एक फोर गायब हो गया एक्स्ट्रा फोर जो है तो ऐसा क्यों हो रहा है तो सेट की प्रॉपर्टी ही यही होती है अगर तुमने क्लास एलेवेंथ में सेट मैथ्स लेके पढ़ा होगा तो सेट की प्रॉपर्टी ही यही होती है कि वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को नहीं रहता है ठीक है बस यही काम है सेट का बाकी सेम है और अगर हम यहाँ पर चेक करना चाहें कि ये म्यूटेबल है या, या इम्यूटेबल तो यहाँ पर मैं पहले p का जो दूसरा एलिमेंट है मतलब उसे हम इंडेक्स वन देंगे और उस उससे मैं यहाँ पर स्टोर करवा देता हूँ मान लेते हैं कि राज स्टोर करवा देता हूँ अगर मैं इसे सेव करूँ और अगर रन करूं तो यहाँ पर मुझे ये एरर आ रहा है बस इसका मतलब ये है कि सेट जो है वो भी इम्यूटेबल डेटा टाइप का है मतलब लिस्ट जो है वो अभी तक हमारे पास बस एक ही मिला है जो कि एक म्यूटेबल डेटा टाइप का है अभी तक हम यहाँ पर सेट्स तक पहुंच चुके हैं लेकिन अभी हमने एक भी मतलब लिस्ट को छोड़कर एक भी म्यूटेबल डेटा टाइप का जो चीज़ है वो नहीं मिला हुआ है ठीक है अब हमारे पास आता है डिक्शनरी खैर अगर तुम्हें ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं नेक्स्ट चैप्टर में हम इन चीजों को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं और उनके और, और और भी बहुत सारे मेथड्स देखने वाले हैं ठीक है और स्ट्रिंग्स भी है उसके भी बहुत सारे मेथड्स देखने वाले हैं खैर अब बात करते हैं हम डिक्शनरी के बारे में तो डिक्शनरी क्या होती है तो डिक्शनरी के लिए भी सिमिलरली करली ब्रेसेस ही यूज होते हैं और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ पहले या फिर मैं कह सकता हूँ कि मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ कमेंट आउट कर देता हूँ मैं से ठीक है और अब देखो डिक्शनरी क्या होती है डिक्शनरी में जैसे तुम्हारे पास फिजिकल जो डिक्शनरी है उसमें क्या होता है कोई भी वर्ड लिखा होता है और उसकी मीनिंग लिखी होती है तो ये तो मैं चीज़ दिख रही होगी एक पैटर्न तो मैं यहाँ पर नोटिस कर रहे हो कि ये एक पेयर में बना हुआ है तो अब हम यहाँ पर चीजों को पेयर में स्टोर करने वाले हैं ठीक है जैसे कि आ, तुम्हारे क्लास में बहुत सारे पेयर्स बने होंगे ठीक है खैर हम यहाँ पर थोड़े अच्छे पेयर्स बनाने वाले हैं जैसे कि राम और उसके बाद हम यहाँ पर कोलन देंगे और इनका पेयर हम बनाने वाले हैं सीता के साथ ठीक है कॉमा, फिर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कृष्णा ठीक है और हम यहाँ पर कॉलोन देंगे और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे राधा फिर एक और एलिमेंट बना लेते हैं कॉमा Uh, यहाँ हम लिखेंगे शिव और फिर यहाँ पर हम इनका जो पेयर बनवाएंगे वो होगा पार्वती ठीक है तो इस तरह से हमने यहाँ पर तीन एलिमेंट स्टोर करवाए हैं ठीक है ठीके? हमने उसे ये जो सेपरेट किया है वो कॉमा से किया हुआ है ठीक है ये हमारे पास एक एलिमेंट यहाँ पर है दूसरा एलिमेंट यहाँ पर है और तीसरा एलिमेंट हमारे पास यहां पर है ठीक है तो ये सिंपल है क्या हो रहा है कि हम इन चीजों का पेयर बना रहे हैं और पेयर किस तरह से बनाते हैं हम सिंपल पोलोन लगा देते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम अपने को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर करूं, तो तो मैं दिख रहा होगा कि पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है लेकिन अगर मैं देखना चाहूँ कि राम जो है उनका पेयर किन से बना हुआ है तो उसके लिए मैं यहाँ पर ही यह लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग वगैरह का यूज कर सकता हूँ लेकिन इंडेक्सिंग यहाँ पर पहले लिस्ट वगैरह का जैसे नहीं होती है ठीक है अगर मैं यहाँ पर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर अगर मैं वन लिख दूं या फिर जीरो लिख दूं तो हमारे पास एरर आएगा कि यहाँ पर वन कोई की तो है ही नहीं अब ये की क्या है ठीक है तो देखो जब भी हम कोई पेयर बना रहे होते हैं जैसे कि ये एक पेयर है तो उसमें जो पहला एलिमेंट है उसे हम की कहते हैं और उसके बाद उसकी जो पेयर है वो हम जिससे बना रहे होते हैं उसे हम वैल्यू कहते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर की और वैल्यू का पेयर बनाकर एलिमेंट्स बनाते हैं डिक्शनरी के अंदर ये हमारे पास की है ये हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास की है ये हमारे पास वैल्यू है सिमिलरली ये हमारे पास की है ये हमारे पास वैल्यू है ठीक है तो यहां पर जब भी तुम डिक्शनरी में इंडेक्सिंग करो तो यहां पर तुम्हें इंडेक्स के जगह पर की का यूज करना है तो यहां पर मैं अगर मैं यहां पर राम लिख दू तो यहां पर सीता आ रहा है ठीक है ये कितनी मैजिकल चीज है अगर मैंने यहां पर सिर्फ राम लिखा तो यहां पर इसने मुझे सीता प्रिंट करके दे दिया ठीक है तो ये किस तरह से पॉसिबल हो पा रहा है ये डिक्शनरी की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि हम पर pairs है। तो है। यहाँ पर पेयर्स बना पा रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर मुझे तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज ये बतानी है कि जब भी हम की बना रहे हो तो तुम्हें यहां पर ये ध्यान रखना है कि वो इम्यूटेबल डेटा टाइप का हो यहां पर तुम किसी म्यूटेबल डेटा टाइप की चीज को की नहीं बना सकते ठीक है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर राम जो लिखा हुआ है इसे मैं सॉरी इसे मैं किसी एक लिस्ट के अंदर रख रहा हूं ठीक है और ये लिस्ट हमारे पास बन चुका है ठीक है ना अगर मैं इसे भी रन करूँ तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये यह अनहैशेबल टाइप लिस्ट बता रहा है ये कहना चाह रहा है कि तुम जो की बना रहे हो वो एक लिस्ट डेटा टाइप का हो गया लेकिन ये हम नहीं रख सकते ठीक है कंट्रोल एस और अगर मैं इसे भी रन करूँ तो यहाँ पर तुम्हारे पास सीता आ जाएगा ठीक है अब हम ये देखते हैं कि ये म्यूटेबल है या फिर इम्यूटेबल है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर उसके लिए हम यहाँ पर इस चीज़ को पहले हटाते हैं और इस चीज को हटाते हैं और यहाँ पर हम ई को डालते हैं हमारे पास क्या थे राम ठीक है अब अगर राम का जो वैल्यू है ठीक है राम जो है उनके वैल्यू में अगर हम सीता को हटाकर सिया कर देते हैं ठीक है तो अब क्या होगा क्या ये चेंज होगा कंट्रोल एस एसकर से हैं और अगर मैं इसे विरंग करके दिखाऊं तुम्हें तो यहां पर तुम्हें दिख रहा है कि हां ये चेंज हो चुका है इसका मतलब क्या है इसका मतलब डिक्शनरी जो है वो म्यूटेबल डेटा टाइप का है तो हमारे पास इम्यूटेबल में बहुत सारे आ गए और इम्यूटेबल और जो म्यूटेबल है उसमें सिर्फ हमारे पास दो आए अभी तक लिस्ट और डिक्शनरी ठीक है तो ये था म्यूटेबल और इम्यूटेबल ठीक है अब तुम यहां पर ये मत देखना कि जैसे कि अगर यहां पर एक लिस्ट है ठीक है तो अगर मैं इस लिस्ट को यहां से हटा दूं ठीक है और मान लेते हैं अगर मैंने ए में वन स्टोर कर दिया और मान लेते हैं ए में वन टू थ्री स्टोर कर दिया उसके बाद फिर हम ए में फोर फाइव सिक्स स्टोर कर रहे हैं अगर मैं ऐसा भी सेव करूं तो हमारे पास क्या होगा सॉरी यहाँ पर ये यह ए होना चाहिए अगर मैं इसे अभी सेव करूँ अगर मैं इसे भी रन करूँ तो यहाँ पर मेरे पास फोर फाइव सिक्स आ रहा है तो तुम ये समझ ये मत समझ लेना कि अगर पूरी वैल्यू को यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूं और ये चेंज हो जा रहा है तो ये म्यूटेबल हो गया तो ये गलत फहमी बिल्कुल भी मत रखना मैंने म्यूटेबिली में तो मैंने म्यूटेबिलिटी में तुम्हें तो क्या बताया है? कि हम किसी एक चीज को चेंज कर सकते हैं ठीक है तो वो होगा म्यूटेबल लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम पूरी की पूरी चीज़ों को ये चेंज कर रहे हैं ना ठीक है समझ गए तो वो तो सब में हो पाएगा अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग भी लिख दू इसे मैं अगर स्ट्रिंग में डाल दू ठीक है तो यहाँ पर मैं पूरी की पूरी स्ट्रिंग डाल रहा हूं ठीक है ए में पहले मैंने वन टू थ्री डाला उसके बाद ए में फोर फोर फाइव सिक्स डाल रहा हूँ तो इसका मतलब तुम ये मत समझना कि ए में जो है वो चेंजेस हो जा रहे हैं चेंजेस हो जा रहे हैं इसका मतलब जो है वो ए म्यूटेबल है तो ये तुम बिल्कुल भी मत समझना ठीक है यहाँ पर हम पूरी की पूरी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं ना कि किसी एक एलिमेंट को उठा के चेंज कर रहे हैं बस ये मुझे तुम्हें बताना था तो यहां तक हमने कवर कर लिया इसके बाद हम आते हैं एक्सप्रेशन पे अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं और ये हम कल पढ़ने वाले हैं तो बाय गुड नाइट तो हमने यहां तक पढ़ लिया म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के बारे में और अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशन के बारे में तो एक्सप्रेशन क्या होते हैं सिंपली तुम अलग अलग ऑपरेश को ले लो और या फिर वेरिएबल्स को भी ले लो बीच में कोई सम करवा दो या फिर कोई भी ऑपरेटर बीच में डाल दो और उसको जो हम इवेलुएट करते हैं तो कोई चीज़ आ जाती है हमारे पास तो ऐसी चीजों को हम एक्सप्रेशन कहते हैं ठीक है हमारे पास बहुत सारे बहुत सारे तरह के ऑपरेटर्स होते हैं सॉरी हमारे पास बहुत सारे तरह के एक्सप्रेशन हैं जैसे एथमेटिक ऑपरेटर्स रिलेशनल लॉजिकल ठीक है सबके बारे में हम देखने वाले कै करके और उससे पहले तुम्हें मैं एक चीज याद दिला देता हूँ कि तुमने ऑब्वियसली जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा मैथ्स में बॉर्ड मास के बारे में और उसमें तुम्हें ये बताया जाता था कि अगर तुम्हारे पास कोई एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दी हुई हो जैसे कि ये फाइव प्लस टू डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस एट ऐसा कुछ अगर दिया हो तो तुम यहां पर कोई एक रूल लगाते थे इसको सीरीज में सॉल्व नहीं करते थे कोई एक रूल लगाते थे कि सबसे हायर प्रेसिडेंस किस चीज का है ठीक है डिवीजन का हायर प्रेसिडेंस है तो पहले मैं सबसे पहले डिवाइड करूंगा उसके बाद जो चीज आएगी उसमें मैं फाइव को एड करूंगा उसके बाद फिर जो चीज आएगी उसमें मैं एट को सफ्रैक्ट कर दूंगा तो तुम ये रूल लगाते थे सिंपल है लेकिन ये भी सिमिलर है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर है मैं आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कि इसे कैसे करते हैं मैंने इसका नाम स्ट्रिंग्स रखा है लेकिन अभी हम जो भी काम कर रहे हैं सब कुछ इसी में ही करवा रहे हैं खैर कोई बात नहीं मैं काम करता हूँ ए में मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ वन बी में एक वैल्यू ले लेता ले हूँ सिक्स uh, ठीक है और प्रिंट करवा रहा हूँ ए प्लस बी तो तुम सबको पता है क्या आंसर आने वाला है ठीक है हमारे पास सेवन आंसर आ चुका है और क्या होता अगर यहाँ पर ये यह थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जैसे कि ए प्लस बी है यहाँ पर अब मैं कुछ और चीजें यहाँ पर डाल देता हूं प्लस टेन या फ्लोर डिविजन फोर माइनस टू और इसका एक्सपोनेंट में डाल देता हूँ थ्री ठीक है तो ये हो गया अब इस चीज को देखते हैं कि ये पाइथन जो है वो हमारा किस तरह से इवेलुएट कर रहा है ये इसका आंसर वन आ रहा है अब तुम्हें देखना है कि इसका आंसर वन किस तरह से आ सकता है ये चीज तुम्हें एग्जाम में आ सकती है और फिर तुम्हें कहा जाएगा कि पाइथन जिस तरह से इसे सॉल्व करने वाला वैसे ही तुम करो और फिर इसका आंसर लेके आओ कि क्या आने वाला है क्या आउटपुट आने वाला है सिंपल है तो देखो सबसे पहले इस चीज को फॉलो करो इसमें कुछ नहीं है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है इसमें ऊपर से नीचे तक तुम्हारे पास प्रेसिडेंस दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंस है वो किन चीजों का होने वाला है तो सबसे पहले तो हमारे पास पैरेंथिस तुम्हें दिख रहा होगा फिर है हमारे पास इंडेक्सिंग का ठीक है यहाँ पर मैंने तुम्हें स्लाइसिंग वगैरह के बारे में बताया है। और उसके बाद फिर अवेट एक्सप्रेशन है हमारे पास ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है आगे बढ़ते हैं एक्सपोनेंट्स ठीक है ये है उसके बाद है हमारे पास क्या पॉजिटिव नेगेटिव और बिटवाइज ऑपरेटर्स तो ये भी तुम्हारे पास नहीं है अभी सिलेबस में बिटवाइज ऑपरेटर्स और उसके बाद हमारे पास क्या है मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स डिविजन फ्लोर डिविजन रिमाइंडर इन सबको सेम में क्यों रखा गया है एक ही ब्लॉक में पर क्यों रखा गया है देखो भले ही यहाँ पर इन सबका प्रेसिडेंस जो है वो सेम दिया हुआ है जैसे कि अगर बॉडमास की बात करें हम तो हमारे पास पहले डिविजन का होता है उसके बाद फिर का होता है लेकिन यहाँ पर सबका सेम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर तुम्हें सॉल्व करना हो तो तुम क्या पहले करोगे तो यहाँ पर ये एक ब्लॉक में इसलिए दिया गया है ताकि अगर तुम्हें इसे सॉल्व करना हो तो तुम इस चीज को कंसीडर करो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिविटी ठीक है और इसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है मतलब कि हमें सिर्फ सीरीज में सॉल्व करना है ठीक है अगर ये हमें मिल गया मान लेते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन मिला सीरीज में सॉल्व करते हुए तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर मैट्रिक्स मिला तो उसका काम करेंगे डिवीजन तो डिवीजन करेंगे फ्लोर डिवीजन तो डिवीजन करेंगे रिमाइंडर तो रिमाइंडर करेंगे मतलब एक सीरीज में हम अपने एक्सप्रेशन को देखने वाले हैं जो चीज हमें मिल जाए इनमें से उसका काम कर देंगे हम ठीक है उसके बाद फिर हमारे पास है एडिशन सब इनका भी सेम है लेफ्ट टू राइट जाना है उसके बाद शिफ्ट ये सिलेबस में नहीं है बिटवाइज एंड भले ही सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ ठीक है और यहाँ पर हमारे पास है कंपेरिजन ऑपरेटर्स तो मैं यहाँ पर दिख रहा होगा इसे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहेंगे ठीक है यहाँ पर ये यह जो हमारी चीज़ें हैं यहाँ पर ये स्मॉलर देन स्मॉलर देन इक्वल टू ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू और इज इक्वल टू ठीक है फिर यहाँ पर हमारे पास मेंबरशिप टेस्ट और मेंबरशिप ऑपरेटर हम यहाँ पर इन और नॉट इन को बोलते हैं ठीक है और आइडेंटिटी टेस्ट ये इज और इज नॉट के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा सा इधर उधर लिखा हुआ है लेकिन फिर भी तुम्हें समझ जाना है नाम से समझ जाओ देखो कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये सिंपल है जिसे हम रिलेशनल भी कहते हैं कंपैरिजन करने में यही ग्रेटर देन स्मॉलर देन ठीक है और उसके बाद फिर मेंबरशिप टेस्ट तो मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि तुम्हारे पास एक बकेट है और उसमें तुम बॉल्स को रख रहे हो तुम कुछ रेड बॉल्स को रख रहे हो कुछ ग्रीन बॉल्स को रख रहे हो अब यहाँ पर अगर तुमसे पूछा जाए कि क्या वो रेड बॉल उस बकेट के अंदर है या नहीं ऐसा पूछ सकते हैं ना तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं इन और नॉट इन ऑपरेटर्स का ठीक है अगर कोई चीज उसके कंटेनर में है या नहीं है ये पता करने के लिए हम इन और नॉट इन का यूज करने वाले हैं तो हम यही कहेंगे ना कि मतलब वो जो वो बॉल है वो रेड बॉल वो उस बकेट का मेंबर है ये कह सकते हैं तो सिंपल है तो यहां पर हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स कह सकते हैं इन और नॉट इन को ठीक है और आइडेंटिटी टेस्ट ठीक है अब ये तो तुम समझ जाओगे कि इज 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 और नॉट नॉट क्यों है है इसका basically, इसका बेसिकली काम यही होता है कि चेक करना है कि एड्रेस सेम है या नहीं अब देखो इक्वल होने में और एड्रेस सेम होने में अंतर है ये क्या अंतर है ये मैं तुम आगे बताने वाला हूँ ठीक है फिलहाल याद रखो तुम कि आइडेंटिटी टेस्ट हम किसके लिए मैं हम, मैं हम क्या यूज करते हैं इज और इज नॉट को फिर हमारे पास है भूल नॉट फिर एंड और फिर यहाँ पर इफल्स लंडा और ये सारी चीजें हैं हमारे पास ठीक है तो ये प्रेसिडेंस हमारे पास दिया हुआ है मैंने काफी ऑलरेडी काफी ज्यादा डिटेल में बता दिया है खैर इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट इस एक्सप्रेशन में तो कहीं नहीं दिख रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट है ठीक है अगर हम एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करें एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर नीचे एक कमेंट बना लेता हूँ यहाँ पर मैंने कमेंट मल्टीलाइन कमेंट बना लिया ठीक है अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर करके लिखूंगा ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट तो नहीं है तो इस चीज को मैं यहाँ पर पहले एज इट इज लिख लेता हूँ इसके बाद अब हमारे पास क्या है सबसे पहले यहाँ पर ये एक्सपोनेंट का जो प्रेजिडेंस है वो सबसे ऊपर होता है ठीक है तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने वाले हैं तो टू टू पावर थ्री क्या होता है टू 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 पावर थ्री हमारे पास आ जाता है एट ठीक है अब इसके बाद क्या होगा इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास फ्लो डिवीजन का जो प्रेसिडेंस है वो आता है ठीक है अगर हम उसको सॉल्व करने जाए तो टेन को अगर हम फोर से डिवाइड करेंगे तो ये हमें क्या ला देगा ये हमें टू ला देगा ठीक है क्यों क्योंकि अगर फोर से डिवाइड करें टेन को तो हमारे पास क्या आएगा एट पॉइंट समथिंग आएगा सॉरी टू पॉइंट समथिंग आएगा जैसे कि मतलब फोर टू जट होता है तो टू पॉइंट समथिंग आना चाहिए तो यहाँ पर टू पॉइंट उस समथिंग वाली चीज़ को ये हटा देगा ठीक है अगर मैं तुम्हें दिखाऊं टेन डिवाइडेड बाई फोर टू करेंगे तो टू पॉइंट फाइव आ रहा है ठीक है पॉइंट तो फाइव वाली चीज को ये हटा दे हटा देगा कौन फ्लोर डिवीजन फ्लोर डिवीजन का काम ही यही है कि ये, ये ये जो इंटी ये जो फ्रैक्शनल वैल्यूज है उनको वो स्किप कर देता है इग्नोर करता है अब हमारे पास ये चीज बन के आ रही है ठीक है और यहाँ पर ये एट था इसको मैं 8 वापस से लिख लेता हूँ ठीक है ठीक है अब हमारे पास दो ही चीजें बच रही है प्लस और माइनस अब इनका प्रेसिडेंस जो था वो सेम था तो यहाँ पर हम एसोसिएटिविटी को काम में लाने वाले हैं मतलब लेफ्ट टू राइट ठीक है तो ए प्लस भी क्या होने वाला है ए प्लस भी हमारे पास वन प्लस सिक्स सेवन होने वाला है सेवन लिखेंगे उसके बाद फिर प्लस टू ठीक है वही प्लस टू और क्या है माइनस एट सॉरी सेवन प्लस टू नाइन और नाइन माइनस एट ठीक है नाइन माइनस एट अब इक्वल करेंगे तो इस तरह से हमें वन आके मिलने वाला है तो ये इस तरह से हम लॉजिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं और इसलिए हमारे पास यहाँ पर आउटपुट भी जो है वो बना आ रहा है ठीक है इजी था आगे बढ़ते हैं अभी हमारे पास क्या है अरिथमेटिक हो गया अभी हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन है तो हमारे पास कौन कौन से रिलेशनल एक्सप्रेशन होते हैं जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए इज ग्रेटर देन बी तो मेरे पास क्या आना चाहिए फॉल्स आना चाहिए अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ तुम्हें यहाँ पर हमारे पास फॉल्स आ रहा है सिंपल है यहाँ पर अगर मैं एट कर दूँ तो भी हमारे पास फॉल्स आना चाहिए फॉल्स आ रहा है अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूँ इसका मतलब क्या है इसका मतलब यही है कि ए जो है वो तो या तो एट के इक्वल हो या फिर एट से बड़ा हो ठीक है इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ठीक है तो अगर मैं इसको रन करूँ तो अभी भी ये फॉल्स आ रहा है अगर मैं एक काम करता हूँ ए की वैल्यू को वन कर देता हूँ ठीक है अगर अभी मैं इसको रन करके दिखाऊँ तुम्हें तो, तो ये ट्रू आ रहा है क्यों क्योंकि भले ही ये बड़ी नहीं है लेकिन इक्वल तो है ठीक है दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए और और हमारे पास क्या है अब देखो जैसे तुम्हें ये ये तुमने ये ग्रेटर दैन इक्वल टू देख लिया उसी तरह से स्मॉलर दैन इक्वल टू भी है वो मुझे तुम्हें फिर से बताने की जरूरत नहीं है और हमारे पास इक्वल टू इक्वल टू भी होता है इसका सिंपल सा मतलब है कि इक्वल होना है वैल्यूज का तो ये ट्रू ठीक है क्योंकि वन और वन इक्वल है और इसके अलावा हमारे पास नॉट इक्वल टू भी है इसे हम एक्सप्लेनेशन मार्क इक्वल टू को हम नॉट इक्वल टू कहते हैं अगर मैं इसे वे रन करूँ तो यहाँ पर तुम्हारे पास ट्रू आ जा रहा है ये ट्रू क्यों आ रहा है अगर मैं इसे फिर से रन करके दिखाऊँ हाँ शायद रन नहीं हुआ था मैं इसको फिर से रन करता हूँ हाँ देखो तो अब ये फॉल्स आ रहा है तो मैं दिख रहा होगा ये फॉल्स क्यों आ रहा है क्योंकि मैं कहना चाह रहा हूँ कि ए जो है वो वन के इक्वल नहीं है तो ये है। मुझसे कह रहा है कि नहीं तुम गलत कह रहे हो ए जो है वो वन के इक्वल है सिंपल तो ये भी कंप्लीट हो गया आगे बढ़ते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन अब हमारे पास क्या है लॉजिकल में देखो क्या क्या आते हैं एंड और नॉट ये सारी जो चीजें थी ये और नॉट तो नॉट कहाँ गया सॉरी ये बिटवाइज वाली चीजें नहीं यहां पर ये बुलियन वाली चीजें नॉट एंड और ठीक है ये सारी चीजें हैं तो अगर मैं इसको तुम्हें दिखाऊं कि इसको कैसे यूज करना है तो देखो इतना तो तुम्हें पता है कि अगर कोई भी वन या फिर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसका जो वैल्यू होगा वो ऑब्वियसली ट्रू होना चाहिए ठीक है अगर वो सिर्फ जीरो हुआ तो उसे हम फॉल्स कह सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉट के बारे में ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर नॉट लिख दू और यहाँ पर ट्रू लिख ठीक है सॉरी ट्रू यहाँ पर यह इस तरह से नहीं होता यहाँ पर कैपिटल टी होना चाहिए ठीक है पाइथन में तुम ये याद रखना अगर मैं इसे भी रन करूँ तो ये फॉल्स आ रहा है ये सिंपली मुझे क्या कहना चाह रहा है कि नॉट वैल्यू ट्रू की फॉल्स होगी मतलब नॉट के बाद जो कुछ भी लिखा होगा बस उसका उल्टा कर दो सिंपल है वो तुम्हारा नॉट का वैल्यू आ जाएगा ठीक है अगर मैं यहाँ पर कोई कंडीशन डाल दू ठीक है यहाँ पर मैं कंडीशन डालता हूँ कि ए इज ग्रेटर देन सिक्स तो क्या ये ट्रू है नहीं ये फॉल्स है ए जो है वो सिक्स से ऑब्वियसली छोटा है लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि ए जो है वो सिक्स से बड़ा है तो यहाँ पर मेरा आना चाहिए क्या फॉल्स और फॉल्स का जो नॉट है वो ट्रू बन के आना चाहिए अगर मैं इसे अभिरन करूँ तो ये मेरे को ट्रू आउटपुट दे रहा है तो इस तरह से हमारे पास ये लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं और यहाँ पर ये सिर्फ नॉट ही नहीं है हमारे पास हमारे पास और भी चीज़ें हैं खैर अगर मैं यहाँ पर नॉट ऑफ जीरो लिख दूँ तो क्या आएगा अगर मैं बी रन करूँ तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास ट्रू आ रहा है और अगर मैं कोई भी वैल्यू लिखूँ मान लेते हैं वन अगर मैं इसे भी रन करूँ तो ये फॉल्स आ रहा है ऐसा क्यों क्योंकि ये सिर्फ जीरो को फॉल्स मानेगा बाकी किसी को चीज़ों को ये फॉल्स नहीं मानने वाला ठीक है अगर तुम यहाँ पर जीरो लिख दो इसको ये फॉल्स मानेगा और फॉल्स का उल्टा हमारे पास ट्रू आ जाएगा ठीक है और बाकी तुम कोई भी वैल्यू लिख दो मान लेते हैं माइनस में भी कोई चीज लिख देते हैं माइनस ट्वेंटी मैंने लिख दिया अगर मैं इसे प्रिंट करूं तो ये फॉल्स आ रहा है क्योंकि माइनस ट्वेंटी इसने ट्रू मान लिया और टू का उल्टा इसने फॉल्स लाकर दे दिया ठीक है तो ये काम किया है इसने और हमारे पास और भी चीजें हैं एंड और अब देखो मान लेते हैं बात करते हैं अभी हम एंड के बारे में बात करते हैं एंड का मतलब तुम सबको पता है कि तुम्हें दो कंडीशन दी गई है अगर उनमें एंड ऑपरेटर लगा हुआ है तो दोनों का ट्रू होना जरूरी है तभी जो हमारा आउटपुट है वो ट्रू आएगा वरना हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा ठीक है अब देखो इस चीज को यहां पर मान लेते मैंने जीरो एंड ट्रू लिख दिया ठीक है अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो हमारे पास क्या आ रहा है जीरो ठीक है अब देखो जीरो क्यों आ रहा है क्योंकि एंड क्या करता है तो एंड को क्या चाहिए एंड को चाहिए कि दोनों ऑपरेंट्स ट्रू हों अब अगर उसे पहली वैल्यू फॉल्स मिल गई तो वो आगे क्यों जाएगा आगे नहीं जाएगा ना वो ठीक है तो ये एंड का हमेशा रूल होता है कि वो पहली वैल्यू पहले चेक करेगा अगर पहली वैल्यू उसको ट्रू मिली तभी तो वो आगे जाएगा दूसरी वैल्यू को चेक करने अगर उसे ये पहली वैल्यू फॉल्स मिल जाती है इसका मतलब तो यही कि आउटपुट फॉल्स आने वाला है तो ये दूसरी वैल्यू को चेक ही नहीं करेगा इसलिए हमारे पास यहाँ पर ये फॉल्स लेके आएगा ठीक है अगर मैं इसे भी रन करूँ तो यहाँ पर तो मैं दिख रहा होगा ये जीरो आ रहा है लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे वन कर दूँ ठीक है तो अभी क्या आएगा मान लेते वन नहीं करते मान लेते मैं इसे पाँच कर दूं ठीक है अगर मैं इसे भी सेव करके रन करूं तो ये तुम्हें दिख रहा है कि टू आएगा ठीक है तो ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ कि एंड जो है वो पहले मेरा आ, फाइव को चेक करेगा फाइव ट्रू है आगे जाएगा टू भी ट्रू है तो टू को ये प्रिंट कर देगा ठीक है तो फाइनल फाइनल चीज़ जो हमारी है वो प्रिंट हो रही है किस केस में जब पहली चीज़ भी ट्रू है और दूसरी चीज़ भी ट्रू है तो अगर मैं दूसरी चीज़ को फॉल्स बना दूं तो ठीक है अगर मैं इसे अभी रन करके दिखाऊं तो तुम्हें तो ये ज़ीरो प्रिंट कर रहा है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है ये कि इसने पहले इसको चेक किया होगा ट्रू मिल गया होगा फिर इसने इसको चेक किया तो इसे फॉल्स मिल गया इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें फुलफिल नहीं हो पा रही हैं और दोनों चीज़ें फुलफिल नहीं हो पा रही तो इसने ज़ीरो प्रिंट कर दिया ठीक है तो इस तरह से ये काम होता है सिंपली अगर मैं तुम्हें और बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे जाकर दिखाऊं तो अब तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है ट्रू और फॉल्स अगर मैं इसे भी रिटर्न करूं तो यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा ये फॉल्स आ गया ठीक है ऐसा क्यों हुआ क्योंकि पहली वाली ट्रू हो गई और दूसरी वाली फॉल्स हो गई तो इसने ये फॉल्स को प्रिंट कर दिया इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझो तुम और अगर मैं इसको भी यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ तो ये ऑब्वियसली ट्रू को प्रिंट करेगा अब तुम सोच रहे हो कि ये कौन सी वाले ट्रू को प्रिंट कर रहा है इस वाले ट्रू को निकाल के प्रिंट कर रहा है या फिर इस वाले को तो इसका जवाब ये है कि दोनों को चेक कर रहा है और दोनों में जो दूसरी वैल्यू है और दोनों में जो है हमारे पास आउटपुट ट्रू आया ठीक है इसलिए ये दूसरी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है ठीक है और अब हम देखते हैं और के बारे में तो और में क्या है कि हमें बस एक वैल्यू ट्रू चाहिए ठीक है अगर ये वैल्यू ट्रू मिल गई तो ये आगे जाएगा ही नहीं ये चेक नहीं करेगा आगे वाले को अगर ये ट्रू मिल गई तो ये ऑब्वियसली मुझे ट्रू रिटर्न करके दे देगा अगर मैं इसे भी रन करके दिखाऊ तुम्हें तो ये ट्रू आ रहा है और अगर मैं यहाँ पर फॉल्स लिख दू यहाँ पर ठीक है अगर अभी इसे रन करके दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू आ रहा है ट्रू का क्या मतलब ये वाला ट्रू आ जा रहा है ठीक है और अगर मैं इसको ट्रू को हटा के यहाँ पर वन लिख दूँ तो और अब भी अगर मैं इसे रन करवाऊँ तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करके दे रहा है क्योंकि इसके हिसाब से ये वैल्यू भी ट्रू है और ये आगे चेक ही क्यों करेगा क्योंकि ये वैल्यू तो ट्रू है बस तो फिर काम ख़त्म और अब एक काम करते हैं इसमें हम कुछ इनवैलिड चीज़ें लिखते हैं मान लेते हैं मैं यहाँ पर ए को डिवाइड करवाता हूँ ज़ीरो से ठीक है अब देखो किसी भी चीज़ को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते ये तुम सबको पता होगा और ए में हमारे पास वन है और एक को मैं डिवाइड करवा रहा हूँ जीरो से अगर मैं इसे भी रन करके दिखाऊं तो ये ट्रू आ रहा है ये मुझे एरर नहीं दे रहा है क्योंकि ये आगे जा ही नहीं रहा है ये सिर्फ यहाँ पर चेक कर रहा है हो गया ट्रू तो अभी इस चीज को आउटपुट कर दे रहा है कि ये ट्रू है तो बस और का काम ये था देखो और में क्या था कि सिर्फ एक चीज जो है वो ट्रू होनी चाहिए एंड में क्या है कि दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए अब हमारे पास है टाइप कास्टिंग अब देखो टाइप जो कन्वर्जन होता है अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर वन प्लस वन अगर ये करूँ तो ऑब्वियसली हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ऑब्वियसली टू आएगा ठीक है और अगर मैं वन प्लस वन पॉइंट ज़ीरो कर दूं तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा इस बार हमारे पास टू पॉइंट जीरो आएगा तो तुम यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ पर ये इंट है और यहाँ पर ये फ्लोट है तो इन दोनों का जो आउटपुट है वो फ्लोट में क्यों आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है अब अगर तुम सोच रहे हो कि ये बाद में लिखा हुआ है इसलिए तो ऐसा नहीं है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ इस चीज़ को मैं शुरू में कर देता हूँ ठीक है अगर मैं अभी से रन करूँ तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा टू पॉइंट जीरो अभी भी आ रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक है तो हमारा जो कंपाइलर है ना वो ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि इस चीज़ में हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स आ सकती हैं ज़्यादा चीज़ें हम दिखा सकते हैं तो ये जो आंसर है वो खुद ब खुद फ्लोट में आ जाए पूरा जो समय वो फ्लोट में आ जाए तो बेटर रहेगा इसलिए ये खुद ब खुद फ्लोट में चीज़ों को कन्वर्ट कर दे रहा है और अगर मैं यहाँ पर इनमें से किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स रखूँ तो वो जो मेरा पूरा आउटपुट है वो कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा जैसे अगर मैं रखूँ यहाँ पर वन प्लस सिक्स जे अगर मैं ये रखूँ ठीक है और इसको मैं एक काम करता हूँ एक ब्रैकेट में रख देता हूँ ठीक है अगर मैं इसको अभी सेव करके अगर रन करूँ तो हमारे पास जो आउटपुट है वो कॉम्प्लेक्स में आ रहा है ठीक है क्योंकि कॉम्प्लेक्स ज़्यादा चीज़ें हमें दिखाता है ठीक है ना तो ये जो कन्वर्जन है टाइप का ये जो डेटा टाइप का कन्वर्जन है ये हमारा जो इंटरप्रेटर है वो खुद ब खुद कर रहा है तो इस टाइप कन्वर्जन को हम कहते हैं एम्प्लिस टाइप कन्वर्जन लेकिन कभी कभी हमारे पास कुछ केसेस आएंगे जहां पर हम खुद अपने डेटा टाइप को चेंज कर रहे होंगे जैसे कि अगर मेरे पास बी जो है वो सिक्स में है इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो बी इज इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ पर फ्लोट और फ्लोट फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर सिक्स या फिर कह सकते हैं बी लिख दूँ ठीक है और मैं बी को प्रिंट करवाऊँ तो हमारे पास बी जो है वो सिक्स होगा यानी सॉरी सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट जीरो हो जाएगा तो इस केस में हमारे पास बी सिक्स पॉइंट जीरो हो जाएगा ठीक है तो मैं दिख रहा होगा यहाँ पर तो इस तरह से हमने यहाँ पर टाइप का कन्वर्जन करवाया है ठीक है अगर मुझे किसी और चीज़ में कन्वर्ट करवाना होता तो वो हम करवा रहे होते और जब हम करवा रहे होते तो उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं तो हमारे पास दो तरह के टाइप कन्वर्जन होते हैं सबसे पहला इम्पलेसिड टाइप कन्वर्जन और दूसरा एक्सप्लेसिड टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लेसिड टाइप कन्वर्जन वो होता है जहाँ पर हम डेटा टाइप्स को चेंज कर रहे होते हैं और इसे टाइप कास्टिंग भी कहते हैं दूसरी बात ये कि एम्पलेसिड टाइप कन्वर्जन वो होता है जहाँ पर हमारा जो इंटरप्रेटर है वो खुद ब खुद चीज़ों को कन्वर्ट कर लेता है ठीक है तो ये दो चीजें थी और क्या हर डेटा टाइप को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है जैसे तुम्हारे तो पास एजी क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्या हम ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं ट्राई करते हैं सॉरी यहाँ पर ये यह स्ट्रिंग नहीं लिखना होता यहाँ पर हम पाइथन में चीज़ों uh, स्ट्रिंग को सिर्फ एस से रिप्रेजेंट करते हैं अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो हमारे पास वन आ रहा है यहाँ पर इसने कोई एरर नहीं दिया अगर मैं यहां पर यहां पर अगर मैं टाइप प्रिंट करवाऊँ किसका एक काम करते हैं बी का टाइप मैं प्रिंट करवाता हूँ type of b अगर मैं type of b प्रिंट करवाऊं अगर इसको रन करूं मैं तो यहां पर तुम्हारे पास आ रहा है क्लास स्ट्रिंग ठीक है तो यहां पर ये यह कन्वर्जन हो चुका है और अगर मैं कोई और अगर मैं कुछ इस तरह का काम करूं कि b में यहां पर हमने क्या करवाया यहां पर हमने a में जो एक इंटीजर असाइन कर दिया है और b में मैं क्या करवा रहा हूँ कि उस इंटीजर को कन्वर्ट करवा रहा हूं स्ट्रिंग में और b में उस चीज को मैं स्टोर करवा रहा हूं तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर कन्वर्ट हो जा रही है यहाँ पर हमने इसका डेटा टाइप भी प्रिंट करवा लिया और उस चीज़ को भी प्रिंट करवा लिया अगर मैं इसे रन करूँ तो मैं दिख रहा होगा यहाँ पर स्ट्रिंग और वन आ रहा है ठीक है वन जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में है अभी यहाँ पर ये सिंपल है लेकिन आ, क्या होगा अगर मैं यहाँ पर ए में वन की जगह इस चीज़ को मैं ऐसे स्ट्रिंग में रख दूँ और इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करवाऊँ ठीक है अगर अभी मैं इसको रन करवाता हूँ तो भी ये हो जा रहा है ठीक है लेकिन अगर मैं यहाँ पर वन अब देखो कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पर मिला लूँ अब तो तुम सबको पता होगा कि ये ये कर नहीं पाएगा तो यहाँ पर ये एरर आना चाहिए ऑब्वियस बात है तो अगर मैं इसे रन करवाऊँगा तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये एरर आ चुका है और यहाँ पर ये वैल्यू एरर है ठीक है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा बस यही मुझे तुम्हें बताना था बाकी सब तो ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर टाइप कन्वर्जन वगैरह तुमने देख लिया अब बात करते हैं मैथ लाइब्रेरी के बारे में और ये मैंने ऑलरेडी क्लास इलेवंथ में तुम्हें एक्सप्लेन किया हुआ था तो मैं वो क्लिप उठाकर डाल देता हूँ अब जो तुम देखने वाले हो वो क्लास इलेवेंथ की मैथ लाइब्रेरी की क्लिप है इसको टू वैक्स में जल्दी से देख लो और उसके बाद फिर से मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ यहाँ से स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल से तो अब हमें सबसे पहले देखना है क्या हमें देखना सबसे पहले मैथ मॉड्यूल के बारे में तो आते हैं मैथ मॉड्यूल पर तो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था मैथ को पहले इम्पोर्ट करवाएंगे यानी मैथ मॉड्यूल जो है उसे मैं इम्पोर्ट करवाऊंगा उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा इम्पोर्ट मैथ ठीक है अब इंपोर्ट कराने के भी अलग अलग तरीके हैं यहां पर मैं ये लिख सकता हूं फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट और उसके बाद यहां पर मैं फंक्शंस के नाम लिख सकता हूं या फिर मैं स्टार लिख सकता हूं ठीक है अगर एक्स एसक्यूल तुमने यूज किया हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम तुम लिखते हो ताकि तुम्हारे पास सारा का सारा डेटा आ जाए तो उसी तरह के तरह से यहाँ पर भी ये स्टार का, का काम है स्टार को यहां पर एस्ट्रिस्ट भी बोलते हैं ठीक है थीके? हर जगह बोलते हैं तो इसका भी वही काम है यहाँ पर ये क्या करेगा कि सारे फंक्शंस को मैथ से इंपोर्ट करवा लेगा ठीक है या फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ऐसे कॉमा दे दे के फंक्शंस का नाम लिख सकते हैं ठीक है जो भी फंक्शन का नाम हमें चाहिए मुझे ये फंक्शन चाहिए ये एक तरीका है फ्रॉम वाला और एक दूसरा तरीका ये क्या है ये इम्पोर्ट मैथ ठीक है अब दोनों दो तरीके हैं कोई भी मॉड्यूल इम्पोर्ट करवाने के अब ये जो मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट ये तो हम क्लास ट्वेल्थ में देखने वाले हैं फिलहाल हम मैथ मॉड्यूल पे फोकस करते हैं तो चलो जल्दी से हम कुछ फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो रही है लेकिन कोई बात नहीं मैं इसे अभी भी वन शॉट में ही रखूंगा अब मान लेते हैं मेरे पास कोई नंबर है ए इक्वल टू माइनस थ्री पॉइंट फाइव सिक्स ठीक है ये मान लिया मैंने अब मेरे पास जो फंक्शन है जो कि मैं अभी सबसे पहले वाला हूं, तो मैं दिखाने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर पहले प्रिंट लिखने वाला हूँ और फंक्शन जो है वो कुछ चीज़ें रिटर्न करती हैं ठीक है ठीके? तुम्हें पता होगा तो वो उस उन वैल्यूज़ को रिटर्न करती है जो हमें उनसे चाहिए तो यहाँ पर मैं अब मैथ मॉड्यूल का यूज करके उस फंक्शन को कॉल करने वाला हूं तो वो हम कैसे करेंगे क्योंकि हमने यहां पर इंपोर्ट मैथ से मैथ को इंपोर्ट करवाया तो हम अब यहां पर ये लिखेंगे मैथ ठीक है अब देखो तुम्हें मैथ के मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शन यूज़ करना हो तो उसका एक तरीका होगा लिखने का क्या होगा पहले मॉड्यूल का नाम ठीक है उसके बाद फिर डॉट और उसके बाद फंक्शन का नाम चलो एक पहला फंक्शन जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो है सी ई आई एल ठीक है ये फंक्शन है और उसके बाद फिर पैरेंथिस तो ये सी फंक्शन है तो अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस थ्री पॉइंट फाइव सिक्स ठीक है और इसको मैं मैथ डॉट सी फंक्शन के अंदर डाल रहा हूँ तो मैथ डॉट सी फंक्शन क्या करेगा तो क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है तो माइनस uh, थ्री क्या होगा इससे बड़ा होगा माइनस उससे बड़ा होगा फिर माइनस सबसे बड़ा होगा ठीक है तो नेगेटिव में सबसे बड़ा कौन सा माइनस हो गया तो ये तो तुम्हें तो पता ही होगा तो इस चीज से इस चीज से सॉरी इस चीज से बड़ी ठीक है सील लिखा हुआ है तो तुम याद रखो कि सील मतलब सीलिंग यानी कि सीलिंग मतलब बड़ा ठीक है ऊपर की चीज है तो क्या होता है कि माइनस थ्री पॉइंट फाइव सिक्स से बड़ी कौन सी इंटीजर है इंटीजर देखना हमें ठीक है ठीके? ये फ्लोटिंग पॉइंट है हमें इंटीजर देखना तो वो होता है माइनस थ्री अगर इसे मैं रन करूं तो यहाँ पर तुम देख सकते हो माइनस थ्री आ रहा है अगर मैं यहाँ पर इसे हटाकर अभी रन करूं यानी कि इससे बड़ी कौन सी चीज़ होगी तो वो फोर मुझे रिटर्न करके देगा ठीक है तो यहाँ पर तुम देख सकते हो सील फंक्शन का ये काम है ये तुम्हारे पेपर में आ सकता है नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है मेरे पास नेक्स्ट फंक्शन है मेरे पास एस क्यू आर टी ठीक है एस क्यू आर टी इसे मैं बहुत आसान तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकता हूं इसका स्क्वायर रूट निकालने जाऊं तो ये आएगा काफी छोटा नंबर है कोई बात नहीं अब मेरे पास है ई ठीक है यहां पर मैं अगर इसे हटा के ई एक्स पी कर दूँ, तो वो मुझे ई की पावर में ये डाल के देगा ठीक है तो अगर मैं इसे रन करूं तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो कोई कैलकुलेटर ले लो साइंटिफिक कैलकुलेटर ठीक है तो उसमें तुम्हें तो पता चल जाएगा कि ई e की वैल्यू अगर तुम्हें तो ये डालो तो मेरे पास क्या आएगा ठीक है डॉट ई एक्स पी मतलब होता है कि ई e के पावर में ये डाल दो ठीक है तुमने लॉग वाले चैप्टर में पढ़ा होगा अब मेरे पास है फैब्स मैं इसको हटाता हूँ मैंने यहाँ पर फैब्स लिख दिया फैब्स फंक्शन क्या करता है वो मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू देता है ठीक है एब्सोल्यूट वैल्यू भी तुमने पढ़ा ही होगा अगर आ, मैं यहाँ पर माइनस डाल दूँ तो मुझे यही चीज़ मिल जाएगी लेकिन अगर मैं माइनस भी हटा दूँ तो भी मुझे यही चीज़ मिल जाएगी मतलब तुम अगर उसमें पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हो तो मैं वो पॉजिटिव वैल्यू देगा अगर तुम नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हो तो उसको वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देगा ठीक है फैब्स कौन फैब्स ये तुम्हें क्या करता है एब्सोल्यूट वैल्यू देता है इसे मैं रन करूँ तो ये तुम्हें इस चीज को पॉजिटिव करके इसने तुम्हें दे दिया अगर ये पॉजिटिव भी होता तभी मैं इसे अगर रन करता तो भी मुझे ये पॉजिटिव वैल्यू दे देता दे ठीक है आ गया आगे बढ़ते हैं अब ये मेरे पास फ्लोर ठीक है तो यहाँ पर मैं इसे फैब्स को हटा के मैंने यहाँ पर इसे फ्लोर कर दिया अब तो फ्लोर क्या करता है तो तुम इसे फ्लोर डिवीजन की तरह ये कंफ्यूज मत करना फ्लोर डिवीजन अलग है ठीक है और ये फ्लोर अलग है तो फ्लोर क्या करता है अब देखो सबसे पहले मैंने तो तुम्हें कौन सा फंक्शन बताया था सबसे पहले मैंने तो तुम्हें ये बताया था सीलिंग वाला फंक्शन ठीक है ये क्या करता है इससे एक बड़ी वैल्यू देता है सीलिंग मतलब बड़ी ठीक है उसी तरह से ये फ्लोर ठीक है तो फ्लोर क्या करेगा छोटी इंटीजर वैल्यू देगा सीलिंग और फ्लोर क्या करते हैं दोनों इंटीजर वैल्यूज देते हैं सीलिंग बड़ी वैल्यू देता है एक बड़ी इंटीजर वैल्यू और फ्लोर जो है वो एक छोटी इंटीजर वैल्यू देता है तो अगर मैं थ्री पॉइंट फाइव सिक्स से छोटी इंटीजर वैल्यू की बात करूँ तो वो थ्री हो जाएगा तो तुम देख सकते हो यहाँ पर यह थ्री आ गया अब यहाँ पर लॉग नाम का एक फंक्शन आता है लॉगरिदम तो चैप्टर अगर तुमने पढ़ा हो तो समझ में आ जाएगा ठीक है तो लॉग क्या करता है दो आर्ग्यूमेंट्स देता है यानी कि हम इसके ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर दो वैल्यूज पास करवा सकते हैं तो मान लेते हैं एक वैल्यू मैंने ए पास करवा दिया और दूसरी वैल्यू मैंने फाइव पास करवा दी ठीक है अगर तुमने लॉग पढ़ा हो तब तुम्हें समझ आएगा ये तो ठीक है आगे बढ़ते हैं और फिर लॉग टेन नाम का भी कुछ चीज़ होता है तो जिनने लॉग पढ़ा है उनके लिए ये है यहाँ पर अगर मैं लॉग टेन लिख दूँ और उसके बाद किसी नंबर को पास करवाऊँ ठीक है तो लॉग वाला ही जो था वो ही बस दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है बाकी एक पावर फंक्शन भी है वो भी दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है फिलहाल मैं इसे रन करके दिखाता हूँ ये रन कर रहा है इसके बाद आता है पावर फंक्शन मैथ डॉट पाव ठीक है पावर फंक्शन की जगह हम ये लिखते हैं पावर फंक्शन और तुम्हें यहां पर क्या करना है बेस और एक्सपोनेंट देना है कि क्या यानी कि इस चीज के पावर में क्या चाहिए तुम्हें मैं इनका इसका अगर स्क्वायर करना चाहता हूं तो मैं इसे यहां पर टू लिखूंगा तो ये मुझे स्क्वायर करके देगा क्यूब करना चाहता हूँ तो थ्री लिखूंगा आप तुम्हें पावर फोर चाहिए तो मैं यहाँ पर इसके जगह पर फोर लिख दूंगा तो पावर फंक्शन का ये काम होता है एक्सपोनेंट फंक्शन से भी तुम इसका काम कर सकते हो लेकिन मैथ मॉड्यूल में मुझे ये फंक्शन दिया हुआ है ये मेथड दी हुई है तो मैं इससे काम चलाऊंगा तो यहां पर मैथ डॉट साइन जो है इसके अंदर एक वैल्यू आएगी तो ये क्या देगी ये मुझे किसी भी एक नंबर का साइन वैल्यू निकाल के देगी ठीक है तो यहां पर यह आ रहा है कोई बात नहीं तुम्हें समझ नहीं आ रहा लेकिन क्या होगा अगर मैं यहां पर वन एटी तो साइन चलो नाइन्टी देते हैं ठीक है तो साइन नाइन्टी तुम सबको पता है कि वन होता है तो क्या ये वन आएगा नहीं ये वन नहीं आएगा क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे ये नाइन्टी नहीं चाहिए ये साइन नाइन्टी जो साइन जो चीज़ है वो रेडियन में वैल्यूज लेगा अगर तुमने मैथ्स लिया होगा तब तुम्हें समझ आएगा ये तो चलो इसमें मैं इसे मैं अगर रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो ये कितना हो जाएगा ये पाई बाई टू हो जाएगा ठीक है तो पाई बाई टू लिखने के लिए मैं क्या करूँ यहाँ पर पाई की एक वैल्यू लिख लेता हूँ तो ताकि अप्रॉक्सीमेटली आ जाए थ्री पॉइंट वन फोर डिवाइडेड बाई टू ये कर देता हूँ मैं इसे ठीक है अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली वन आ रहा है ठीक है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर डायरेक्टली पाई नहीं लिखा है अब पाई कैसे लिखते हैं तो पाई लिखने का एक तरीका कौन सा है वो मैथ डॉट पाई लिख सकते हैं हम यहाँ पर ठीक है इस तरह से हम किसी कॉन्स किसी कॉन्स्टेंट को लिख सकते हैं यहाँ पर मैथ डॉट पाई ये लिखेंगे तो ये समझ जाएगा कि ये पाई को बोल रहा है ठीक है अब यहाँ पर ये पाई बाई टू यानी कि नाइन्टी हो गया अगर मैं इसे डिग्रीज uh, में कन्वर्ट करूँ देखो जब तुम एंगल्स तुम अगर पता ना हो तो मैं बता दूं कि अगर तुम एंगल्स की बात कर रहे हो तो तुम दो तरह से बात कर रहे हो अब तक तुम टेंथ क्लास तक जब भी तुमने बात की एंगल्स की तुम किस में बात कर रहे थे डिग्रीज में बात कर रहे थे लेकिन अब तुम किस में बात कर सकते हो अब तुम रेडियंस में भी बात कर सकते हो तो यहां पर जो मैथ डॉट साइन का फंक्शन है ये रेडियन में वैल्यूज लेता है और अगर मैथ डॉट पाई यानी कि पाई बाई टू अगर मैं करूँ तो मुझे अब यहाँ पर वन मिल रहा है तो इस तरह से मैं यहाँ पर साइन का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ और रही बात कॉन्स्टेंट्स की तो मैंने तुम्हें मैं ये नहीं बताया था मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पर ये यह देखो e अगर मैं लिखूँ e डॉट सॉरी मैथ मैथ लिखूँ और डॉट पाई को हटा के मैं यहाँ पर e लिख दूँ तो क्या होगा ये इस चीज़ को वो जो लॉग वाली e होती है एक्सपोनेंशियल उसको ये ये मान लेगा ठीक है तो अभी मैं इसे हटा देता हूँ सिमिलरली कॉस का भी है साइन को हटा के अगर मैं कॉस लिख दूँ तो कॉस की वैल्यू मिल जाएगी मुझे उसी तरह से टैन भी है तो अभी मेरे पास और फंक्शंस हैं कौन कौन से फंक्शंस हैं डिग्री और रेडियन के लिए भी फंक्शन है तो अभी अगर मैंने डिग्री लिख दिया ठीक है और डिग्री में मैं ए डाल रहा हूँ तो ये हाँ तो डिग्रीज है ठीक है तो यहाँ पर ए में जो भी हम चीज़ें डालेंगे वो रेडियन में डालेंगे और वो इस चीज़ को डिग्री में कन्वर्ट करके देगा ठीक है डॉट डिग्री लिखा है मैंने यानी कि मुझे डिग्री में आउटपुट चाहिए तो मुझे अगर डिग्री में आउटपुट चाहिए तो यहाँ पर मैं रेडियन में कुछ लिख देता हूँ एक रेडियन यहाँ पर मैंने लिख दिया ठीक है एक रेडियन अगर मैं भी रन करूँ तो ये वैल्यू होती है मैथ्स वालों को पता होगा सिमिलरली अगर मैं इस चीज को हटा के यहाँ पर रेडियन कर दूं, रेडियंस सॉरी ठीक है इसे मैं रन करूँ तो ये आ रहा है ठीक है कोई बात नहीं तुम आ, इतने सारे फंक्शंस होते हैं मैथ मॉड्यूल के अब हम आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास है स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें हैं सबसे पहले कि किन किन तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे पास सबसे पहले कंपाउंड फिर सिंपल और उसके बाद फिर एम्प्टी स्टेटमेंट्स अगर हम बात करें कंपाउंड स्टेटमेंट की तो हमारे पास एक हेडर होता है और उसका उसकी कुछ बॉडी होती है जैसे अगर मैं यहाँ पर तुम्हें कोई एक बना बनाया प्रोग्राम दिखाऊँ यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा एक ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ एक प्रोग्राम है तो तुम्हें क्या दिख रहा होगा यहाँ पर अगर तुम्हें अभी समझ ना आए तो कोई बात नहीं मैं तुम्हें आगे पढ़ाने वाला हूँ एफल्स और फॉर के बारे में देखो यहाँ पर ठीक है तो हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट्स होते हैं सबसे पहले अगर मैं तुम्हें बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले तुम देख रहे हो गए यहाँ पर कि एक यहाँ पर कोई एक स्टेटमेंट लिखी हुई है फिर तो यहाँ पर कुछ कॉलोन दिया हुआ है और उसकी बॉडी यहाँ पर है ठीक है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये एक लूप है ठीक है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फॉर एक लूप है और ये इसकी हेडर फाइल है ठीक है सॉरी हेडर फाइल नहीं हेडर पार्ट है इस स्टेटमेंट का और उसके बाद यहाँ पर इसकी जो है वो बॉडी है और तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि ये पूरी की पूरी इसकी बॉडी है यहाँ पर तुम्हारे पास इंडेंटेशन लगा हुआ है इसलिए तुम्हें पता चल रहा है कि इस पूरे की इसकी बॉडी है सिमिलरली uh, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इफ़ और एल्स के बारे में तो यहाँ पर इफ का जो है वो हेडर लाइन है ठीक है ये और उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर इस इंडेंटेशन को यूज़ करते हुए इसकी बॉडी के अंदर हमने इस स्टेटमेंट को डाला हुआ है और सिमिलर सी बात यहाँ पर एल्स के लिए भी है तो ये था कंपाउंड स्टेटमेंट्स आगे बढ़ते हैं अब सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है किसी भी लाइन को उठा लो यहाँ पर ठीक है एक एक करके यहाँ पर हमने सीक्वेंस में जो भी स्टेटमेंट uh, लिखी हुई है इन हम कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट्स और फिर हमारे पास आता है एम स्टेटमेंट्स अब इनमें क्या होता है कि ये इस तरह की स्टेटमेंट होती है जिसका कोई मतलब नहीं होता सिंपली बस हम इसे लिख देते हैं अगर यहाँ पर मुझे कोई एक फॉर लुक चालू करना है यहाँ पर मैं तुम्हें तो दिखाता हूँ uh, यहाँ पर मैं एम नाम से उस फाइल को बना लेता हूँ ठीक है यहाँ पर अगर मैं एक लूप बनाऊँ अगर तुम्हें यहाँ पर लूप समझना है तो कोई बात नहीं बस तुम इस चीज़ को देखते जाओ तो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बना लिया है इसका क्या मतलब है अब देखो अगर मैं इसको रन करूँ तो अगर मैं टर्मिनल को थोड़ा सा बड़ा करूँ यहाँ पर तो यहाँ पर मेरे पास हेलो कितने बार प्रिंट हुआ है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ ये नौ बार प्रिंट हुआ है देखो यहाँ पर ये जीरो से नौ तक नौ तक चल रहा है तो इस हिसाब से इसे दस तक प्रिंट करना चाहिए लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि यहाँ पर ये जो रेंज फंक्शन तो होता है हमारे पास ये आखिरी वाली चीज़ को काउंट नहीं करता है ठीक है तो ये जीरो से लेकर एट तक चलने वाला है तो यहाँ पर हमारे पास नौ बार टोटल हेलो प्रिंट हुआ और उसके बाद फिर वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है ठीक है तो ये चीज़ मैं तुम्हें आगे जाकर बताने वाला हूँ खैर अभी मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ एम्प्टी स्टेटमेंट्स के बारे में तो अगर मेरे पास कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है और या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट या फिर कोई भी एक स्टेटमेंट है मेरे पास तो इसके अंदर मैं यहाँ पर अभी कुछ नहीं लिखना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि बाद में लिखना बाद में मैं यहां पर ऐड करता रहा हूँ चीजों को पहले यहां पर मैं अपनी आगे की चीजें लिख लू कि पहले प्रिंट करो वर्ल्ड और उसके बाद फिर मान लेते हैं मैंने कोई इफ स्टेटमेंट लगा दिया फिर कुछ भी मैं लिख रहा हूं और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर फॉर के अंदर वाली जो बॉडी है वो मैं बाद में लिखू तो देखो यहाँ पर अभी वी एस कोड यहाँ पर मुझे पहले ही बता रहा है कि यहाँ पर यह गलत है तो ये ऑलरेडी इस चीजों को मैं अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ इसे हम एम्प्टी स्टेटमेंट कहते हैं तो ये था एम्प्टी स्टेटमेंट अब हम बात करते हैं इफ़ल्स के बारे में तो इफ़ल्स का यूज हम कब करते हैं प्रोग्रामिंग में अगर हमें कुछ लाइंस ऑफ कोड को किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पे चलाना है तब हम इफ का यूज करते हैं जैसे अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के देख लेते हैं जहां यूजर बस ये फाइंड करेगा कि उसका इनपुट किया हुआ जो नंबर है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है बस उसे ये फाइंड करना है ठीक है तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं सबसे पहले हम एक नंबर एंटर करवाएंगे यूजर से उसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे ए और ये इंट डेटा टाइप करेगा इसलिए हमने यहाँ पर इंट रख दिया और इसके अंदर हम इनपुट फंक्शन डालने वाले हैं और इनपुट फंक्शन के अंदर हम डालेंगे अपना प्रॉम्प्ट तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंटर अ नंबर फिर यहां पर हम क्या करेंगे अब हम यहाँ पर इसे चेक करवाएंगे और चेक कैसे करवाते हैं इफ एल्स ब्लॉक से तो यहां पर हम अगर यहाँ पर मैंने यहां पर इफ लिखा उसके बाद मुझे क्या करना होगा यहाँ पर मुझे कंडीशन डालना होगा तो कंडीशन क्या हो सकता है अगर जो है वो ए बड़ा हो जीरो से ठीक है तो इस केस में क्या करो ठीक है इस केस में क्या करो प्रिंट करवाओ नंबर इज पॉजिटिव ठीक है बस ये करवा सकते हैं और यहां पर अगर मैं एल्स लिख दूं एल्स तो यहां पर क्या आ जाएगा प्रिंट नंबर इज नेगेटिव ठीक है ये सिंपल सा प्रोग्राम हमारा बन चुका है तो यहां पर मैंने एक कंडीशन डालूगा और मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि जब भी तुम कंडीशन डालो तो उसको पैरेंथेसिस के अंदर डाल दो ठीक है ये ऐसे भी चल जाएगा लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि तुम पैरेंथेसिस के अंदर डालो अब यहां पर इफ में हमने क्या डाला कंडीशन अगर ये चीज जो है वो ट्रू हो जाती है तो इसके अंदर वाली चीज चल जाएगी और अगर ये चीज ट्रू नहीं होती तब एल्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो चल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर ये कैसे हो रहा है पहले यहाँ पर यूजर नंबर एंटर करेगा ये कंडीशन चेक होगी अगर ट्रू होगा तो फिर नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा और अगर फॉल्स होगा तो नंबर इज नेगेटिव प्रिंट हो जाएगा और फिर हमारा प्रोग्राम यहाँ से एंड हो जाएगा अगर मैं इसे रन करूं तो यहाँ पर मेरे पास प्रॉम्प्ट आ चुका है एंटर नंबर अगर मैं यहाँ पर फोर डालू तो नंबर ऑफ नंबर इज पॉजिटिव बता रहा है अगर मैं यहाँ पर फिर से मान लेते हैं मैंने यहाँ पर माइनस फोर डाल दिया अब अगर मैं एंटर करूं तो यहां पर ये यह मुझे बता रहा है कि नंबर इज नेगेटिव लेकिन क्या होगा अगर मैं यहां पर जीरो डालू यहां पर ये यह मुझे बता रहा है नंबर इज नेगेटिव लेकिन हम सब जानते हैं कि जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है तो इस केस में हम क्या करवा सकते हैं यहां पर अब तुम सोच रहे हो कि हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं ठीक है, है? यहां पर इफ ए इक्वल्स टू इक्वल्स टू जीरो नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव ठीक है तो ये भी एक तरीका है लेकिन इसके और भी तरीके हैं यहां पर अगर मैं तुम्हें जीरो लिखकर दिखाऊं तो यहां पर क्या आ रहा है नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव मतलब हमारा प्रोग्राम जो है वो सही काम कर रहा है तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास सबसे पहले ये कंडीशन चेक हो रही है और अगर ये कंडीशन सही होती है तो फिर ये प्रो, ये जो लाइन है ये चल जाता है ठीक है और इसके बाद एक नया इफेल्स का ब्लॉक शुरू हो रहा है यहाँ पर ये जो ये एक अलग इफेल्स का ब्लॉक है ये ऐसा तुम नहीं कह सकते कि ये सारा का सारा एक ही इफेल्स है ठीक है तो मतलब अगर ये कंडीशन गलत होती है ये कंडीशन गलत होती है इस केस में हम इस ब्लॉक से इफेल्स ब्लॉक से कुछ नहीं करवा रहे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इफ कंडीशन दी हुई है यहाँ पर एल्स के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है लेकिन अगर कंडीशन गलत होती है ठीक है ये कंडीशन अगर गलत होती है तो उस केस में ये लाइन चल जाएगी ये नंबर इज नेगेटिव और ये कैसे तुम पता कर सकते हो सिंपल है कोई भी नेगेटिव नंबर डाल दो तुम्हारे तो पास आ जाएगा आंसर माइनस सिक्स नंबर इज नेगेटिव आ रहा है अब अगर मैं यहां पर कुछ पॉजिटिव डालू तब क्या होगा अगर मैं यहाँ पर मैंने सिक्स डाल दिया एंटर करते हैं तो यहां पर मेरे पास दो आउटपुट आ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है नंबर इज पॉजिटिव आ रहा है फिर नंबर नंबर इज नेगेटिव ये तो मुझे दोनों चीजें बता रहा है लेकिन दोनों तो सही नहीं है ऐसा इसलिए क्योंकि इसका रीजन मैंने तुम्हें अभी अभी अभी, अभी बताया इसका रीजन ये है कि यहां पर ये एक इफ ब्लॉक है ठीक है इसके साथ कोई एल्स ब्लॉक नहीं है और अब देखो जब मैं पॉजिटिव नंबर डाल रहा हूं तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई और ये कंडीशन फॉल्स हो गई इसलिए ये जो एल्स का लाइन है वो चल जा रहा है तो इस तरह से हमारा काम हो रहा है अपने पूरे प्रोग्राम का ये था इफ एल्स ब्लॉक और ये तुम्हें पता चल गया होगा कि ये ये जो एल्स होता होता है है सिर्फ अपने से ऊपर वाले इफ के लिए होता है। मतलब ये वाली कंडीशन अगर सिर्फ गलत होगी तब ये चलेगा ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन गलत हो रही है तो उस केस में कोई और ब्लॉक चल जाए क्योंकि ये इफ ब्लॉक यहीं पर खत्म हो जा रहा है इसके बाद कोई एल्स ब्लॉक नहीं है ठीक है और अगर मुझे अभी ये जानना है कि अगर यूजर कोई एक नंबर इनपुट करे ठीक है उसने नंबर इनपुट कर दिया और वो नंबर मैं ऐसी कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि वो नंबर जो है वो जीरो से लेकर नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन तक ही हो और ये प्रोग्राम तुम्हारे बुक में दिया हुआ है ठीक है तो मैं ऐसी कंडीशन लगा रहा हूँ कि वो प्रोग्राम जो है वो जो नंबर यूजर एंटर करेगा वो जीरो से लेकर नाइन 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 तक हो और उस केस में हमें उसे ये बताना है कि तुम्हारा जो नंबर तुमने जो एंटर किया है वो वन डिजिट का है टू डिजिट का है या फिर थ्री डिजिट का है ठीक है तुम्हें ये पता लगाना है तो ये यहाँ पर तुम सिंपली क्या कर सकते हो सिर्फ इस ब्लॉक से ही ये काम करवा सकते हो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तुम्हें आ, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है नंबर एंटर कर रहा है लेकिन यहाँ पर मैं ब्राउंट में एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि तुम्हें जो आ, रेंज डालना है वो जीरो से लेकर नाइन 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 तक डालना है ठीक है और अब यहाँ पर मैं कंडीशन लगा देता हूँ तो सबसे पहले ये कंडीशन लगाते हैं कि अगर ए जो है वो ज्यादा हो या फिर कह सकते हैं ए जो है वो छोटा हो जीरो से यानी अगर नेगेटिव नंबर हो

ए जो है वो छोटा हो जीरो से या फिर ए जो है वो बड़ा हो नाइन 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 से उस केस में क्या करो यहां मैंने कॉलम दिया और उसके बाद फिर मैं यहां पर लिखूंगा प्रिंट इनवैलिड इनपुट ठीक है यहां पर ये काम हो रहा है और अगर नहीं हो ऐसा कुछ नहीं हो मतलब कि ये जो यूजर होगा हमारा उसने अगर सही रेंज में इनपुट दिया हो तो उस केस में हमने उसके लिए कुछ बताया नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको रन करके अभी देखेंगे तो एक काम करते हैं पहले मैंने यहाँ पर सिक्स डाल दिया सिक्स जो है वो रेंज में था इसलिए इसके आगे का कुछ काम लिखा हुआ है नहीं तो यहाँ पर इसने कुछ काम किया ही नहीं है अगर मैं इसको फिर से रन करवाऊँ और एक काम करते इस बार मैं टेन थाउजेंड डाल देता हूँ ठीक है वन जीरो 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 एंटर करते हैं इनवैलिड इनपुट आ गया अब यही चीज मैं अगर नेगेटिव में इनपुट डालू तो क्या होगा यहाँ पर अगर मैं माइनस सिक्स डालू अगर मैं अभी एंटर करूँ तो भी ये कह रहा है इनवैलिड इनपुट मतलब इनवैलिड इनपुट का जो काम था वो हमारा हो चुका है अब मैं क्या करवाना चाहता हूँ अब मैं चेक करवाना चाहता हूँ कि ये कितने डिजिट का नंबर है ठीक है तो यहाँ पर मैं एक नया इफ ब्लॉक स्टार्ट करूंगा यहाँ से इफ अगर जो है आ, मेरा जो नंबर है जो कि ए है वो एक काम करते हैं टेन से छोटा हो ठीक है अगर वो टेन से छोटा हो मतलब जीरो से तो बड़ा ही होगा ये तो हमने मान लिया है और अगर वो टेन से छोटा हो तो इसका मतलब ये है कि वो वन डिजिट होगा क्योंकि जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इतने सारे ये सारे वन डिजिट है तो हम ये करते हैं इज तो यहाँ पर हम इससे प्रिंट करवाते हैं कि तुम्हारा जो नंबर है वो वन डिजिट नंबर है ठीक है वन डिजिट इतना ही कर दिया हमने अब एक काम करते हैं एक और इफ ब्लॉक चालू करते हैं इफ ए इज एज स्मॉलर देन अब यहाँ पर काम करते हैं हमने यहाँ पर हंड्रेड कर दिया अब ये हमें क्या कहेगा ये कहेगा हमारा जो नंबर है वो टू डिजिट का है ठीक है फिर इफ ए इज स्मॉलर देन वन थाउजेंड ठीक है यहां पर हम प्रिंट करवाएंगे तो ये हमें क्या कहेगा कि तुम्हारा जो नंबर है वो थ्री डिजिट का है ठीक है अभी तक तुमने ये सोचा होगा कि हम ये प्रोग्राम करवाएंगे तुम्हें यहां पर गलती नहीं दिख रही होगी शायद लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि ये प्रोग्राम गलत है और ये प्रोग्राम किस तरह से गलत है वो मैं तुम्हें रन करके दिखाता हूँ अगर मैं अभी यहाँ पर रन करूँ तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है एंटर नंबर अगर मैं यहाँ पर मान लेते हैं मैंने फाइव प्रिंट किया ठीक है मतलब फाइव इनपुट किया तो यहाँ पर ये मुझे लाके तीनो, तीनों इनपुट दे रहा है तीनों तीनों चीज़ें यहाँ पर मेरे को ये ला दे रहा है वन डिजिट भी है टू डिजिट भी है थ्री डिजिट भी है लेकिन ये तो नहीं है ठीक है और अगर मैं फिर से रन करूँ मान लेते हैं मैंने यहाँ पर पचास डाल दिया ठीक है अब ये मुझे कह रहा है कि ये टू डिजिट है और ये थ्री डिजिट है क्योंकि ये थ्री डिजिट तो नहीं है ना तो ये गलत हो रहा है और अभी काम करते हैं यहाँ पर मैंने सिक्स हंड्रेड डाल दिया अब ये कह रहा है थ्री डिजिट है तो इस केस में ये सही काम कर रहा है ऐसा क्यों हो रहा है एक काम करते हैं हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं तो सबसे पहले यूजर ने इनपुट में डाल लेते डाल दिया मान लेते हैं फिफ्टी डाल ठीक सब है सबसे पहले यहाँ पर आएगा हमारा जो प्रोग्राम है हमारा जो इंटरप्रेटर है वो सबसे पहले यहां पर आएगा इस कंडीशन को चेक करेगा क्या सिक्सटी इन दोनों किसी कंडीशन पे लाइक कर रही है नहीं इन दोनों में में से किसी लाइक नहीं कर रही है मतलब हमारा जो इनवैलिड इनपुट है वो नहीं चलेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं क्या पचास जो है वो फेन से छोटा है आ, नहीं फेन से बड़ा है तो फिर हमारा ये भी नहीं चलेगा आगे बढ़ते हैं अब यहां पर क्या लिखा हुआ है पचास जो है क्या वो सौ से छोटा है हाँ वो छोटा है तो यहां पर ये चल जाएगा टू डिजिट अब यहां पर वो फिर से चेक करेगा कि क्या पचास जो है वो थाउजेंड से छोटा है हाँ ये थाउजेंड से भी छोटा है तो इस केस में ये भी चल जाएगा तो ये इस तरह से चीजों को ले रहा है तो अब इस चीज को स्टॉप कैसे करवा सकते हैं मतलब यहां पर ये यह चल गया लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आगे भी ये चले ठीक है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं यहां पर हम और भी कंडीशन में यहां पर थोड़ा इन्हांसमेंट कर सकते हैं जैसे कि यहां पर मैंने किया हुआ है ना और तो यहां पर एंड भी हम यहां पर डाल सकते हैं ठीक है एंड अब देखो इसको और सिंपल बनाने का और भी मेरे पास है तरीका वो भी मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ लेकिन फिर भी मैं तुम्हें और बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम आ, प्रोग्राम के जो यहाँ पर कंडीशंस डाले हुए हैं इफ कंडीशंस को उसको और सुधार के हम इसको कैसे वर्क करवा सकते हैं तो अब देखो जैसे कि अगर मैं कोई भी वन डिजिट एंटर करूंगा तो उसका जो रेंज होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए वो होना चाहिए जीरो से लेकर टेन तक ठीक है तो जीरो से तो हमने इसको ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो जीरो से ऊपर ही जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हमें एंड कंडीशन डालने एंड जो है वो स्टेटमेंट डालने की जरूरत नहीं है आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर इसको चेक कर रहे हैं टू डिजिट को ठीक है अब तुम अच्छे से समझो इसका मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे को कोई टू डिजिट नंबर फाइंड करना है तो वो मैं कैसे करूंगा वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए ऑब्वियसली बात है कि वो टेन से लेकर नाइनटी तक में होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर उस चीज को तो हैंडल किया गया कि than, uh, 9, और उसके फिर देखो, यहां पर मैंने दो कंडीशन डाल दी है पहला कंडीशन की वो नाइन से ज्यादा होना चाहिए मतलब टेन से शुरू होना चाहिए ठीक है टेन से आगे जाएगा और यहां पर ए शुड बी लेस देन हंड्रेड मतलब कि वो टेन से लेकर नाइन नाइन तक में लाई करना चाहिए सिंपल यही कहना चाह रहा हूं मैं इसे और अगर मैं इज ग्रेटर देन इसके जगह पर इज ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकता था यहाँ पर ठीक है लेकिन फिर भी मैं चीजों को सिंपल रखना चाहता हूँ तो ये तुम्हें भी समझ आ रहा होगा तो यहाँ पर हमने हैंडल कर लिया कि टू डिजिट कब से कब तक होगा ठीक है आगे वाली चीजों को हमने छोड़ दिया है ठीक है तो यहाँ पर अगर यूजर ने जो एंटर किया होगा नंबर फिफ्टी वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए वो टेन से लेकर 99 के बीच में होना चाहिए तभी ये लाइन चलेगी उसके बाद नहीं चलेगी ठीक है और फिर यहाँ पर क्या है यहाँ पर कब से कब तक होना चाहिए तो यहाँ पर आ, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 99 से बड़ा होना चाहिए ठीक है 99 से बड़ा और 1000 से छोटा तो ए शुड बी ग्रेटर देन 99 एंड and... ठीक है अब तुम इस चीज को समझ सकते हो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्शन यहां पर इस चीज पे लगा दिया है देखो ए जीरो से चालू होना चाहिए इतना तो मैंने इसको बता दिया है और नाइन 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 तक ही होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए इतना मैंने इसे ऑलरेडी बता दिया है ठीक है अगर ये इस केस को वैलिट करेगा तो यहाँ पर हमारे पास इनवैलिड इनपुट आ जाएगा आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास है ए इज स्मॉलर दैन टेन इस चीज को अच्छे से समझो इस चीज को समझते समझते तुम्हें इफ एल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाने वाला है और यहाँ पर ए इज स्मॉलर देन टेन है ठीक है तो अब हमने यहां पर क्या किया है कि वो जीरो से शुरू होना चाहिए जीरो से तो ऑब्वियसली शुरू होगा ही तो जीरो से लेकर टेन तक में वो कह देगा वन डिजिट है और फिर नाइन से बड़ा यानी कि टेन से लेकर यानी कि टेन से लेकर अगर हम नाइनटी नाइन तक जाए तो हमारे पास टू डिजिट होना चाहिए और अगर हम हंड्रेड से लेकर नाइन 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 तक जाए तो हमारे पास थ्री डिजिट आना चाहिए अब हम फिर से आउटपुट को क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पर मैंने सिक्सटी लिख दिया एक ही आउटपुट आ रहा है टू डिजिट सही है फिर से रन करते हैं इस बार मैं लिखता हूँ सिक्स हंड्रेड ठीक है थ्री डिजिट फिर से मैं कुछ और ट्राई करता हूँ फिफ्टी ट्राई कर लिया मैंने आ गया टू डिजिट ठीक है तो ये एक तरीका था तो इस तरह से मैंने तुम्हें दिखाया है कि हम इफ में इफ कंडीशन में और या फिर एंड जैसी चीजों का भी यूज कर सकते हैं ठीक है और एक और अच्छा तरीका क्या है मैं चाहता हूं कि इतने में ही मेरा काम चल जाए मतलब कि बार बार ये इफ वाली चीजों को चेक ना करे इन सब में से पहले किसी एक इफ को चेक कर ले ठीक है अगर वो सही हो जाती है तो फिर बाकी वाले इफ कंडीशन पे ना जाए डायरेक्ट सारे के सारे इफ को स्किप करे और अपना जो आगे का प्रोग्राम है वो चालू रखे ठीक है एक काम हो गया तो निकलो बार बार इफ को चेक करने की जरूरत नहीं है अगर मैं ये चाहता हूं तो मैं यहां पर क्या करूंगा तो मैं यहां पर यूज करने वाला हूं एलिफ कंडीशन का ठीक है यहां पर एलिफ क्या होता है अब देखो यहां पर सिर्फ इफ और एल्स नहीं होता यहां पर इफ और एलिफ भी होता है हमारे पास फ एलिफ एल्स ठीक है यहां पर क्या होता है अब तुमने नोटिस किया होगा कि हमने जब भी यहां पर इफ एल्स का प्रोग्राम बनाया था तो वहां पर एल्स में हमने कोई कंडीशन नहीं डाली थी लेकिन यहां पर एलिफ में कंडीशन आने वाली है तो अब देखो अब मैं चाहता हूं कि इन सब में से सिर्फ एक इफ कंडीशन चले और कोई भी अगर एक चल गई तो बाकी का ना चले खत्म हो जाए चीज जीज़, चीजें खत्म हो जाए यहां से बाकी इफ को स्किप करके जो भी आगे करना है वो करे ठीक है तो उसके लिए हम यहां पर यूज करने वाले हैं एलिफ का तो यहां पर अगर मैं एलिफ लिख दूं तो एलिफ का मतलब होता है कि वरना अगर ठीक है एलिफ यहां पर भी मैंने लिख दिया और यहां पर भी मैं एलिफ लिख देता हूं अब जरा अगर मैं रन करके दिखाऊं तुम्हें बाद में मैं तुम्हें इसका मतलब भी समझाऊंगा अगर मैं यहाँ पर छह लिख देता हूँ तीन डिजिट सही आ रहा है फिर से अगर मैं यहाँ पर पचास लिखू सही आ रहा है इस बार अगर मैं चार लिखू सही आ रहा है तो ये कैसे हो रहा है यहां पर हमारे पास आ रहा है एलिफ ठीक है तो यहाँ पर यह प्रोग्राम चल कैसे रहा है सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी अगर ये सही हो जाता है तो फिर ये चलेगा और अगर नहीं होती है ठीक है अगर ये कंडीशन नहीं होती है तब इस कंडीशन में आएगा और उसके बाद फिर इस चीज को चेक करेगा चल जाएगा और अगर ये कंडीशन भी चेक नहीं होती है तो फिर ये इस कंडीशन में आएगा और इस कंडीशन को चेक करेगा सही होगा तो फिर ये चला जाएगा और फिर सारी चीजों को छोड़ देगा मतलब आगे की जो एलिफ एलिफ जितने सारे ब्लॉक्स हैं और एल्स की भी ब्लॉक हम यहाँ पर रख सकते हैं ठीक है एल्स प्रिंट गेट लॉस्ट यहां पर सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी सही होगा तो ये चला जाएगा और अगर ये सही नहीं होगा तो फिर ये चेक होगा ठीक है और इसको चेक करने के बाद आ, अगर ये सही होगा तो फिर ये चल जाएगा और इसके चलने के बाद ये सारे इन सारी चीजों को छोड़ देगा स्किप कर देगा और आगे बढ़ जाएगा मतलब इसके बाद में अगर कुछ भी और लिखा हो ठीक है कोई और स्टेटमेंट्स लिखी हो ठीक है यहां पर मैंने और सारे स्टेटमेंट्स लिख दिए ठीक है पास का मैंने तुम्हें मतलब बताया था कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है जिसका मतलब है कुछ नहीं सिर्फ हम हम इसे लिखने के लिए लिखते हैं ज्यादा कुछ नहीं सोचना है तुम्हें इसमें तो ये स्टेटमेंट्स है हमारी तो देखो फिर से बताता हूँ सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी अगर ये सही हुई तो ये लाइन चल जाएगी और इन सब को ये स्किप करके इन सब को स्किप करके आगे बढ़ जाएगा और फिर इन दोनों कंडीशंस को चलाएगा और जो भी नीचे कंडीशंस होगी उसको चलाएगा फिर और अगर ये गलत होती है ये कंडीशन अगर गलत होती है तो फिर ये इसको चेक करेगा और अगर ये सही हुई इसको चला देगा और फिर इन सबको स्किप करेगा और फिर यहां पर आ जाएगा और अगर ये भी गलत हुई तो फिर ये इसको चेक करेगा फिर अगर सही हुई तो इसको चला देगा और अगर गलत हुई तो उस केस में यहां पर जो ये लास्ट वाला एलिफ है ना अगर ये कंडीशन भी गलत हो गई मतलब कि क्या हुआ कि मतलब सारी की सारी ऊपर से लेकर नीचे तक सारी की सारी कंडीशन जो थी वो गलत होती जा रही है ठीक है ये भी गलत हो गया तब इस पे आया और अगर ये भी गलत हो गया तब इस पे आया ये भी गलत हो गया तब इस पे आया और ये जो लास्ट वाला एलिफ है ना अगर ये भी गलत हो गया तब जाके हमारा एल्स वाला जो पार्ट है वो चलने वाला है तो ये काम होता है एलिफ का और इसके चलने के बाद तो ऑबियस बात है मतलब आगे तो जाएगा ही ये ठीक है तो यहां पर ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है कि इनके अलावा भी कुछ हो ठीक है यहाँ पर तो अगर मैं इसे अभी रन करूं ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी दो तो तुम्हें तो दिख रहा होगा कि ये सही चल रहा है ठीक है तो ये था बी इस तरह से हम इफ एलिफ एल्स लैडर को यूज कर सकते हैं अब हमारे पास है नेस्टेड इफ एल्स इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर ये जो इफ हमारे पास जो हैडर है ठीक है ठीके? इसके अंदर इसकी बॉडी अपनी चल रही होगी ठीक है मतलब जब इफ अगर ये कंडीशन सही हो जाएगी तो इसकी बॉडी चलने वाली है तो क्या हो अगर इसके अंदर भी हम इफ एल्स का यूज कर लें कर सकते हैं ना कुछ कंडीशन डाल दें और उसके बाद फिर उसमें कुछ चीजें लिख दें लिख दिया मैंने एल्स भी लिख दिया और इफेल्स और एलिफ का भी यूज कर सकते हैं तो यहां पर अगर इस तरह की चीजों चीजें हों इफ के अंदर ही इफ एल्स या फिर एलिफ के अंदर ही इफ एल्स वगैरह या फिर एल्स के अंदर भी हम डाल सकते हैं इन चीजों को तो इस केस में हम इसे कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स ठीक है अगर मैं इसको हटा दू यहां से अब एक काम करते हैं हम कुछ ऐसा प्रिंट करवाते हैं कि अगर आ, ये जीरो से भी नीचे की चीज़ एंटर करे यूजर ठीक है अगर यूजर जो है वो जीरो से भी नीचे की चीज एंटर करे तो वो प्रिंट करे सिंपली नीचे और अगर नाइन 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 से ऊपर की चीजें ये प्रिंट करे तो वही है ये आ, ये प्रिंट करेगा आ, ऐसा कुछ करवाते हैं तो यहां पर हम डाल सकते हैं यही कि इफ ए इज स्मॉलर देन जीरो फिर क्या करो प्रिंट करो डाउन यहां पर हम एल्स भी लिख सकते हैं ठीक है एल्स का मतलब क्या होगा एल्स का मतलब हो जाएगा एल्स का मतलब हो जाएगा कि ये ए जो है वो जीरो नहीं है मतलब जीरो से छोटा नहीं है तो इस केस में क्या हो सकता है इस केस में तो ये जीरो से ऊपर भी जा सकता है मतलब वन टू थ्री ये सारी चीजें भी तो हो सकती है ना अगर यूजर वन टू थ्री डाले या फिफ्टी डाले सिक्स हंड्रेड डाले ऐसी चीजें डाले तो भी तो चल जाना चाहिए ठीक है क्या ऐसा चलेगा जरा सोच के बताओ तो अब तुम्हारा क्या आंसर है वो मुझे नहीं पता लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि इसका सही आंसर क्या है अब तुम यहां पर देख रहे हो कि यहाँ पर ये इफ ब्लॉक में कब जा रहा है ठीक है इस इस पूरी बॉडी को चलाने की कोशिश ये कब कर रहा है सबसे पहले तो तुम इस कंडीशन को देखो कंडीशन क्या कहना चाह रही है कंडीशन जो है वो ये कहना चाह रही है कि या तो ए जो है वो जीरो से छोटा हो या फिर ए जो है वो नाइन 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 से बड़ा हो इन दोनों कंडीशंस में कभी हमारे पास ये नहीं आएगा कि ए जो है उसमें फोर चला जाए या फिर फिफ्टी चला जाए या सिक्स हंड्रेड चला जाए ऐसा कुछ तो कभी नहीं होगा इसलिए ये जो पार्ट है वो सही काम करेगा हमारे पास ठीक है एल्स पार्ट ऐसा नहीं है कि ये ये जो पार्ट है हमारे पास ये फोर हंड्रेड पे भी चल जाएगा सिक्स हंड्रेड पे भी चल जाएगा फिफ्टी पे भी चल जाएगा फोर पे चल जाएगा ऐसा नहीं है ठीक है अब ऊपर में ही हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है तो अब इस बॉडी को एग्जीक्यूट करने का मौका ही तब मिलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी ठीक है तो इस तरह से हमने इसको हैंडल कर लिया है बस हमने क्या किया इफ और एल्स का इसके अंदर ही यूज किया हुआ है इस फिफ्ट के अंदर ही यूज किया हुआ है अगर मैं इसे अभी रन करके दिखाऊं तुम्हें तो पहले तो मैं तुम्हें सिंपली दिखाता हूँ कि प्रोग्राम जो है वो नॉर्मली काम कर रहा है ठीक है अब मैं कुछ उल्टा सीधा इनपुट करके दिखाता हूँ मान लेते हैं मैंने यहाँ पर माइनस फिफ्टी एंटर कर दिया अब ये क्या कर रहा है ये पहले तो मुझे बता रहा है कि इनवैलिड इनपुट है जो कि ये है ठीक है और उसके बाद फिर ये मुझे कह रहा है डाउन ठीक है ये जो नेगेटिव नंबर का हैंडलिंग हमने की है तो ये डाउन हो गया और उसके बाद फिर खत्म ठीक है यहां से ये खत्म प्रिंट हो जा रहा है सिंपल और अगर मैं थाउजेंड से ऊपर वाली चीज अगर आ, एंटर करूं अगर मैं इसको पर भी रन करूं हाँ तो ये मैंने काफी बड़ा नंबर डाल दिया ये मुझे कह रहा है इनवैलिड इनपुट फिर ये कह रहा है अप और उसके बाद फिर खत्म तो सिंपल था ये और इस तरह से तुम्हारा इफ एल्स का जो भी पार्ट था नेस्टेड इफ इफ एल्स भी एल्स भी एल सब कुछ खत्म हो चुका है इसे तुम और प्रोग्राम्स भी बना सकते हो तुम्हें अगर ट्राई करना है तो तुम ये प्रोग्राम बना सकते हो कि तुम्हें चेक करना है कि कोई नंबर जो है वो इवन है या ऑड है और ये भी काफी इजी है अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो फिर भी देख लो जल्दी से इवन ऑड डॉट वी वाई ठीक है मैंने एक फाइल यहाँ पर बना ली सिंपल तुम्हें क्या करना है एक नंबर लेना है इनपुट और यूजर uh, से ये कहेगा एंटर नंबर ठीक है और फिर यहां पर हम इफ कंडीशन डालेंगे इफ कंडीशन में हम ये डालेंगे इफ ए और उसके बाद हम यहाँ पर परसेंट डालेंगे और उसके बाद फिर टू इक्वल्स टू इज़ इक्वल्स टू जीरो केस में ये मुझे प्रिंट करके देगा क्या प्रिंट करेगा इवन एल सॉरी प्रिंट हार्ड ठीक है ये प्रोग्राम बन चुका है अगर मैं इसको अभी रन करके दिखाऊं तो मैं तो अगर मैं यहाँ पर फाइव डालू ये मुझे कह रहा है ऑड है सही चल रहा है और अगर मैं यहाँ पर टू डालू इवन कह रहा है ठीक है तो ये प्रोग्राम हमारा इस तरह से सिंपल इजी है इसमें हमने यहाँ पर ये क्या लॉजिक लगाया हुआ है यहाँ पर ये जो है वो यूजर के द्वारा एंटर किया हुआ नंबर है अगर उसको टू से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा ठीक है ये परसेंट का मतलब ही ये होता है कि अगर उसको इस चीज से डिवाइड करें ठीक है लेफ्ट वाली जो चीज है उसको अगर राइट right वाली चीज से डिवाइड करें तो जो जो रिमाइंडर आता है उस चीज को हम डिनोट करते किससे इस ऑपरेटर के थ्रू यहां पर हमारे पास क्या है इसे हम मॉड्यूलो ऑपरेटर भी कहते हैं या फिर मॉड्यूलस भी कहते हैं ठीक है तो ए परसेंट टू इजिकल टू इज टू तुम सबको पता है कि जब भी कंपेरिजन करवाते हैं तो हम इजिक्वल टू इजिक्वल टू का यूज करते हैं तो ये कहना चाह रहा है कि जब किसी भी चीज को टू से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर जो है वो जीरो आ रहा है तो प्रिंट कर दो इवन और अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो और प्रिंट कर देगा अगर तुम किसी भी इवन नंबर को टू से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास ऑब्वियसली बात है कि रिमाइंडर जो है वो जीरो आने वाला है तो बस इसी लॉजिक का हमने यूज़ किया है और ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है इस तरह से इफ एल्स से हम अब मूव कर सकते हैं आगे अब हमारे पास है लूप्स ये भी काफ़ी इजी टॉपिक है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको सीखने के बाद तुम काफ़ी कूल प्रोग्राम्स बना पाओगे अगर तुमने इफ एल्स और लूप सीख लिया तो उसके बाद तो तुम काफी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बना पाओगे मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम खुद से क्वेश्चन सोच पाओगे और उसके लिए एक नया प्रोग्राम बना पाओगे ठीक है तो इवन आउट को यहाँ से हटाते हैं और अभी काम करते हैं जितने भी बेकार के प्रोग्राम्स थे इन सबको हटाते हैं यहाँ से इन सबको हटाते हैं यहाँ पर मैंने क्यों लिखा हुआ है और ठीक है तो हम लूप्स देखने वाले हैं तो लूप्स हमारे पास कितने तरह के होते हैं हमारे पास दो तरह के लूप्स होते हैं पाइथन में सबसे पहला वाइल्ड लूप होता है और दूसरा फॉर लूप होता है ठीक है दोनों का यूज बहुत ज्यादा सिमिलर है मतलब दोनों का काम चीजों को लूप करने में ही किया जाता है लूप का मतलब क्या होता है कि रिपीट करना ठीक है या फिर कह सकते हैं इटरेशन इटरेट करना ठीक है यहाँ पर मैं स्पेलिंग लिख लेता हूँ ठीक है ये होता है इटरेट करना मतलब यही लूप करना चलो आगे बढ़ते हैं एक काम करते हैं हम सबसे पहले वाइल्ड लूप को देख लेते हैं वाइल डॉट पी वाई ठीक है या फिर हम एक काम करते हैं इसका नाम वाइल नहीं रखते हैं इसका नाम हम हम हमेशा ट्राई करेंगे कि हम जो अपने प्रोग्राम का नाम रखें वो किसी कीवर्ड का नाम ना रखें तो वाइल तो एक कीवर्ड है तो हम एक तो हम एक काम करते हैं हम इसका नाम रखते हैं वाइल अंडर स्कोर लूप ठीक है डॉट पी वाई चलो ठीक है हमने यहाँ पर प्रोग्राम बना दिया अब एक काम करते हैं हम यूजर से एक नंबर प्रिंट करवाते हैं और हम क्या करेंगे हम वन से लेकर उस नंबर तक जितने भी नंबर होंगे सबको प्रिंट करवाएंगे मान लेते हैं यूजर ने अगर फाइव इनपुट किया तो उसके पास क्या जो आउटपुट आएगा उसके पास जो आउटपुट आएगा वन टू थ्री फोर फाइव इतना आउटपुट आएगा मतलब से लेकर उसके नंबर तक हमें आउटपुट करवाना है ये करवाना है सिंपल तो चलो पहले यूजर से नंबर इनपुट करवा लेते हैं इंट और इसके अंदर हम इनपुट फंक्शन के अंदर प्रॉम्प्ट डालेंगे एंड नंबर ये करवाने के बाद अब हम उस नंबर तक लूप करवाएंगे अब देखो लूप कैसे करवाते हैं सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं वाइल लूप तो वाइल लूप कैसे लिखते हैं स्ट्रक्चर देख लो पहले वाइल लिखते हैं उसके अंदर कोई एक कंडीशन डालते हैं आप तुम सोच रहे हो कि कंडीशन तो हम इफ एल्स में डालते थे सॉरी एल्स में नहीं मतलब इफ ब्लॉक में डालते थे और एल्फ ब्लॉक में डालते थे ठीक है तो जहां पर भी कंडीशन की जरूरत होती है यहां पर हम कंडीशन में कुछ भी डाल सकते हैं अगर वो कंडीशन सही होगी तो हमारे वाइल के बॉडी के अंदर जो भी चीज होगी वो चलने लगेगी तो यहां पर हम ये कंडीशन डालते हैं तो यहां पर हम क्या करवाने वाले हैं हम यहाँ पर वन से लेकर ए तक की चीजों को प्रिंट करवाने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले हम वन को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं ठीक है स्टोर नहीं असाइन कर लेते हैं यहां पर मैंने वन असाइन कर लिया इसको वाइल बी इज ठीक ठीक है है बी इज स्मॉलर देन इक्वल टू ए और यहां पर कॉलोन देके फिर प्रिंट और क्या प्रिंट करवाना है मुझे बी बस इतने में मेरा जो प्रोग्राम है वो निपट गया अगर मैं इसको अभी रन करके तुम्हें दिखाऊं अगर मैं यहाँ पर फाइव इनपुट करता हूँ तो यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ ये वन 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 प्रिंट हो रहा है लेकिन मुझे क्या करवाना है मुझे यहाँ पर वन से लेकर फाइव uh, तक की चीजों को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर मैंने सिर्फ बी को मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर बी की वैल्यू भी तो चेंज होगी तो उसके लिए यहाँ पर बी प्लस प्लस लिख सकता हूँ तो यहाँ पर मैं बी प्लस इज इजिक्वल टू वन लिख सकता हूँ मैं या फिर बी इज टू बी प्लस वन लिख सकता हूँ दोनों का काम सेम है ठीक है सिंपल है एक बार फिर से देख लो बी इज इजिक्वल्स टू बी प्लस वन इसका मतलब और बी प्लस इज इजिकल्स टू वन इसका मतलब दोनों का मतलब जो सेम है अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं मैं तुम्हें इसको अच्छे से डिफाइन करने वाला हूँ जैसे मैंने को किया है इसको रन करते हैं इसको पहले स्टॉप कर लेते हैं कंट्रोल सी से तुम स्टॉप कर सकते हो या मैंने इसको रन कर दिया अगर मैं यहाँ पर फाइव अभी एंटर करूँ तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि वन टू थ्री फोर फाइव अच्छे से आ रहा है यहाँ पर जो आउटपुट है वो सारा का सारा आ रहा है तो ये था हमारा वाइल्ड लूप और ये कैसे काम कर रहा है अब तुम्हें बता दूंगा ठीक तो है तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास फाइव चला गया एक काम करता हूं मैं यहां पर मैं एक काम करता हूं यहां पर मैं कमेंट्स में चीजों को स्टोर कर लेता हूं ठीक है यहां पर मैं कमेंट्स में अपने फायदे के लिए यहां पर चीजों को यहां पर रख सकता हूं और मेरा इंटरप्रेटर इन चीजों को देखेगा देखेगा भी नहीं जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है सिर्फ उनको देखेगा ठीक है तो यहां पर मैंने फाइव लिख दिया मतलब यूजर ने यहां पर फाइव एंटर कर दिया अब यहां पर बी इज टू वन है ना? ठीक है अब देखो वाइल्ड लूप किस तरह से काम कर रहा है मैंने क्या कहा था, था तुमसे कि वाइल के अंदर एक कंडीशन होती है जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है तब तक उसकी बॉडी जो है वो चलती रहती है ठीक है तो सबसे पहले बी में क्या है वन क्या वन छोटा या फिर इक्वल है ए के बी में क्या है फाइव तो क्या वन जो है वो छोटा या फिर इक्वल है फाइव के हाँ ये कंडीशन ट्रू है ठीक है ये ट्रू है तो अब क्या होगा यहाँ पर हमारे पास जो भी है बी में यानी कि वन है अभी वो तो यहाँ पर वो वन प्रिंट हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा और प्रिंट होने के बाद हमने क्या किया है कि बी की वैल्यू को वन से इंक्रीमेंट कर दिया है मतलब अब बी में जो है वो टू आ जाएगा ठीक है वन ऑलरेडी था तो अब वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू अब यहाँ पर टू आ चुका है अब ये फिर से इस कंडीशन को चेक करेगा कि क्या टू जो है वो फाइव से छोटा है या फिर इक्वल है ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर ट्रू टू भी प्रिंट हो जाएगा फिर इस तरह से ये बढ़ के थ्री हो जाएगा इस तरह से बढ़ के ये फोर हो जाएगा और इस तरह से बढ़ के ये फाइव हो जाएगा ठीक है और जिस वक्त ये मान लेते हैं यहाँ पर फोर प्रिंट हुआ अभी और फोर प्रिंट होने के बाद ये इस जगह पे फाइव हो रहा है ठीक है अब यहाँ पर फाइव प्रिंट होने के बाद ये फिर से इस कंडीशन को चेक करेगा क्या फाइव जो है वो छोटा या फिर इक्वल है फाइव के हाँ फाइव इक्वल है फाइव के ये कंडीशन तो भले ट्रू हो रही है ना ठीक है दोनों में से एक चीज सही है तो ट्रू हो जा रही है तो उस वक्त भी क्या होगा यहाँ पर बी में जो है वो फाइव प्रिंट हो जाएगा ठीक है और इसके बाद फिर से ये वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो रही है ये सिर्फ फाइव पे नहीं रुक रही अगर मैं यहाँ पर इफ ब्लॉक से सॉरी पर मैं मैं अगर वाइल ब्लॉक से बाहर चला जाऊं और यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊ बी को ठीक है तो अब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर एक अलग चीज क्या यहां तुम्हें दिख रहा होगा जैसे अगर मैं पर इनपुट करूँ तो यहाँ पर दिख रहा होगा तुम्हें कि यहां तक तो लूप ने काम किया है ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव और इसके बाद इस प्रिंट स्टेटमेंट ने अभी जो प्रेजेंट वैल्यू है सिक्स पे वो प्रिंट कर दी है तो यहाँ पर से वैल्यू बढ़ जाएगी जब यहाँ पर इसने फाइव प्रिंट किया होगा उसके बाद यहाँ पर एक और वैल्यू बढ़े और उसके बाद फिर ये प्रिंट जो मैंने बी किया है सिक्स वो प्रिंट हो गया तो ये इस तरह से काम कर रहे हैं ये था वाइल लूप यहां पर हम क्या कर रहे, है? डाल रहे हैं कंडीशन जब तक ट्रू हो रही है तब तक वाइल की बॉडी चल रही है तो ये सिंपल था और इतने सिंपल से काम के अलावा भी तुम बहुत सारी चीजें यहां से इससे करवा सकते हो जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो तुम्हें किसी अगर नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है मतलब जैसे अगर मैं एट लिखूं अगर यूजर एट इनपुट करे तो उसके पास आना चाहिए एट इंटू वन इक्वल टू एट फिर नीचे एट इंटू टू इज इक्वल टू सिक्स एट इंटू थ्री ट्वेंटी फोर ऐसा आना चाहिए तो ये मैं कैसे करवा सकता हूँ ठीक है ये काफी इजी हो जाएगा ये कैसे होगा तो देखो हमें कौन कौन से नंबर्स चाहिए हमें सबसे पहले एट चाहिए ठीक है तो यूजर जो है वो यहां से एट दे देगा ठीक है और इंटू क्या हो रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन मतलब हमें एक और ऐसा नंबर चाहिए जिसकी वैल्यू हम बढ़ाकर वन से लेकर टेन तक चले जाए एक एक करके ठीक है तो क्या हम यहाँ पर वही काम कर रहे हैं हाँ हम यहाँ पर वही काम कर रहे हैं तो सबसे पहले अब एक काम करते हैं इस चीज को हटाते हैं अब हम क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर प्रिंट करवाने वाले हैं और प्रिंट करवाने के बाद हम जो भी प्रिंट करवाएंगे वो कहाँ से कहां तक प्रिंट करवाएंगे वो हमें चाहिए एट इंटू वन से लेकर एट इंटू टेन तक की चीजें चाहिए तो बी की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए वन से लेकर टेन तक होनी चाहिए क्या यहाँ पर ये बी की वैल्यू वन से लेकर टेन तक हो रही है नहीं हो रही है यहाँ पर तो मैं रहा होगा बी वन से शुरू तो हो रही है लेकिन बी टेन पे खत्म नहीं हो पाएगी क्योंकि बी जो है वो हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसको ए पे ही खत्म कर दो ए में क्या था एट था फिलहाल तो ये फाइव है लेकिन हमने क्या एज्यूम किया था ये एट हो ठीक है तो बी की वैल्यू जो है वो एट पे ही खत्म हो जाएगी तो हमें यहाँ पर एट पे खत्म नहीं करवाना है हमें यहाँ पर टेन पे खत्म करवाना है ठीक है ये लिख दिया हमने अब इसको शुरू करवाते हैं वन से लेकर टेन तक प्रिंट करवाना ना सिंपल है तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख हुए तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे एट और एट को लिखवाने के लिए हम डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख देते हैं ए ठीक है और फिर क्या प्रिंट हो इंटू ठीक है उसके लिए हम यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर कॉमा देके मैंने एक स्ट्रिंग लगा दिया एक्स ठीक है फिर कॉमा यहाँ पर मुझे स्पेसेस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमा जो है वो सेपरेटर जो है बाय डिफॉल्ट क्या लेता है स्पेस लेता है ठीक है फिर हम यहाँ लिखेंगे ए इन टू और उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए वन से लेकर टेन तक की चीजें किसमें आ रही है वो बी में आ रही है तो हम यहाँ पर बी लिखेंगे फिर कॉमा देंगे फिर इक्वल टू देंगे ठीक है और इसके बाद क्या प्रिंट होना चाहिए ए इंटू बी ठीक है ये चीज प्रिंट हो जानी चाहिए या फिर हम क्या कर सकते हैं कि सी में हम ए इंटू बी स्टोर करवा लें या फिर असाइन कर दें और डायरेक्ट हम यहां पर सी को प्रिंट कर दें ये चीज भी हम कर सकते हैं लेकिन इतना करने की जरूरत हमें है नहीं क्यों हम फालतू का एक और नया वेरिएबल बनाए जब यहां पर चीजें बिना वेरिएबल बनाए हो रही हैं ठीक है ठेके? तो हमारे पास ये इस तरह से काम हो रहा है तो यहां पर हमने क्या किया है डायरेक्ट हमें जिस तरह की स्ट्रक्चर चाहिए था वो हमने लिख दिया अगर मैं इसे अभी रन करके दिखाऊं तो मैं एंटर नंबर अगर मैं यहाँ पर एट एंटर करूं तो यहां पर मेरे पास आ गया पूरा का पूरा टेबल एट इंटू वन इजगोल्स टू एट फेट सिक्सटीन ट्वेंटी फोर इस तरह करके एट इंटू टेन इजगोल ये पूरा का पूरा टेबल हमारे पास आ चुका है बहुत सिंपल था वाइल्ड लूप से हमने कर लिया इसे और इस तरह से हमारे पास वाइल्ड लूप जो है वो खत्म होता है अब कौन सा लूप है हमारे पास अब है हमारे पास फॉर लूप ठीक है दूसरा लूप जो मैंने क्या करा था फॉर लूप तो so उसके लिए एक नया प्रोग्राम बनाते हैं फॉर अंडर स्कोर लूप डॉट पी वाई ठीक है अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले हम वही काम करवाते हैं इससे कि वन से लेकर टेन तक की चीजें हमें प्रिंट करवानी है तो वो हम कैसे करवाएंगे ठीक है जितने भी नंबर्स आते हैं तो सबसे पहले टेन तक नहीं एक काम करते हैं यूजर से इनपुट लेते हैं जो कि हमने पहले करवाया था और वन से लेकर उस नंबर तक जितने भी नंबर आते हैं सबको एक एक करके प्रिंट करवाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यूजर से नंबर मांगेंगे यहां पर एंट्री डेटा टाइप के अंदर इनपुट फंक्शन और इनपुट फंक्शन के अंदर हम प्रॉम्प्ट डालेंगे एंटर नंबर इस तरह से हमने यूजर से नंबर जो है वो एंटर करवा लिया अब हम क्या करेंगे अब हम वन से लेकर यूजर के नंबर तक जाएंगे और जितने नंबर सारे उनको प्रिंट करवाएंगे तो अब देखो यहाँ पर फॉर लूप कैसे चलता है कैसे लिखते हैं उसे फॉर ऐसे लिखते हैं शुरू में और उसके अंदर हम कुछ चीजें डालते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले फॉर और फॉर के बाद हम एक वेरिएबल बनाते हैं देखो फॉर लुप यूज करने का और भी तरीका है एक ठीक है तो सबसे पहले जो अभी हमें यूज करना है वो हम देख लेते हैं और जो दूसरा तरीका है वो मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा जब हम और चीजें पढ़ रहे होंगे जैसे लिस्ट डिक्शनरी टपल ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे उस वक्त भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा तो अभी जो बात करते हैं कि अभी हमारे पास कौन सा काम है उस बेसिस पे हम इसे क्या काम करवाने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर उसके बाद हम एक नया वेरिएबल बनवाएंगे ठीक है फॉर आई और उसके बाद इन और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर रेंज लिखूं रेंज क्या है रेंज एक फंक्शन है जो कि मुझे नंबर्स प्रोवाइड करने वाला है कहाँ से कहाँ तक वो मुझे डालना है वन से लेकर इलेवन डालूंगा ठीक है इलेवन क्यों क्योंकि रेंज के अंदर जो लोअर जो लोअर लिमिट होती है उसको तो ये इंक्लूड करता है लेकिन अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करता है मतलब वन से लेकर टेन तक की चीजें ये जो रेंज फंक्शन है वो मुझे निकाल के देने वाला है ठीक है और ये जो आई जो है ना वो इस रेंज के अंदर ही नाचने लगेगा तो आई में सबसे पहले वन आएगा फिर टू आएगा थ्री आएगा फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन बस खत्म हो जाएगा ये लास्ट वाली जो चीज है उसको वो नहीं इंक्लूड uh, करने वाला है आई में हमारे पास इस तरह से वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेंगी बस मैंने क्या लिखा है फॉर आई इन रेंज और उसके बाद यहाँ पर हमने ये लिख दिया अब यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊंगा ठीक है किसको प्रिंट करवाता हूं यहाँ पर स्ट्रिंग डालने की हमें जरूरत नहीं है डायरेक्ट मैं आई को प्रिंट करवा सकता हूँ ठीक है तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं यहां पर मैं वन से लेकर टेन तक की चीजें प्रिंट करवा रहा हूं लेकिन मुझे क्या करना था मुझे ए तक की चीजों को प्रिंट करवाना था तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ ए क्या मैं ए लिखूंगा नहीं यहाँ पर मैं ए प्लस वन लिखूंगा ठीक है तो क्योंकि मैंने अभी भी तुम्हें बताया क्योंकि ये ए प्लस वन को इंक्लूड नहीं करेगा ये ए तक की चीजों को इंक्लूड करेगा और अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ए लिखता तो वो ए को इंक्लूड नहीं करता ए माइनस वन को इंक्लूड करता ठीक है अगर मैं अभी इसको रन करके दिखाऊं तुम्हें मैंने पर फाइव लिख दिया अब देखो ये क्या हो रहा है सिंपल फॉर अच्छे से काम कर रहा है बस इतने से प्रोग्राम में हमने वन से लेकर यूजर ने जितना भी इनपुट दिया था वहां तक के नंबर जो है वो प्रिंट करवा लिए अब तुम्हें इस प्रोग्राम को कम नहीं समझना है अगर मैं यहाँ पर दस हजार लिखू तो ये इस चीज को भी देखो देखो पर पर ये प्रिंट करवाता जा रहा है अब देखो पर, इस चीज को मैं, तो मैं तो को मैं यहाँ से हटाता हूँ चलो ये तो एक सिंपल सा प्रोग्राम था कि वन से लेकर यूजर के दिए हुए नंबर तक सारी नंबर जो है वो प्रिंट करवाने अब हम एक काम करते हैं अब हम ये काम करते हैं कि वन से लेकर यूजर जो नंबर दे उन सब का सम होता जाए मतलब अगर यूजर फाइव दे तो हमारे पास जो आउटपुट आए वो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव इन सबका सम आया हमारे पास अगर मैं पर तुम्हें तो कैलकुलेटर खोलकर दिखाऊं मान लेते यूजर ने फाइव एंटर किया है तो इस बार हमारे पास क्या आए वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव कितना आ रहा है इक्वल टू तो अगर मैं करके दिखाऊं तो तुम्हें तो ये पंद्रह आ रहा है तो हमारे पास फाइव डालने पर आउटपुट आया ठीक है तो ये कैसे करवा सकते हैं बहुत ज्यादा सिंपल है मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ तो सबसे पहले हमें तो ये तो चाहिए होगा कि हमारे पास एक एक करके नंबर्स आते रहे नंबर्स कैसे आएंगे हमारा ये जो फॉर लूप है वो काम कर रहा है ठीक है वन से लेकर यूजर के नाम दिए हुए नंबर तक हमारे पास जो है नंबर्स है वो आते जा रहे हैं एक एक करके ठीक है अब मुझे क्या करना है कि मुझे इन सबको जोड़ते जाना है और हम जोड़ेंगे कैसे एक काम करते हैं हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर सब नाम का हमने एक नया वेरिएबल बना लिया उसमें हमने जीरो लिख दिया ठीक है मतलब अभी सब में कुछ नहीं है सिंपल अब हम क्या करेंगे कि यहां पर हम सम में चीजों को जोड़ते जाएंगे सम प्लस इज इक्वल्स टू और इसमें हम आई लिख देंगे बस हमारे पास हो गया और अगर मैं यहां पर हमें एक एक करके सारे नंबर्स को प्रिंट तो नहीं करवाना है ना हमें सिर्फ सम को प्रिंट करवाना है तो हम एक काम करते हैं इस चीज को फॉर से बाहर ले जाएंगे ठीक है फॉर से बाहर हम क्यों लेके गए अगर ये फॉर के अंदर होता तो आई में जितनी भी वैल्यूज हो रही होती आ रही होती वो एक एक करके प्रिंट करता जाता लेकिन हमें वो तो नहीं चाहिए तो हम इसको बाहर लेके जाते हैं हम इसको बाहर लेके आ चुके हैं अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं तो क्या होगा क्या ये सही काम करेगा नहीं अभी भी इसमें कुछ छूट रहा है क्या छूट रहा है यहाँ पर मैं प्रिंट किसको करवा रहा हूँ आई को लेकिन मुझे आई नहीं प्रिंट करवाना है मुझे क्या प्रिंट करवाना है सम को ठीक है तो यहाँ पर मैं सिर्फ सम लिख देता हूँ अगर मैं यहाँ पर अब इसको रन करके दिखवाऊ ठीक है मैंने क्या अभी एड करके दिखाया था तुम्हें फाइव और फाइव डालने पर क्या आना चाहिए पंद्रह ठीक है अगर मैं इसको एंटर करूं आ गया मेरे पास पंद्रह तो ये बहुत ज्यादा सिंपल सा प्रोग्राम था बस मैंने क्या किया एक नया वेरिएबल बना लिया जिसमें मैंने स्टोर किया जीरो और जो जो वैल्यूज आई में आती जा रही है सबको मैंने सम में एड करवाते जा रहा हूं मैं ठीक है सम प्लस ये, प्लस ये वो इसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई प्रोग्राम है ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो तुम ये प्रोग्राम बना सकते हो बहुत ज्यादा सिंपल है ठीक है तो इस तरह से हम फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं और एक काम करो अब अब मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ जैसे हमने यहाँ पर वाइल्ड लूप के थ्रू टेबल प्रिंट करवाने का बनाया था कि जैसे एट अगर हम डाल रहे थे तो एट इंटू वन इज इक्वल्स टू एट ऐसे करते करते 8 10 80 ये आ रहा था ये प्रोग्राम मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम फॉर लूप से बनाकर दिखाओ अगर किसी से बन जाता है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख कर दिखाओ ठीक है ये बहुत ज्यादा सिंपल है तो फॉर लूप भी इस तरह से हमने कर लिया है अब क्या हमारे पास और चीजें छूट रही हैं ठीक है ठेके? अब हमारे पास कुछ जंप स्टेटमेंट्स आते हैं जंप स्टेटमेंट्स हम किन कहते हैं जंप स्टेटमेंट्स हमारे पास दो दो होते हैं ब्रेक और कंटिन्यू ठीक है अब तुम्हें इनमें जो डिफरेंस है वो समझना बहुत जरूरी है और ये दोनों चीजें जो है वो लूप्स के अंदर ही आती हैं ठीक है तो देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा तो सबसे पहले आते हैं ब्रेक के बारे में ठीक है अब एक काम करते हैं ब्रेक को समझने के लिए यहाँ पर मैंने ब्रेक का एक नया प्रोग्राम बना लिया ब्रेक डॉट वाई अब ब्रेक मैं यहाँ पर ब्रेक तो नहीं लिखूंगा ब्रेक अंडर स्कोर क्या लिखे जम्प ठीक है ब्रेक अंडर स्को जम डॉट मैंने एक नया प्रोग्राम बना लिया अब यहां पर मैं तुम्हें ब्रेक स्टेटमेंट समझाने वाला हूँ यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है सिंपल में तुम्हें अगर बोलकर बताऊं तो किसी भी दिए हुए मान लेते हैं कि कोई एक लूप चल रहा है और लूप के चलते चलते किसी भी गिवन कंडीशन पे अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है अगर हम उस उसपे अगर हम उस पे ब्रेक लगाते हैं तो हमारा जो लूप है वो उस वक्त खत्म हो जाएगा ना कि हमारा जो लूप जो है मान लेते हैं, हमने लूप से कह दिया कि तुम वन से लेकर टेन तक चलते रहो ठीक है लेकिन अगर हम बीच में कंडीशन लगा रहे हैं कि जैसे ही फाइव आता है तो रुक जाओ तो उस केस में क्या होगा कि वो वन से फाइव तक ही चलेगा उसके बाद फिर वो आगे की चीजें एग्जीक्यूट नहीं करेगा समझ गए अब देखो यहां पर मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ तुम्हें यहाँ पर मैंने फॉर लूप का यूज किया अब देखो ज्यादातर हम फॉर लूप का यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में जैसे वाइल्ड लूप यूज करना है वो कर सकता है जो चीजें हम फॉर लूप का यूज करके कर सकते हैं सेम चीजें हम वाइल्ड लूप का भी यूज करके कर सकते हैं लेकिन तुम्हें ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस चीज़ को यूज करना चाहते हो मोस्ट ऑफ़ द लोग जो होते हैं वो फॉर लूप का यूज करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर जो वेरिएबल बनाना होता है वो अलग से नहीं, नहीं बनाना पड़ता है हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेते हैं फॉर आई इन रेंज या फिर फॉर आई इन समथिंग कोई भी एक कंटेनर हो गया ठीक है वो हम लिख लेते हैं तो इसलिए फॉर लूप का ज्यादा यूज करते हैं लोग और अभी हम देखने वाले हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट हम कैसे यूज कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं काम करता हूँ कि फॉर आई एन रेंज जीरो से इलेवन तक में सबको प्रिंट करवाते जाऊँ ये मैं कह रहा हूँ अपने इंटरप्रेटर से तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट आई बस अगर मैं इसको अभी रन करके दिखाऊँ तो मैं ये जीरो से लेकर टेन तक की चीजों को प्रिंट कर दे रहा हूं ठीक है और अब मैं इसे कहता हूं अगर कि यहां पर मैं काम करता हूँ इस चीज़ को दो बार प्रिंट करवाता हूँ ठीक है प्रिंट आई प्रिंट आई मैंने यहाँ पर दो बार लिख दिया अब यहाँ पर यह क्या कर रहा है कि सिंपल मैंने दो बार लिखा है तो दो बार हर चीज को प्रिंट कर रहा है ठीक है जीरो जीरो वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर ऐसा करके टेन टेन यहाँ तक इस तरह से चीजों को प्रिंट कर रहा है लेकिन क्या होगा कि अगर मैं बीच में कंडीशन डाल दू इफ आई इज इक्वल टू इज इक्वल टू फाइव इस केस में ब्रेक कर दो इस लूप को बस अब देखो इस केस में क्या होगा देखो जीरो जीरो चल रहा है वन वन ये भी चल रहा है टू टू थ्री थ्री फोर फोर और फाइव सिर्फ एक बार प्रिंट हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसके बाद देखो इस चीज के बाद मैंने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट को डाला है मतलब इस टे, स्टेटमेंट के अंदर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट को डाला है मतलब पहली बार तो फाइव मान लेते हैं कि आई में वन आया ये चल गया और फिर ये तो नहीं चलेगा क्योंकि वन है अभी आई में तो ये ये पूरा ब्लॉक नहीं चलने वाला तो पहले अगर वन है तो वन प्रिंट हो जाएगा और फिर ये फॉल्स हो जाएगी तो ये वापस से वन को प्रिंट करेगा तो वन दो बार प्रिंट हो गया सिम, आ, सिमिलर टू के लिए ठीक है थ्री फोर फोर तक ये सिमिलर काम करेगा मान लेते हैं आई में फाइव आ चुका है ठीक है तो फाइव को ये प्रिंट करेगा अब यहाँ पर इस कंडीशन जब चेक होगी तो ये ट्रू हो जाएगा और ट्रू होने के बाद ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद जो है वो आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है किसी से कोई मतलब नहीं आगे कोई इंटरेशन नहीं चलाना है अब डायरेक्ट ये कहेगा कि फॉर लूप को खत्म कर दो ठीक है अब मैं यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ खत्म लिख दू ना ये खत्म प्रिंट कर देगा अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तुम्हें तो ये फाइव एक बार प्रिंट कर रहा है बाकी इसके बाद ये जाएगा ही नहीं ये 6 पे आगे जाएगा ही नहीं ठीक है और ना ही ये इस चीज पे जाएगा मतलब जहां पर इसे ब्रेक मिल गया आगे की चीजों को तो स्किप करेगा ही लेकिन ये नेक्स्ट इटरेशन भी जो होने वाले हैं फाइव के बाद सिक्स सेवन एट नाइन टेन वो सबको खत्म कर देगा ठीक है तो ये काम है ब्रेक का और अब तुम सोच रहे होगे कि जब हम यहीं पर अपने लूप को खत्म करवा सकते हैं किसी भी नंबर को देकर मान लेते अगर मैंने यहाँ पर टेन लिखा तो वो टेन पे खत्म हो सकता है अगर मैं यहाँ पर इसे आ, फाइव लिख दूँ तो वो फाइव आने से पहले ही वो ख़त्म कर देगा मतलब फोर पे ही ख़त्म कर देगा तो हमें यहाँ पर ब्रेक की जरूरत क्या है तो ऐसा नहीं है हम सिर्फ नंबर्स को यहाँ पर नहीं देखते हम यहाँ पर बहुत सारे कंडीशन को देखते हैं और ये डिपेंड करता है प्रोग्राम टू तो प्रोग्राम तो तुम्हारे पास ऐसी कंडीशन आएंगी जहाँ पर तुम्हें ब्रेक का यूज़ करना पड़ेगा और ऐसे प्रोग्राम्स में तुम्हें खुद दिखाने वाला हूँ ठीक है तो ये काम है ब्रेक का तुम समझ चुके होगे अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि कंटिन्यू क्या करता है ठीक है तो कंटिन्यू के लिए भी एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं कंटिन्यू सिमिलर है मैं मानता हूं लेकिन अलग है दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हें जानना कंटिन्यू जम नॉट है ठीक है अब यहाँ पर अगर मैं इसी प्रोग्राम को कॉपी कर लू ठीक है मैंने यहाँ पर कॉपी करके पेज कर लिया अब मैं काम करता हूँ यहाँ पर कंटिन्यू को छोड़कर ब्रेक को हटाकर मैं यहाँ पर कंटिन्यू लिखता हूँ ठीक है ठीक है यहाँ पर मैंने कंटिन्यू लिख दिया अब देखो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि जंप स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं पहला ब्रेक दूसरा कंटिन्यू यहाँ पर मैंने कंटिन्यू लिख दिया अगर मैं अभी इस चीज को रन करूँ तुम्हारे तो पास क्या आ रहा है यहाँ पर अगर मैं इस चीज को थोड़ा बड़ा करूं अपने टर्मिनल को अब देखो क्या हो रहा है आ, यहां तक तो चीजें सेम है ठीक है लेकिन इसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा नॉर्मल चीज जो भी है वो चल रहा है मतलब फाइव तक सिर्फ फाइव एक बार प्रिंट हो रहा है बाकी सारी चीजें दो दो बार प्रिंट हो रही है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि कंटिन्यू क्या करता है ना अगर ये कंडीशन सही होगी तो यहां पर मैंने कंटिन्यू लिखा है कंटिन्यू क्या करेगा कि इस चीज को स्किप करेगा और फिर नेक्स्ट इटरेशन से कंटिन्यू करेगा समझ गए मतलब कि अब कंटिन्यू अब मतलब कि कंटिन्यू इस चीज के सही होने के बाद नीचे जो कुछ भी लिखा है मान लेते हैं प्रिंट हर बार हेलो भी प्रिंट हो ठीक तो है जो कुछ भी लिखा है तो ये सारी चीजें स्किप करेगा और फिर नेक्स्ट इटरेशन से नॉर्मली ये चलना शुरू हो जाएगा मतलब मान लेते हैं कि इसको थोड़ा छोटा करते हैं समझने के लिए मान लेते हैं ये जीरो वन और टू के लिए ही चलेगा इसलिए मैंने यहाँ पर इसको थ्री दे दिया और यहाँ पर मैं वन कर देता हूँ ठीक है अगर अभी मैं इसको तुमको रन करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है जीरो जीरो प्रिंट हो रहा है पहले जीरो जीरो, जीरो आया होगा ठीक है अगर मैं इसको छोटा करूं अब समझते हैं देखो यहां से हमारा जो प्रोग्राम है वो चल रहा है ठीक है ये है तो सबसे पहले क्या हो रहा है सबसे पहले आई में क्या जा रहा है जीरो चला गया जीरो प्रिंट हो गया जीरो हुआ हाँ जीरो जो है वो प्रिंट हो चुका है उसके बाद आई चेक कर रहा है कि क्या जीरो टू वन है मतलब आई में जो भी चीजें हैं क्या वो इक्वल है वन के तो जीरो तो इक्वल के वन है नहीं तो ये नहीं चलेगा कंटिन्यू नहीं चलेगा आगे बढ़ते हैं ये फिर से फिर से प्रिंट करेगा जीरो को जीरो को प्रिंट कर दिया उसके बाद ये हेलो को प्रिंट करेगा हेलो को भी प्रिंट कर दिया इसने अब आगे बढ़ते हैं अब आई में गया वन तो प्रिंट करेगा वन को प्रिंट किया हाँ प्रिंट कर दिया उसके बाद ये चेक करेगा कि क्या वन इक्वल है वन के मतलब आई में जो भी चीज थी वो वन है वो, वो इक्वल है वन के तो हाँ इस बार ये सही हो जा रहा है तो इस बार ये कंटिन्यू करेगा और कंटिन्यू का मतलब होगा कि इस बार इस चीज को हटा दो मतलब इसके कंटिन्यू के नीचे अब जो कुछ भी लिखा है वो छोड़ दो रहने दो इग्नोर करो उसको और फिर नेक्स्ट चीज से चालू करो तो यहाँ पर इसने पहले जहाँ जब यहाँ पर वन प्रिंट किया ठीक है उसके बाद फिर कंटिन्यू हो गया तो यहाँ पर इन चीज़ों को अब ये स्किप करेगा फिर से वन और हेलो ये प्रिंट नहीं करेगा अब यहाँ पर ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर इसके पास क्या आ जाएगा टू आ जाएगा और टू के बाद ये प्रिंट करेगा टू को टू को प्रिंट कर दिया इसने और उसके बाद फिर ये ये कंडीशन चेक होगी कि क्या टू जो है वो इक्वल है एवन के मतलब आई में जो चीज थी टू वो इक्वल है एवन के नहीं ये गलत है तो ये कंडीशन नहीं चलेगी आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास वापस से टू प्रिंट होगा वापस से टू प्रिंट हो गया प्रिंट होगा हेलो तो वापस से हेलो प्रिंट होगा मतलब अब नीचे की चीजें जो है वो खत्म हो चलने लगेगी और अब यहाँ पर टू के आने के बाद हमारा जो लूप है वो खत्म हो जाएगा तो इसके बाद फिर ये प्रिंट जो है वो खत्म ये चल जाएगा बस तो ये काम था हमारे पास जो है वो कंटिन्यू का ब्रेक क्या करता है कि अब पूरे के पूरे लूप को खत्म कर देता है मान लेते चीजें आती जा रही है आती जा रही है ब्रेक मिल गया अब नीचे वाली चीजों को तो इग्नोर करो ही लेकिन अब नेक्स्ट इटरेशन को भी खत्म कर दो आगे जो भी है लूप के उसको चलाना शुरू कर दो ठीक है ब्रेक का काम ये है कि पूरी तरह से लूप को मार दो अब यहां पर कंटिन्यू का क्या काम है कंटिन्यू का, का काम यह है कि ये जब भी कंडीशन मीट हो रही है ना सही हो रही है कंडीशन उस वक्त क्या करो कि सिर्फ नीचे वाली चीजों को स्किप करो और नेक्स्ट इटरेशन से लूप को चालू कर दो ठीक है तो ये काम हो गया बस इस तरह से हम हमने समझ लिया कि कंटिन्यू और ब्रेक क्या होता है और अब हमारे पास क्या कोई टॉपिक है तो अब हमारे पास दो टॉपिक्स और आ रही हैं मोर ऑन लूप्स के अंदर हमारे पास दो टॉपिक्स आ रही हैं सबसे पहला लूप एल्स स्टेटमेंट तो हाँ हम एल्स का जो यूज है वो लूप के साथ भी करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नेस्टेड लूप जैसे तुमने इफ एल्स का नेस्टेड देखा था नेस्टेड वर्जन वैसा ही लूप्स का भी है लूप्स के अंदर भी अगर तुम लूप्स लगाने लगो तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप्स ठीक है सिंपल है अब बात करते हैं लूप एल्स के बारे में तो लूप एल्स क्या करता है एक नया प्रोग्राम बनाते हैं उसके लिए ठीक है यहां पर मैं लिख देता हूँ लूप अंडर स्कोर एल्स डॉट अब हम एक काम करते हैं आ, हमने यहां पर जो कुछ भी यूज किया था कंटिन्यू ब्रेक ये सब हमने फॉर में यूज किया लेकिन ये सब तुम वाइल में भी यूज कर सकते हो सिंपल सा काम है एकदम सेम टू सेम सेंट काम है ठीक है अभी हमारे पास है लूप एल्स यहाँ पर हम लूपल्स का काम करवाने वाले हैं तो हमें काम करते हैं यहाँ से फिर से हम फॉर आई एन रेंज और इस बार हम वन से लेकर इलेवन तक की चीजों को देखने वाले हैं मतलब टेन तक की चीजों को देखने वाले हैं यहां पर मैं क्या करवा रहा हूँ ये क्या कर देगा वन से लेकर टेन तक सिर्फ मेरे को चीजों को प्रिंट करके देगा हो गया प्रिंट लेकिन हमें क्या समझना है यहाँ पर आ, लूप एल्स ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर लूप खत्म होने पे एल्स लगा दूं और मैं यहाँ पर प्रिंट करूं खत्म ठीक है इस केस में क्या होगा इस केस में ये होगा कि लूप जो है वो पहले खत्म होगा ये भी हम साथ में लिख सकते हैं ठीक है फॉर और एल्स भी हम साथ में लिख सकते हैं आ, तो इस केस में क्या होगा कि जैसे ही जो loop, ये जो लूप है फॉर लूप ये खत्म होगा अपना सारा काम करके ये जब खत्म हो जाएगा तो फिर जो एल्स है वो चलेगा ठीक है देखते हैं खत्म सिंपल है लेकिन अब तुम सोच रहे होगे कि इस चीज़ को हम ना लिखते इस चीज को हम ना लिखते और डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट करवा देते खत्म तो भी तो ये वही काम हो रहा है तो हम यहाँ पर अलग क्या कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो भी तो सेम चीज हो रही है तो हमें यहाँ पर लूक एल्स वाली चीजों की जरूरत क्यों पड़ी और ये जो है वो मैं वाइल के साथ भी यूज कर सकता हूँ ठीक है तो इसको पहले हटाते हैं तो देखो यहाँ पर अभी मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया ब्रेक और कंटिन्यू इस केस में क्या हो रहा था कि लूप जो है वो मान लेते हैं ब्रेक स्टेटमेंट आ रहा है कहीं पर ठीक है और लूप जो है वो बीच में ही खत्म हो जा रहा है ठीक उस केस में क्या होगा कि एल्स वाली जो चीज होगी वो नहीं चलेगी अब यहां पर हम अगर एल्स का यूज करें अगर मैंने यहां पर एल्स लिख दिया और एल्स कब चलता है जब हमारे पास पूरा का पूरा लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो तो यहां पर हम प्रिंट करवाएंगे इससे यहां पर हम प्रिंट करवाएंगे कि लूप पूरा चल गया ठीक है अगर मैं इसको भी रन करवाऊं तो ये जो बात थी ये जो चीज मुझे प्रिंट करवानी थी लूप पूरा चल गया ये ये यहाँ पर रन नहीं हो रहा है ये किस लिए रन नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर बीच जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ जो भी कंडीशन हमने दी हुई यहाँ पर तो वो मीट हो जा रही है और इस केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो लूप है वो ब्रेक हो जा रहा है और ये जो एल्स वाला जो चीज है ये भी फॉर का ही पार्ट है ठीक है अब क्योंकि ये फॉर का ही पार्ट है तो अगर ये फॉर ये पूरे के पूरे लूप को ही ब्रेक कर रहा है तो इस केस में ये इस चीज को भी चलने से रोक देगा ठीक है और क्या होता अगर मैं यहां पर ब्रेक स्टेटमेंट को नहीं रखता तो अगर मैं इसको अभी रन करूं तो यहां पर कुछ एरर आ रहा है वो क्या एरर आ रहा है एक काम करता हूं मैं यहां पर इस चीज को कमेंट आउट करने के बजाय मैं इसको हटा ही देता हूं अगर मैं इसको अभी रन करूं हाँ तो ये चल रहा है तो देखो इस केस में क्या हो रहा है ये कह रहा है कि लूप पूरा का पूरा चल चुका है और फिर ये खत्म हो रहा है ठीक है तो एल्स का काम क्या है कि लूप के खत्म होने पे जो चीजें इसको दी हुई है इसकी बॉडी में जो भी चीजें दी हुई है उनको ये चला देता है और उसके बाद जो भी काम है वो अपना कंटिन्यू रहेगा ठीक है लेकिन यहीं पर अगर मैं लूप को बीच में से ब्रेक कर दू उस केस में क्या होगा उस केस में हमारे पास लूप जो है वो पूरा का पूरा नहीं चलेगा तो इस केस में क्या होगा एल्स का जो पार्ट है वो भी इग्नोर हो जाएगा ठीक है और क्या होता अगर मैं यहाँ पर ब्रेक के जगह पर कंटिन्यू लिखता कंटिन्यू से मैं क्या करवाऊंगा कंटिन्यू से मैं सिर्फ नीचे वाली चीज को इग्नोर करवाऊंगा बाकी नेक्स्ट इटरेशन से ही तो ये कंटिन्यू रहेगा तो क्या ये इस केस में एल्स का पार्ट चलेगा देखते हैं हाँ, इस केस में भी एल्स का पार्ट जो है वो चल रहा है क्यों चल रहा है क्योंकि यहाँ पर लूप पूरा का पूरा खत्म नहीं हो रहा है लूप कब खत्म हो रहा है सिर्फ ब्रेक के टाइम पे खत्म हो रहा है कंटिन्यू के टाइम पे खत्म नहीं हो रहा कंटिन्यू के टाइम पे सिर्फ एक इटरेशन यहाँ पर रुक रही है ठीक है बस यही काम था और यहाँ पर तो मैंने एक इटरेशन इसलिए रुक रही है क्योंकि इस कंडीशन से मीट होने वाली सिर्फ एक ही कंडीशन है तुम देख सकते हो प्रोग्राम को खुद भी एनालाइज कर सकते हो तुम तो ये था वाइल के साथ भी लग सकता है तो इसका भी तुम्हें काम आगे पढ़ने वाला है और अब आगे देखते हैं आगे हमारे पास है बेसिकली काम बहुत सारा होता है ठीक है बहुत जगह पे हम इसका काम कर सकते हैं आगे जो लिस्ट वगैरह आते हैं उसमें भी हम करते हैं तो उसमें भी हम देखने वाले लूप्स का लेकिन अभी हम बेसिकली क्या करने वाले हैं अभी हम पैटर्न्स बनाने वाले हैं लूप्स का यूज करके वो हम कैसे करते हैं तुमने ऑब्वियसली अगर तुम ट्वेल्थ में आ चुके हो तो तुमने देखा ही होगा अलग अलग पैटर्न तुमने स्टार पैटर्न देखा होगा तो अब हम एक काम करते हैं हम एक पैटर्न बनाते हैं सिंपल सा ट्राइंगल वाला पैटर्न बनाते हैं ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल का पैटर्न बनाते हैं हम राइट राइट ट्राइंगल डॉट व्यूआई मैंने एक नया प्रोग्राम बना लिया अब एक काम करते हैं यहां पर मैं यूजर से पहले आ, पहले मैं तुम्हें दिखाता हूं कि किस तरह का जो आउटपुट है वो आना चाहिए अगर यूजर ने एंटर किया फाइव तो हमारे पास ये ये आना चाहिए मान लेते हैं यहाँ पर यहां पर एक स्टार फिर यहाँ दो स्टार फिर तीसरे में तीन स्टार फिर चौथे में चार स्टार फिर पांचवे में पांच स्टार ठीक है ये तुम्हें दिख रहा होगा ये एक राइट एंगल ट्रैंगल बन रहा है ठीक है ये एक पैटर्न बन रहा है ये बहुत ज्यादा सिंपल सा पैटर्न है ये सबसे ज्यादा बेसिक पैटर्न है और तुम्हें इसको बनाना है और ये तुम किस तरह से बनवा पाओगे लेकिन अगर यहाँ पर यूजर ने पांच एंटर किया है इसलिए क्या हो रहा है कि पहले लाइन में एक प्रिंट हो रहा है दूसरे लाइन में दो तीसरे लाइन में तीन चौथे लाइन में चार और पांचवे लाइन में पांच और अगर यहाँ पर ये यह छठा लाइन होता तो छठवे लाइन में ये छह प्रिंट करता ठीक है तो अभी ये इसलिए इस तरह से चल रहा है क्योंकि यहाँ पर यूजर ने पांच प्रिंट किया है ठीक है तो एक काम करता हूँ मैं इन सब चीजों को कमेंट आउट कर देता हूँ सब चीजों को मैंने कमेंट आउट कर दिया अब एक काम करते हैं अब हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यूजर से नंबर मांगता हूँ कि तुम्हें कितने नंबर्स चाहिए कितने नंबर ऑफ लाइंस चाहिए ठीक है एंड इनपुट uh, लिखते हैं यहाँ पर और फिर प्रॉम्प्ट डालते हैं एंटर नंबर ऑफ लाइंस ठीक है ये मैंने ए में असाइन करवा दिया अब यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं फॉर का और मैंने अभी भी तुम्हें बताया कि फॉर यहां पर हम nested, uh, for loop का करने वाले लेकिन फिलहाल दिखाऊंगा नेस्टेड लूप के बिना तो, uh, कैसे बना सकते हो ये पाइथन हमारे लिए थोड़ा इजी कर देता है दूसरे लैंग्वेजेस में ये इतना आसान नहीं होता लेकिन पाइथन क्योंकि ये पाइथन है ऑब्वियसली ये बहुत ईजी है इसलिए यहाँ पर चीजें आसान है और तुम चीजों को छोटी अप्रोच से भी कर सकते हो तो अभी हम बात करते हैं यहां पर कि फॉर लूप से हम इस पैटर्न को कैसे बना सकते हैं तो फॉर के बाद हम क्या लिखेंगे पहले तो तुम सबको पता है कि एक नया वेरिएबल बनाएंगे ठीक है और उस वेरिएबल में चीजें जो है वो आती जाएंगी एक एक करके फॉर आई इन रेंज कहां से कहां तक वन से लेकर ए प्लस वन अब तक तुम्हें पता चल गया हो कि मैं ए प्लस वन क्यों ले रहा हूं ठीक है अब यहां पर मैं प्रिंट करवाऊंगा अगर मैं यहां पर अभी प्रिंट करवाऊंगा तो क्या होगा तुम पहले ये देख लो अगर मैं यहां पर प्रिंट करवाता हूँ सिर्फ एक स्टार को कंट्रोल एस करते हैं अगर मैं इसको अभी प्रिंट करवाऊं अगर नंबर ऑफ लाइन्स में पांच देता हूँ तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये सिर्फ एक एक स्टार प्रिंट कर रहा है पांच बार ठीक है लेकिन हम क्या चाहते हैं कि पहली बार में एक प्रिंट हो दूसरी बार में दो तीसरी बार में तीन चौथे बार में चार और पांचवें बार में पांच ये चाहते हैं तो ये हम कैसे करवाएंगे तो देखो पहला जो हमारा आउटर लूप है ठीक है बाहर का जो लूप है वो काम क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस देख रहा है ठीक है अब हम इसके अंदर एक और लूप बनाने वाले हैं जो कि हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखेगा पहले बार में हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर इतना है दूसरे बार में ये तीसरे बार में ये चौथे पांचवे ये इस तरह से हो रहा है ठीक है तो अब हम कैसे करवा सकते हैं इसको तो उसके लिए अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि अब हम इसके अंदर एक और लूप चलाने वाले हैं फॉर अब देखो यहाँ पर हम ऑलरेडी आई का, का काम करवा रहे हैं आई में पहले वन जाएगा टू थ्री फोर इतने तक जाते रहेगा ठीक है लेकिन अब हम नेस्टेड लूप बना रहे तो यहाँ पर हम एक और दूसरा वेरिएबल यूज करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस वेरिएबल के साथ कुछ छेड़खानी हो हम अपना एक नया वेरिएबल बनाना चाहते हैं फॉर इन रेंज ठीक है अब क्योंकि ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिटरमाइन करेगा है ना अब क्योंकि ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिटरमाइन करेगा और मैं क्या यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ प्रिंट करवाना चाहता हूँ मैं स्टार को प्रिंट करवाना चाहता हूँ बहुत सिंपल है आराम से देखो अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जेब को कहाँ से कहां तक मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ ये तो मैंने यहाँ पर डाला ही नहीं ठीक है तो मुझे ये इसको बताना पड़ेगा कि कहां से कहाँ तक डालना है ठीक है तो अब तुम अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं एक काम करता करते पहले मैं इस चीज़ को कमेंट आउट करता हूँ अगर अभी मैं इसको रन करके दिखाऊं तुम्हें ये अभी पुराने प्रोग्राम की ही तरह चलेगा तुम्हें ये दिख रहा होगा पुराने प्रोग्राम की ही तरह चल रहा है ठीक है तो यहाँ पर तुम्हें अगर मैं तुम्हें तुमसे कि किस लाइन में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चलाने हैं तो तुम यही बताओगे मुझे कि पहले लाइन में एक दूसरे लाइन में दो या फिर कह सकते हैं कि लाइन नंबर टू में टू लाइन नंबर थ्री में थ्री लाइन नंबर फोर में फोर और लाइन नंबर में फाएव. तो ये मुझे उतने ही कैरेक्टर्स और ये लाइन नंबर हम किससे डिटरमाइन कर रहे हैं आई से डिटरमाइन कर रहे हैं ठीक है ठीके? आई ही तो हमें बता रहे कि कौन सा लाइन है ठीक है और अब मुझे कितने कैरेक्टर्स डालने हैं लाइन नंबर के जितने तो यहां पर मैं चलाऊंगा वन से लेकर ठीक है वन से लेकर तक ठीक है और प्लस वन में यहां पर क्यों डाल रहा हूं तो समझ चुके हो अब तक अगर जरा अभी मैं इसको रन करके दिखाऊं तो ये क्या होगा Five. देखो यहां पर ये अजीब सा इनपुट आ रहा है ऐसा क्यों है क्योंकि अब देखो जब मैं तुम्हें प्रिंट स्टेटमेंट पढ़ा रहा था जब मैं तुम्हें प्रिंट स्टेटमेंट पढ़ा रहा था तब मैंने तुम्हें यह बताया था कि प्रिंट के पास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये होता है सेप इज इक्वल्स टू डबल कोर्स के अंदर ये कॉमा एंड इज इक्स टू डबल कोर्स के अंदर बैक स्लैश एन तो जब भी प्रिंट स्टेटमेंट खत्म होती है ना एक प्रिंट स्टेटमेंट एक प्रिंट स्टेटमेंट खत्म हो रही है तो उसके बाद ये बैक स्लैश एन दो खुद ब खुद आ जाता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक लाइन में चीजें प्रिंट नहीं हो पा रही है इसके वजह से क्योंकि ये बाई डिफॉल्ट लगा हुआ है यहाँ पर और सेपरेटर की चीजें सेपरेटर की नीड तो हमें अभी नहीं है तो सेपरेटर को हटाते हैं अभी और इस चीज के बारे में बात करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लगा हुआ रहता है इसलिए हमारे पास नीचे नीचे लाइन में ये शिफ्ट होता जा रहा है प्रोग्रामर हम हमारा जो प्रोग्राम हमारा जो है वो अब एकदम सही काम कर रहा है लेकिन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट प्रिंट स्टेटमेंट में ये लगा होता है इसलिए ये इस तरह से काम कर रहा है अब अगर मैं इसके जगह पर स्पेस लिख निकलूँ ठीक है मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पर प्रिंट करवाओ स्टार को लेकिन बीच में यहाँ पर स्पेस देते रहो ठीक है नए लाइन को यूज करने की जरूरत नहीं है तुम यहाँ पर स्पेस देते रहो तो क्या अब ये काम करेगा नहीं ये अब भी सही से काम नहीं करेगा और मैं तुम्हें रन करके दिखाऊं अगर मैं यहाँ पर फाइव लिखूं तो तुम्हें दिख रहा होगा अब तो सारे के सारे एक ही लाइन में आ गए ठीक है अब मुझे लाइन चेंज भी तो करनी है तो लाइन अगर मुझे चेंज करनी है तो अगर मैं इस लूप से बाहर आ जाऊं ठीक है और यहाँ पर मैं सिर्फ एक सिंपल सा स्टेटमेंट डाल दू प्रिंट और इसके पास तो चिपका हुआ है ही ना कि एंड इज इक्वल्स टू बैक स्लैश मैक्सलेशन ये तो पहले से ऑलरेडी इसके पास है तो यहाँ पर यह क्या होगा कि सिर्फ लाइन को चेंज करेगा मतलब कि

बिल्कुल सही पैटर्न हमारे पास आ जा रहा है तो ये बहुत आसान तरीका था किस तरह से हमने यहाँ पर पैटर्न को प्रिंट करवा दिया अब हमारे पास सिर्फ यही एक पैटर्न नहीं है हमारे पास और भी पैटर्न है तुम्हें सबकी वीडियो अगर चाहिए तो तुम कमेंट में मुझे बता सकते हो मैं कलेक्शन बना लूंगा एक लगभग पाँच दस पैटर्न का एक कलेक्शन बनाकर तुम्हें सारे प्रोग्राम्स तुम्हें अच्छे से अच्छा समझा दूंगा ताकि तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग और स्ट्रांग हो पाए हाँ तुम अपने लॉजिक बिल्डिंग को पैटर्न के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हो ठीक है इस तरह के पैटर्न तो बना सकते हो सिंपली ये तो बहुत ज्यादा बेसिक था ये सबसे पहला पैटर्न था ठीक है मुझे सिर्फ तुम्हें नेस्टेड लूप बताना था कि अगर हम लूप के अंदर ही लूप को यूज करें तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड लूप इसलिए मैंने तुम्हें पर इस पैटर्न के थ्रू बताया हुआ है और एक काम करते हैं एक जरा सा फिर से देख लेते हैं कि ये पैटर्न जो है वो काम किस तरह से कर रहा है अब देखो इस चीज को तो हम यहाँ से हटा देते हैं ठीक है तो अब देखो ये काम किस तरह से कर रहा है सबसे पहले ये तो तुम्हें क्लियर होगा कि इंटीजर टाइप में एक वैल्यू एंटर करेगा यूजर वो आ गया है ए में अब देखो अब हमारे पास यहाँ पर बाहर का जो लूप है वो किस चीज को हैंडल कर रहा है वो नंबर ऑफ लाइन्स को हैंडल कर रहा है और अंदर का जो लूप है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को हैंडल कर रहा है अगर हम बाहर वाले लूप के बारे में बात करें तो वो कहां से कहां तक चल रहा है ए से नंबर ऑफ जो भी यूजर ने दिया था उससे एक ज्यादा उस वैल्यू तक ये चल रहा है ठीक है मतलब अब यहां पर हमने ए प्लस वन डाला है रेंज के अंदर तो तुम्हें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है बहुत बार मैंने तुम्हें बता दिया अब रेंज जो है वो अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करता उससे जो छोटी वाली वैल्यू होगी उस चीज को वो इंक्लूड करेगा मान लेते यूजर ने फाइव डाला तो रेंज जो है वो कहां से कहां तक लेगा चीजों को वन टू थ्री और फोर तक लेगा ठीक है फाइव तक नहीं लेगा अब अगर मैं यहां पर फाइव प्लस वन यानी अगर सिक्स डाल दूं तो फिर ये वन टू थ्री फोर फाइव तक लेगा ठीक है यहां पर वो सिक्स को नहीं लेगा तो इसलिए मैंने यहां पर थोड़ा स्मार्टली ये काम किया है कि यहां पर मैं फाइव ना लिख के या फिर कह सकते हैं सिर्फ ए ना लिख के ए प्लस वन लिख दिया मैंने ठीक है ये काम मैंने रेंज से करवाया अब आगे बढ़ते हैं ये क्या करेगा नंबर ऑफ लाइंस मेरे को प्रिंट करके देगा ठीक है मतलब नंबर ऑफ लाइंस के टाइम्स ये लूप मेरे को चलेगा ठीक है ना और अब अंदर वाला लूप क्या कह रहा है कि कितने कैरेक्टर्स डालने हैं लाइंस कितने हैं ये बाहर वाला लूप बता रहा है ठीक है अब अंदर वाला लूप ये बता रहा है कि कितने स्टार प्रिंट होंगे अब देखो जे जो है वो कह रहा है कि वो वन से लेकर आई प्लस वन यानी कि मैं कह सकता हूँ कि आई तक चलाओ ठीक है अगर जे जो है वो वन होगा ठीक है इस केस में क्या होगा इस केस में ये स्टार्ट करेगा वन से और चेक करेगा आई प्लस वन तक मतलब अगर ये शुरू में अगर आई वन है तो आई प्लस वन यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा टू और ये टू को तो लेने नहीं वाला वन से लेकर टू तो लेने वाला है नहीं तो ये सिर्फ वन के लिए चलाएगा यानी कि सिर्फ एक बार हमारे पास स्टार प्रिंट होगा और स्टार प्रिंट होने के बाद हमारे पास एंड जो होगा वो बैक स्लैश एंड से नहीं होगा वो एक स्पेस से होगा हमारे पास यहां पर एक स्पेस आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पर हमने एक फिर से एक प्रिंट स्टेटमेंट डाला है ताकि एक लाइन जो है वो चेंज कर ले ठीक है लाइन हमारे पास यहाँ पर चेंज हो जा हम लेते हैं कि एक लाइन का जो काम है देखो ये इंडिविजुअल का काम है ये जो चीज है वो इंडिविजुअल लाइन का काम है ठीक है तो ये काम जब कंप्लीट हो जा रहा है उसके बाद हम चाह रहे हैं कि लाइन जो है वो चेंज हो रहा तो ये काम हो रहा है लाइन चेंज हो गई ये काम हो रहा है ये 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 ऐसे करके तो इस तरह से हमारा जो लूप है वो चल रहा है और इस तरह से हमने ये सुंदर सा पैटर्न जो है वो प्रिंट कर लिया है अगर मैं यहाँ पर टेन डालू तो सॉरी यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको सेलेक्ट करके रन किया है इसलिए मेरे को टेन प्रिंट करने पर फिर से रन करूं यहाँ पर मैं टेन डालू तो अब तुम्हें दिख रहा होगा ये टेन आ गया क्या होगा अगर मैं यहाँ पर हंड्रेड डालू तो ये तुम्हें दिख रहा होगा कि ये इतना बड़ा सा पैटर्न हमारे पास प्रिंट हो गया है अब यहाँ पर हमारे पास इस चीज को भी मुझे छोटा करना पड़ेगा ताकि ये चीजें रैप हो जाए ये चीजें रैप हो रही हैं अगर मैं यहाँ पर फॉन्ट इसका छोटा कर दूं तो यहाँ पर ये और अच्छे से बन जाएगा ठीक है तो तुम्हें तो दिख रहा होगा ये इतने अच्छे तरीके का पैटर्न मैंने बना लिया है आगे और भी पैटर्न हम देखने वाले हैं तो इस तरह से रिविजन टूर वन तो खत्म होता है अभी तुम्हारे पास रिविजन टूर टू भी बचा हुआ है जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इलेवंथ में कुछ नहीं पढ़ा था तुम अगर तुमने अगर ये वीडियो देखी होगी तो तुमने काफी चीज सीख चुके होगे और मैं ये कह सकता हूँ कि रिविजन टूर वन और रिविजन टूर टू देखने पे तुम्हारा जितना भी सिलेबस था पाइथन का क्लास इलेवंथ में वो सारा का सारा बेसिक से लेकर एंड तक खत्म हो जाएगा ठीक है और तुम्हें भी काफी ज्यादा चीजें समझ आ चुकी होंगी और अब मिलते हैं रिविजन टूर टू में